की थी कि मैम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा दो एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पढ़ा जाए क्योंकि काफी सारी चीजें हैं और काफी सारी चीजें स्टूडेंट्स उसमें आइडेंटिकल आपको देखने को मिलेगी तो आज का सेशन जो लगभग पांच से छह घंटे का हो सकता है उस सेशन को हम अच्छे से समअप करने की कोशिश करेंगे मैं बता दूं आप सभी स्टूडेंट्स को कि ये सेगमेंट क्लाट एस्पिरेंट्स जुडिश्री एस्पिरेंट्स जेएलओ एस्पिरेंट्स इनफैक्ट हर वो स्टूडेंट देख सकता है जिसके एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस का हिस्सा है गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी और ये अफवाहें किसने फैलाई है पहले तो ये बताओ बद्दे वाली हम्म hmm? कौन है ये

इस तरीके से हमने चीजों को कंपेयर करते हुए किया है, चाहे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो बहुत ईजी रहेगा हम लोगों के लिए चीजों को याद रखना ठीक है चलो तो साथ बनाए रखना ऐसा नहीं कि मैम बीच में छोड़ के चले जाएं और फिर बोलो कि कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आया ठीक है चलिए मैंने आपसे सवाल पूछा स्टूडेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन हर सब्जेक्ट का या हर एग्जाम का पार्ट क्यों रहता है सिंपल सी चीज है कि भारत के हम लोग यहाँ के सिटीजन हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं इन केस हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है फंडामेंटल राइट्स का स्टूडेंट्स वायलेशन होता है वॉट इज द रेमेडी कहां हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट्स जो कि जरूरी नहीं कि एक लॉ एस्पिरेंट ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि लॉ से कनेक्टेड नहीं है बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस रीजन सिंपल है कि इसका हमारी पूरी जिंदगी से जन्म से लेके मरण तक का पूरा जो सिद्धांत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है एवरी लॉ दैट इज इन टू कंट्री प्रिवेलिंग इन द कंट्री फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रंट नॉम बोला जाता है अगर हम जो स्टूडेंट्स को अच्छे से खोल के देखें स्टूडेंट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रंट नॉम बोला गया ग्रॉम मीज द बेसिक एंड द हाइएस्ट लॉ ऑफ अ कंट्री जहां पर से दूसरे लॉज फ्लो करते हैं कोई भी इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं

क्लियर है यस इट इज द सोर्स ऑफ लॉ फॉर एवरी लॉ वेरी गुड चलिए तो मैं आपको स्टूडेंट्स अपना स्केड्यूल बता दूं आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ओवर कर देंगे स्टूडेंट्स एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट संडे को ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग डीपीसी को कवर करेंगे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वींसिंग एंड कल दैट इज मंडे को जेएलओ का हम लोग पीवा लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग तीन सौ क्वेश्चन रहने वाले हैं 150 क्वेश्चंस 2013 का 150 क्वेश्चंस 2019 का लेंगे बराबर है एंड उसके बाद हमारी जो अगली uh, मैं कहूँ कि जर्नी रहेगी वो रहेगी सीपीसी की इनफैक्ट हमारी सीपीसी की जर्नी डीपीसी से ही स्टार्ट हो जाएगी ठीक है चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे क्या कभी भी कोई भी लॉ स्टूडेंट्स आप उठा के देखो कोई भी बेरेक्ट आप उठा के देखोगे यू विल सी कि उनका फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट टाइटल की बात करता है डेफिनेशन की बात करता है उसके कमेंसमेंट की बात करता है इंटरप्रिटेशन की बात करता है बट कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा उल्टा है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल कहां दे रखा है वो एंड में दे रखा है दैट इज हमें पार्ट ट्वेंटी में देखने को मिलेगा इसके साथ ही मैं आपको बता दू स्टूडेंट्स इट इज नॉट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इज द प्रियम में नहीं जाएंगे जो बेसिक जेलो में जितना पॉलिटी का पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है उसको पढ़ेंगे कौन कौन सी कमिटीज थी कौन कौन में कितने दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ हमारा चाहे नेशनल फ्लैग हो या नेशनल हो क्या वो सारी डेट्स थी क्लियर है चलिए अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया तो हम सभी स्टूडेंट्स यही बोलते हैं मैम ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग रिपब्लिक डे इसीलिए तो सेलिब्रेट करते हैं राइट यस और नो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेक्शन नंबर थ्री क्शन नंबर हम लोग पिछले डेढ़ महीने से न्यू एक्ट पढ़ रहे हैं नए नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वजह से आर्टिकल थ्री नाइन थ्री ऑलरेडी बोल चुका है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहने वाले हैं ओके okay, क्लियर लेकिन थ्री नाइनटी फोर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है और उसने पहले से बोल दिया कि देर आर सर्टन आर्टिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ 26 नवंबर 1949 को इफेक्ट में आ जाएंगे और बाकी के सारे, बाकी के के सारे सारे कब इफेक्ट में आएंगे स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950 तो ये डेट याद रखना है आपको अच्छा एक और डिस्क्लेमर मैं दे दू अगर हम आज के सेशन में केस लॉ कवर करते तो लगभग दो घंटे हमारा सेशन और बढ़ जाएगा केस लॉस के लिए एक अलग से सेशन रहने वाला है अगले ही हफ्ते में आ जाएगा और उसके बाद एक और सेशन रहेगा कंप्लीट अमेंडमेंट्स के ऊपर क्योंकि काफी बार डायरेक्ट केस लॉ से चीजें देखने को मिली और जब केस लॉ का सेगमेंट देखेंगे तो वो आर्टिकल को हम लोग वापस रिवाइज भी करेंगे क्लियर है ये चीज अब सुनो 26 नवंबर को हुआ था रेस्ट 26 को यस एब्सोल्युटली सम सुधो खान राइट right? क्लियर है अब क्या आपको ये सारे आर्टिकल्स याद रखने चाहिए जो 26 नवंबर 1949 को इफेक्ट में आए थे अब मैं सही बताऊं स्टूडेंट्स तो आपको इनको याद रखने की जरूरत है क्योंकि ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आप इनका सब्जेक्ट मैटर देखिएगा सिटीजनशिप से रिलेटेड है हमारे एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है हमारे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है राइट right. तो ये सारी चीजें ट्रांसेशन प्रोविजन से रिलेटेड है तो ये ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगी इसका इफेक्ट जब हम ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा क्लियर है 26 नवंबर को कुछ चुनिंदा आर्टिकल थे जो कि ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुके थे नाउ कमिंग टू दी टू मोर डेट्स जब ये डेट्स दो ऑलरेडी याद कर लिए तो दो इंपॉर्टेंट डेट्स और याद कर लो दैट इज नेशनल फ्लैग किस दिन किया गया था एंड नेशनल एंथम के दिन अडॉप्ट किया गया था अगर स्टूडेंट्स में नेशनल फ्लैग की बात करूं तो इट वॉज ऑन ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन कहने का मतलब यह है सेवन आजादी से कुछ चंद दिन पहले हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था मतलब पहले हमने तिरंगा फहराया इस तरीके से आप याद कर सकते पहले हमने तिरंगा फहराया उसके बाद हमने नेशनल नेशनल एंथम एंथम गाया तो बाद में अडॉप्ट अडॉप्ट हुआ हुआ था कब हुआ था कब 24 जनवरी 1950 दैट इज टू से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आने वाला था उसके मात्र दो दिन पहले हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स ओके लगभग फाइव टू सिक्स की क्लास रहने वाली है यस yes, आयुषी जी बेटा कहां हो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हो चुका लास्ट संडे हम कवर कर चुके हैं क्लियर है ये चीज चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स दैट इज टू से क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलेगा अब ये चीज मैम इंडेक्स ही तो है क्या नई बात है याद कर लो अच्छे से दिमाग में छाप लो इसको क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा आपको पार्ट नंबर पूछा जाएगा या उसका सब्जेक्ट पूछा जाएगा या फिर आपको रेंज पूछी जा सकती है कौन से इसमें से हुए हैं कौन सा इसमें से रिपील हो चुका है यह याद रखना अति आवश्यक है तो पार्ट नंबर वन में क्या है वापस से रिवाइज कर ले हालांकि मुझे अच्छे से पता है कि आपने ये चीज अच्छे से याद कर रखी होगी लेकिन मैं बता दू स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट हो सीआरपीसी सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी इंडियन एविडेंस टीपी कॉन्ट्रैक्ट को भी होगा स्टूडेंट्स उसकी रेंज बहुत अच्छे से याद रखो जितने अच्छे तरीके से रेंज याद होगी स्टूडेंट्स उसके अंदर की चीजें बहुत अच्छे से याद होगी बेसिकली क्या होता है यू हैव सच बिग एक्ट इतना बड़ा एक्ट है क्या अपने आप से याद हो जाएगा नहीं होगा यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन टू सो वाई नॉट डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स दैट इज गिवेन इन देरेक्ट और नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर दी प्रोसीजर जैसे हम सीआरपीसी में कैसे पढ़ते हैं सी में कैसे पढ़ते हैं प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं या फिर अगर हमें सही चीज बेरेक्ट हमें उचित लगे तो के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो इन चीजों को डिवाइड करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास इंडेक्स ने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया और उस पार्ट्स को और चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया तो हमारे लिए ईजी हो जाता है चीजों को याद करना तो जितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इंडेक्स याद होगा आपको उतना ही अच्छे से आप रिकॉल कर पाएंगे चीजों को बिकॉज ये चीजें याद करने के बाद इनके अंदर के आर्टिकल

राइट right? फिर आते हैं हम आर्टिकल नंबर फाइव से लेके आर्टिकल नंबर इलेवन किसकी बात करता है सिटीजनशिप की बात करता है सिटीजनशिप एक्वायर कैसे होगी या सिटीजनशिप हमारी सीज कैसे होगी पार्ट नंबर थ्री हम सबका फेवरेट पार्ट दैट इज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर ट्वेल्व से लेके थर्टी फाइव तक एक एक आर्टिकल को डील करने वाले हैं हम क्लियर है एक एक आर्टिकल को डील करेंगे आर्टिकल नंबर 19 के हर एक क्लॉज को डील करेंगे स्टूडेंट्स कौन से अमेंडमेंट से कौन सा सब क्लॉज या कौन सा हमारा नॉट सब क्लॉज कौन सा हमारा आर्टिकल या कौन सा आगे का क्लॉज ऐड हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स तो वो टेबल अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं ग्राउंड तक आते हैं डिस्क्रिमिनेशन के क्लियर है उसके बाद हमारे पास आता है DPSP, that is Article 36 to Article Article to and then fundamental duties, a, जिसमें बहुत सारी fundamental duties दे रखी है फिर शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा segment, that is Part number फाइव जो बोलता है union, और union में सिर्फ इन्होंने union नहीं लिखा students, इसको भी आगे चार पांच parts में divide किया जहां बोला legislature कैसा होगा union का केंद्र का लेजिस्लेचर कैसा होगा एग्जीक्यूटिव कैसा होगा जुडिशियरी कैसा होगा फिर चाहे हम ऑडिटर जनरल की बात करें वो कैसा होने वाला है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैसा होने वाला है सेम गोज फॉर द स्टेट स्टेट में भी किया स्टेट में कुछ और चीजें डाल दी जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में डाल दिया फिर उसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ने वाले ये पार्ट आपका रिपील हो चुका है स्टूडेंट्स यूनियन यूनियन टेरिटरीज टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे को क्या स्पेसिफिक प्रावधान दे रखा है कौन यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा एंड देन वी विल स्टडी अबाउट दी पंचायत एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो कि अब इफेक्ट में नहीं है नाइनटी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अब स्ट्रक डाउन कर दिया गया है देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर टेन स्केड्यूल्स एंड द सेड्यूल्स एंड द ट्राइबल एरियाज उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर फाइव प्लस पार्ट नंबर सिक्स

फोर्टीन ए जो अक्सर हम बात करते हैं ना जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं कंज्यूमर फोरम ट्रिब्यूनल हो गया या ऐसे बहुत सारे हो गए कोई रेंट ट्रिब्यूनल बना रखा है तो वो ये यहाँ पे पावर मिलती है ट्रिब्यूनल्स का फिर बात करेंगे हमारे इलेक्शन इलेक्शन की दैट इज कमीशन उनका क्या है किसका इलेक्शन कंडक्ट कराने की ड्यूटी और क्या फंक्शन रहते हैं चैप्टर नंबर सिक्सटीन जो बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस सर्टन क्लासेस मतलब क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नंबर सॉरी पार्ट नंबर को भूलना नहीं बिकॉज इसमें आपको नेशनल कमीशन के बारे में में में, 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 बता रखा है, है है, चाहे 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 वो 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 का 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 हो, 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 उनकी डेफिनेशन क्या ये ये सब इधर है। फिर आएंगे हम एक बहुत ही अच्छे से पार्ट पे, that is official languages. ये तो बताओ कि हमारे पार्लियामेंट लैंग्वेज यूज होगी, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट हाई सी की आपातकालीन की टाइप्स डिस्कस करेंगे है मिसलेनियस में हमारे पास क्या आएगा? Mislaneous में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है students. Article 366 definition important रहता है. है जो बात करता अमेंडमेंट की संशोधन की स्पेसिफिकली 368. फिर बात करेंगे टेम्प्री ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की स्पेशल प्रोविजन की फिर बात करेंगे दैट इज लास्ट पार्ट ट्वेंटी टू हालांकि ट्वेंटी टू को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था थ्री नाइनटी थ्री एंड थ्री नाइनटी फोर थ्री नाइनटी फाइव इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स रिपील के दृश्य से रिपील के दृश्य से मतलब क्या क्या चीजें रिपील हो गई ये थोड़ा ध्यान रखना है. चलो लेट्स बिगिन शुरू करेंगे आज का सेशन और अभी हमें यह देखना है कि यहां पे स्केड्यूल कितने हैं कितने स्केडूल है हमारे पास 22 एंड से भी सीधा क्वेश्चन आता है यह बताइए नाइन्थ किससे डील करता है टेंथ किससे डील करता है तो फर्स्ट स्कड्यूल सीधा है ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको हमारे जो पार्ट है उनके सीक्वेंस में देखने को मिलेगा क्लियर है दिस वन शॉर्ट विल बी एनफ यस यशवांगी एनफंगी ठीक है ओके आगे सुनो सो फर्स्ट डील्स विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कोई दिक्कत थी क्या हम पार्ट में भी यही डिस्कस कर रहे हैं प्रिविलेजेस अलाउंस एंड अलाउमेंट्स ये स्केड्यूल्स के बारे में

सॉरी थर्ड स्कड्यूल किससे डील करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन कौन किसको ओथ दिलाता है बहुत जरूरी है सीधा एग्जाम में आता है सीट्स एलोकेशन इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सीट कैसे एलोकेट होगी कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल ट्राइब एंड एंड्यूल एरियाज उनका कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फिर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स की जैसे त्रिपुरा हो गया असम हो गया मिजोरम हो गया स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट स्केड्यूल सेवन स्केड स्केड्यूल नाइन रेगुलेशंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स की बात करते हैं स्केड्यूल नंबर टेन दैट इज एंटी डिफेक्शन की बात करता है स्केड्यूल नंबर इलेवन पंचायत एंड स्केड्यूल नंबर ट्वेल्व इज म्यूनिसपालीज क्लियर है ओके ट्वेंटी फाइव पार्ट नरोत्तम जी ट्वेंटी फाइव पार्ट से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बवा बताओ तो चलो आगे सुनो कई बार देखने को मिला है, में भी देखने को मिला है. कि सोर्स कहां से है, say, है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स उसका सोर्स क्या है कौन से कंट्री से हमारा फीचर आया है वी ऑल नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अड कॉन्टीट्यूशन बोरोड क्यू बोला जाता है स्टूडेंट्स बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी तो वो इतनी फार साइटेड थी कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एग्जॉस्टिव हो इसलिए उन्होंने पूरे विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन देखा कहां कहाँ पे क्या क्या फीचर्स है और वो सारे फीचर्स क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकल्केट कर सकते हैं क्या इंकल्केट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सो फॉर दैट रीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम वर्कर्स ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और सबसे कोई ना कोई कोई ना, कोई ना कोई फीचर जरूर लिया है एंड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट टू बी वन ऑफ काफ़ कॉन्स्टिट्यूशन इवन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है क्लियर है ओके चले आगे यस ओरिजिनली देवर ट्वेंटी टू राइट राइट अभिषेक आगे सुनो कम बैक टू दिस पॉइंट कम बैक टू दिस पॉइंट लेंदीएस्ट so, सबसे पहले तो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है लेंदीएस्ट भी है एंड रिटन भी है आगे कैसे बोला ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट कंट्रीज से लिया गया रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है रिजिड क्यों बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ चीजें ऐसी है जो कि अमेंड करना ईजी नहीं है

बांध, बांध के रखा हुआ है क्लियर है okay? Then is your parliamentary form of government. Parliamentary है? इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास हाउस ऑफ पीपल है सेंटर साथ है. है में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स में क्लियर है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी जुडिशरी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स सुप्रीम गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं स्टूडेंट्स तो हम कहाँ जाएंगे हम जुडिशरी के पास जाएंगे बीट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्लियर है हालांकि हम डिस्कस करेंगे कि किसका रिट ज्यूरिस्डिक्शन वाइडर है किसका स्कोप वाइडर है यह भी डिस्कस करेंगे आगे रूल ऑफ लॉ की बात करें दैट इज जो होगा लॉ के अकॉर्डिंग होगा इट इज द लॉ दैट इज सुप्रीम एंड नो वन इज अब लॉ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जुडिशरी किसी के हाथों में नहीं है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एंड फाइनल से हमारे यहाँ पे जुडिशरी का ही चलेगा जुडिशरी के ऊपर और कोई भी नहीं है फंडामेंटल राइट दे रखे हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार दे रखे हैं डीपीएसपी है फंडामेंटल ड्यूटीज है सेक्युलरिज्म है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स इट मीन दैट इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन कोई एक धर्म को फॉलो नहीं करती इंडिया इंडिया ने पूरे सभी कम्युनिटीज को सभी लोगों को सिटीजन्स को अपना अपना धर्म फॉलो करने के लिए अलाउ कर रखा है ठीक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज हमारे इंडिया में 18 का होते ही आप क्या कर सकते हैं वोट दे सकते हैं पहले ये एज कितनी होती थी ट्वेंटी 21 21 yes no, yes. इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है दूसरे कंट्रीज की तरह सिंगल सिटीजनशिप अगर मैं राजस्थान से तो ऐसे नहीं कि मुझे राजस्थान की नागरिकता अलग से मिलेगी और भारत की नागरिकता अलग से नहीं मैं इंडियन इट अब मैं चाहे किसी भी स्टेट મે રિવાઇડ કરું ક્લિયર હે નેક્સ્ટ ઇસ એમર્જન્સી પ્રોવિઝન દે રખે હે આપતકાલીન કે કુછ હમે પ્રાવધાન દે રખે હે થ્રી ટાયર ગવર્નમેન્ટ થ્રી ટાયર ગવર્નમેન્ટ ક્યુ હે સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન હે સેન્ટર સોરી સેન્ટર હે સ્ટેટ હે ઓર ઉસકે બાદ થર્ડ ટાયર હે ધેટ ઇસ લોકલ સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટ લોકલ બોડીઝ जिसको हम बोलते पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज बोलते વિલેજ લેવલ પે ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલ પે ચાહે ફિર હમ વાહ પે મ्युनिसिपल કોર્પોરેશન હો મ्युनिसिपल કાઉન્સિલ્સ હો ગ્રામ પંચાયત હો પંચાયત સમિતિઓ તો યે સબ કિસકા હિસ્સા હે યે હમારે લોકલ સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટ કા હિસ્સા હે ક્લિયર હે चलो स्टूडेंट्स आगे चलेंगे जहां हमें यह पढ़ना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हैं। अब ये सब वही चीजें जो हम यहां पढ़ के तथ्य हैं जो हमको बारे में जानना चाहिए जहां से डायरेक्ट आपको चीजें पूछी जा सकती है ऑलरेडी पढ़ के आ कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी फीचर्स है यूनिटरी मतलब ज्यादातर आपको दिखेगा कि वहां पर सेंटर स्ट्रॉन्ग नॉट दिस स्टेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किसने किया अब सवाल ये उठता है कि हम ये बैठ के जरूर सोचते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बनाया किसने क्या एक पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था स्टूडेंट्स? देर वॉज प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे जिन्होंने सोचा विचारा और उसके बाद हमारे भारत का संविधान बना था तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी कॉस्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे क्या हिस्ट्री थी हालांकि बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी कुछ लोगों ने अटेंड किया कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया वो फैक्ट्स हमारे लिए जरूरी नहीं बनते हैं। क्या जरूरी बनता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन प्लान पहले आया था स्टूडेंट्स और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठित होने के लिए स्वीकृति मिल गई थी एंड इट टूक टू ईयन मंथ्स एटीन डेज ये तो ना हमको बचपन से याद है टू ईयर्स इलेवन मंथ एंड एटीन डेज लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फ्रेम होने में ये हम इलेवेंथ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली कब से इलेवे स्टैंडर्ड से जब हमने आर्ट्स लिया था ठीक है देन अब ओरिजिनल कॉपी स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिटर्न फॉर्मेट में थी आई मीन टू से वो या प्रिंटेड थी? आंसर नहीं। वो कभी टाइप या प्रिंटेड नहीं थी स्टूडेंट्स हैंड रिटन थी हस्तलिखित था पहली दफा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना स्टूडेंट्स वो क्या था हस्तलिखित था और ये लिखा किसने था ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यूनिक कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आज भी सेफली रखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन स्टैंड ऑन दिन्यू में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पे स्टैंड करता है क्या आधार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट्स इट इज दवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्टी फाइव वहां से बहुत सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किए गए हैं yes, आर्ट्स लिए थे हम भी लास्ट पॉइंट इज इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बोरअ सम ऑफ द बेसिक फीचर्स अब कौन कौन से बेसिक फीचर्स स्टूडेंट्स हमने अडॉप्ट किए हैं कहां कहां से अडॉप्ट किए हैं यह जानना हमारे लिए जरूरी रहेगा

1935 एज अ ऑफिशियल डिमांड 1935 ने 1935 में कांग्रेस पार्टी ने इस डिमांड को ऑफिशियल तरीके से अंग्रेजों के सामने रखा एंड ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया इन दी ऑगस्ट ऑफर 1940 1940 को इसको ऑगस्ट ऑफर के रूप में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया एंड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कैबिनेट मिशन प्लान कब का है स्टूडेंट्स 1946 का है और देखो 1946 में जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एक्सेप्ट किया जाता है 1950 तक तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके क्या कर चुके थे इफेक्ट में भी ला चुके थे इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए इलेक्शन हुए कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होना चाहिए तो यहां पर असेंबली वर इलेक्टेड मेंबर्स मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे बाय द ऑफ द प्रोविंशियल बाय सिंगल ट्रांसफर वोट ऑफ प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन कैसे इलेक्ट किए गए थे हमारे प्रपोशल रिप्रेजेंटेशन मेथड से इलेक्ट किए गए थे कौन से मेंबर्स ने किया था प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने किया था उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म कब हुई थी इट वॉज ऑन सिक्स डिसम्बर बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग कौन सी डेट को हुई थी बताओ ठीक uh, है उत्सव जी आई विल डेफिनेटली डू दिस ऑल्सो ठीक है क्लियर है चलो सभी को वीडियो शेयर करो कौन सा वीडियो शेयर करना है बताओ स्टूडेंट्स यस यस पवन जी वेरी गुड पूर्ण स्वराज डेट बताइए नाइन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स नाइन डिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स ग्रेट अच्छा लिखा हुआ भी है वहां पे

उसके बाद लगभग लगभग इतना टाइम लेने के बाद ओरिजिनल कॉपीज लिखी गई और ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं क्लियर है चलो आगे सुनो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास आठ कमिटीज थी क्या थी एट मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमें हमेशा रहते हैं शायद एक ड्राफ्टिंग कमेटी दिया ना ना ड्राफ्टिंग कमेटी का डेफिनेटली काम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का लेकिन उसके साथ आठ कमिटीज और थी

जिन्होंने भारत के संविधान को बहुत कुछ दिया शायद ये ना होते तो हो सकता है और भी चीजें होती बट यस yes, डेफिनेटली उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाया था हमारे भारत के संविधान के फ्रेमिंग में फिर आती है यूनियन पावर कमेटी यूनियन पावर कमेटी कौन सा है जवाहरलाल नेहरू देखो स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू

कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे जवाहरलाल नेहरू प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे वल्लभ भाई पटेल थे एक और कमेटी के हेड वल्लभ भाई पटेल थे दैट वाज एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया इन चारों के लिए एक स्पेशल टाइप की कमेटी थी वो थी एडवाइजरी कमेटी जहां पे एडवाइस दिया जा रहा था एंड दैट वाज हेड कौन थे वल्लभ भाई पटेल फिर आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी क्या रूल्स फॉलो करने क्या प्रोसीजर रहने वाला है एंड स्टीयरिंग कमेटी इनका हेड कौन था स्टूडेंट्स इनके हेड थे राजेंद्र प्रसाद क्लियर है थे स्टूडेंट्स राजेंद्र प्रसाद थे चलो अब बात करेंगे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में चार और तीन सात मेंबर्स थे लेकिन कई बार इनके नाम में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है आपको कि दो मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था राइट ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी वन ऑफ दी इन दिन असेंबली उसमें से स्टूडेंट्स जो ये सात मेंबर थे कितने थे स्टूडेंट्स सात मेंबर थे स्टूडेंट्स सात में से दो मेंबर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो मीन उनकी डेथ होगी उनको रिप्लेस करने के लिए दो नए मेंबर्स को ऐड किया गया था सो ड्राफ्टिंग कमेटी वो सेट अप ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी विद सेवन मेंबर्स ये डेट मुझे बड़ी आसानी से याद रह जाती है तुम लोग हैं दो दिन पहले बर्थडे विश कर रहे हो ठीक है ट्वेंटी नाइन ऑगस्ट नाइन सेवन को क्या बना था सात थे हमारी ड्राफ्टिंग कब आ गई थी, students, 1946 में आ थी. 1947 में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी वो सेटअप अब नाइनटीन फोर्टी सेवन से लेकर नवंबर फोर्टी नाइन एंड मैं कहूं तो अगर जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तक लगभग इन्होंने कितना टाइम लिया स्टूडेंट्स ढाई साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था यस और नो ढाई साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था कौन कौन मेंबर थे सबसे पहले बीआर आर साहब थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे गोपाल गोपाल स्वामी अयंगर थे भूलना नहीं अलादी स्वामी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर गोपाल स्वामी अयंगर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सदुल्ला माधव राव स्टूडेंट्स माधव राव की जब डेथ हो गई थी उनको रिप्लेस करने के लिए आए थे बीएल मित्तल ध्यान रखना ध्यान रखना सॉरी सॉरी पहले गलती हो मित्तर थे तो आई अपोलोजाइज है इमीडिएटली ऐसा नहीं कि मैम कैसा अपोलोजाइज नहीं करना गलतियां सबसे होती है ना नो इज परफेक्ट सुनो बीएल मित्तर साहब थे बीएल एल साहब थे इनकी डेथ के बाद किसने रिप्लेस किया स्टूडेंट्स माधव राव ने ही रिप्लेस बीएल एल

ब्लैक में जितने भी नाम दे रखे मेंबर्स ये ध्यान रखना है क्योंकि अल्टीमेट दीज वर द मेंबर्स ठीक है क्लियर है चलो नाउ वी विल डिस्कस द प्रीएम्बल प्रीएम्बल क्या होता है इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट में हम प्रीएम्बल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ठीक है लक्ष्य जी इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जेल और एआईबी का जो क्लैश हो रहा है लास्ट सेगमेंट में आपको बता चुकी हूं कि आपको क्या करना है दोनों के मामले में ठीक है क्लियर है अब सुनो फोकस ऑन द क्लास हमने स्टूडेंट्स प्रियम्बल को क्या बोला था प्रियम्बल इज वन ऑफ दी फॉरमोस्ट थिंग जो आपको पूरे लॉ के बारे में जानकारी दे देता है जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाता है लॉ फ्रेम वर्कर्स का जिन्होंने उस लॉ को फ्रेम किया है उनका ऑब्जेक्टिव बता देता है उनका इंसाइट बता देता एग्जैक्टली exactly वो चाहते क्या है तो जब चीजें स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है तो प्रियम्बल इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन इंटरनल टूल में आता है कि नहीं आता इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट में इंटरनल टूल एंड एक्सटर्नल टूल पढ़ा चाहे मैं एड या टूल इट इज वन द सेम थिंग तो उसमें हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि जो प्रियम्बल है वो इंटरनल एड चीजें क्लियर नहीं हम शॉर्ट टाइटल देख लेंगे लॉन्ग टाइटल देख लेंगे प्रियम्बल देख लेंगे सेक्शन देख लेंगे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइजो एक्सेप्शन ये सारी चीजें देख लेंगे इलास्ट्रेशन स्केड्यूल्स

तो हम लोग भी भूल गए थे लेकिन ध्यान रखना जिस सीक्वेंस में दे रखा सीक्वेंस में याद होना जरूरी है बिकॉज डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये सारी चीजों में से प्रायोरिटी वाइज आपको सिलेक्ट करना है यूजीसी नेट में पूछा जाता है जेलों में भी पूछा जा सकता है ठीक है अच्छे से याद है सबको तो जरूर इसको याद रखें चलो अब सुनो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल्स पढ़ेंगे है ना प्रीएम्बल पढ़ लेते एक बार सभी स्टूडेंट्स ताकि हम इसको याद कर ले है ना लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो यही क्या है यही हमारी स्कूल प्रेयर होनी चाहिए है ना लॉ स्टूडेंट्स के लिए लॉ कॉलेजेस में इसको प्रेयर बना देना चाहिए बट ठीक है अब सुनो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत के हम वासी क्या है सोलमली रिजॉल्व लेते हैं रिजॉल्व करते हैं कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे किसमें सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अब इसमें से कौन से वर्ड्स बाद में गए? आगे पढ़ने वाले हम ठीक है एंड टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन्स मतलब सिटीजन को फंडामेंटल राइट right यहीं से मिल रहे स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट का जो हम कहें कि एनलाइटन कहां हुए थे ये यहीं पर दिख गए थे फर्स्ट इन्होंने क्या बोला हम सिटीजन को जस्टिस देंगे बिकॉज जस्टिस इज नेसेसरी जस्टिस कौन सा फील्ड में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कौन कौन सा चाहिए स्टूडेंट जस्टिस हमें तीन तरीके के चाहिए सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेकंड इज लिबर्टी चाहिए फ्रीडम चाहिए लिबर्टी क्या क्या चाहिए फेथ एक्सप्रेशन थॉट बिलीफ मैं कुछ सोच रही हूं मैं कुछ बोल रही हूं उसका हमें लिबर्टी दीजिए वर्शिप करने का भी तो रिलीजन की लिबर्टी आ गई थर्ड इज इक्वालिटी एकता चाहिए इक्वालिटी किसमें चाहिए ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल इक्वालिटी चाहिए स्टेटस में सब समान है अपॉर्चुनिटीज में अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए देन इज फ्रेटर्निटी भाईचारे का भाव हम रखेंगे फ्रेटर्निटी किस लिए अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि हर पर्सन इज रिस्पेक्टेड पर्सन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाए हमारे इंडिया में हिंदुस्तान में क्या हो स्टूडेंट्स एकता का भाव हो इन आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया ने खुद को यह कॉन्स्टिट्यूशन दिया है अच्छे से याद करना है ये आज का आपका होमवर्क रहने वाला है स्टूडेंट इज इट क्लियर अब स्टूडेंट्स प्रियम्बल के कुछ फैक्ट्स के ऊपर चलेंगे क्या फैक्ट्स थे है ना

ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इन्होंने बोला ना वी वांट टू सिक्योर फॉलोइंग थिंग्स मतलब हम जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब एनफोर्स करेंगे तो हम ये चीज लाना चाहते, ये करना चाहते ये हम हर सिटीजन को देना चाहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था डेट हम पहले पढ़ चुके ऑलरेडी लिख चुके हैं ठीक है चलो अब चलेंगे जहां पे हमें प्रियम्बल के बारे में कुछ और चीजें पढ़नी दे है जहाँ हमें नहीं भी पढ़ोगे और की क्लास दे रखी है उसको अच्छे से पता है कि हमारा प्रियम्बल होता क्या है जो हमें इनसाइट देता है ऑब्जेक्टिव बताता है फिलोसफी बताता है अब आइडिया बिहाइंडल ऑफ द इंडियन वर लेड बाय जवाहरलाल नेहरू की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में

क्या एंड उसके बाद 24 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे से पहले हमने स्टूडेंट्स क्या किया था हमने अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था ठीक है क्लियर है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम अभी पढ़ के आ चुके हैं री बेरुबरी केस सॉरी बेरुबरी केस 1960 में बोला प्रीएम्बल पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉट एट ऑल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है मतलब अमेंडमेंट की बात उठ जाती है यहां पे लेकिन केशवानंद भारती केस दैट इज 1973 में बोला प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स अमेंडमेंट जिसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स क्या मैं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकती हूँ वॉज दैट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन येस और नो स yes, तो इसमें क्या क्या वर्ड एड किया गया था सोशलिस्ट सेक्यूलर इंटीग्रिटी वर्ड वर एडेड यहां पर देखोगे सोशलिस्ट एंड सेक्यूलर वर्ड बाद में एड किया गया और यहां पर हमारा वर्ड इंटीग्रिटी कहा गया इंटीग्रिटी वर्ड यस इंटीग्रिटी वर्ड बाद में ऐड किया गया फोर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ये चीज अच्छे से ध्यान रखना बहुत बार स्टेट जुडिशरी में डायरेक्टली यहां से पूछा गया है ठीक है क्लियर हो गया आगे चले चलो ओके okay. ये टेबल सभी स्टूडेंट्स आराम से अपने नोटबुक्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इनफैक्ट ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आई मेक श्योर टू इट इज अननेसेसरी थिंग्स ताकि आपको पीडीएफ थोड़ी क्लीन मिले ठीक है क्लियर है ओके okay, अब सुनो विधिक ज्ञान ड्राफ्टिंग प्लीडिंग नेक्स्ट संडे नेक्स्ट संडे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग उसके नेक्स्ट संडे कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सी क्लियर है अब सुनो स yes, साहिल बेटा क्लास में लेट एंटर हुए हो मैंने पहले ही बोला था ये क्लैट स्टूडेंट्स के लिए भी अलग है क्लैट स्टूडेंट्स को कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी पढ़ना है कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी है है ना सेम ही है तो सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं ठीक है ठीके? आगे सुनो <clears throat> आगे सुनो सो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं आपको जनरल और मेजर फीचर्स बोलू तो स्टूडेंट्स वो यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिए से लिए गए थे United States means USA से से मतलब से USA से लिए 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 लिए, गए, गए, गए। मतलब क्या-क्या लिया लिया, गया? जो है इंडिया का वो भी यूएसए से लिया गया है इलेक्टोरल कॉलेज जो हमारे इलेक्शन में हेल्प करता है स्पेसिफिकली जुडिशरी की बात करें अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशियल रिव्यू पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कमांडर ऑफ आर्म फोर्स एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला ध्यान रखना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया USA से लिया गया अब यूके से क्या लिया गया है यूके से लिया गया पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सोचना ही नहीं है पार्लिमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं हैलरेडी है फीचर इंडिया ने यूके से लिया सिंगल सिटीजनशिप यूएसए में डुबल सिटीजनशिप है यस और नो

नेडा से क्या क्या लिया गया क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड रेजिडल पावर्स जो रेजिडरी पावर्स की हम बात करते हैं दैट इज वो पावर्स जो ना तो स्टेट लिस्ट में फॉल कर रहे हैं ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल कर रहे हैं जो बचे हुए पावर्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसको है स्टूडेंट्स यूनियन को पावर है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया डीपीएसपी काफी बार पूछा जाता है पावर्स भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स ठीक है आयरलैंड से डीपीएसपी ले रखा है राज्यसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है ट एस ट्वेल्व वो भी आयरलैंड से लिया गया मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ये भी यहां से लिया गया फ्रांस से क्या लिया गया एंड आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। तो जो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हम प्रियम्बल में पढ़ते स्टूडेंट्स वो हमने फ्रांस से लिया है ठीक है क्लियर है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है फेडरल ज्यूरजिक्शन कॉन्करेंटले कॉन्करेंटले क्वेश्चन आता है जहां जहां में टिक लगा रही हूँ स्टूडेंट्स मतलब ये पूछे जाते हैं और पहले पूछे गए हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स ऑफ द टू हाउसेस जब दो हाउसेस के बीच में स्टूडेंट्स क्या होता है डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो उस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए और हाउसेस की सहमति लाने के लिए एक joint sitting बुलाई जाती है joint sitting कौन बुलाते हैं प्रेसिडेंट बुलाते हैं और उसको प्रिसाइड कौन करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको प्रिसाइड करते हैं तो ये कहा से लिया गया स्टूडेंट्स यूएस ऑस्ट्रेलिया से लिया गया यूएसएसआर की बात करें या हम सोवियत यूनियन की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया यूएसएसआर से लिया गया प्लानिंग कमीशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के जो ये आइडियाज हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस ये सब कहां से लिया गया है एक मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर दिस ओके जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट ठीक है सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज को रिमूव करना था स्टूडेंट्स जो सोशल आइडिया आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखेगा इकोनॉमिक डीपीएसपी में जो आपको दिखने वाला है ये सब किससे लिया लिया गया लिया गया स्टूडेंट्स यूएसएसआर से है है ठीक नेक्स्ट साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट अमेंडमेंट पूछा जाता है कि कहां से लिया गया 368 वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया गया है इमरजेंसी हमने लिया है जर्मनी से एंड जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ प्रोसीजर स्टैब्लिड बाय लॉ दो कंट्री से लिया गया है एक तो जापान से लिया गया स्टूडेंट्स और एक हमने कहा लॉ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाडे सीपीसी नहीं हो पाएगा कुणाल जी नेक्स्ट संडे हम लोग डीपीसी करेंगे बिकॉज पहले डीपीसी थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएंगे तो सीपीसी पढ़ पाएंगे सीपीसी को प्रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लगेगा ऑनेस्टली लगेगा मैं जल्दीबाजी में कोई सब्जेक्ट इस तरीके से नहीं करा सकती जहां पे स्टूडेंट्स uh, को लगे कुछ अधूरा छूट गया है ठीक है क्लियर है ओके चलो हाँ तो हो जाएगा नाइन्थ सेप्टेंबर से पहले पहले, पहले आपका सीपीसी हो जाएगा शुभ्रता शुभ्रता जी हो जाएगा ठीक है आगे सुनो ओके कमिंग टू मिसलेनियस मैम ये उल्टा कैसे चल रहे उल्टा चलेंगे क्योंकि हमें पहले डेफिनेशन करनी है सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहती कुछ कुछ चुनिंदा डेफिनेशन है जिनका की आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है आर्टिकल पूछा जाता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स है लेकिन उसमें भी आगे क्लॉज पूछा जाता है तो क्लॉज के पर्स्पेक्टिव से कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो एटलीस्ट हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल क्या होता है कहां दे रखा है क्लॉज थ्री में इन्होंने बोला आर्टिकल क्या आर्टिकल मीन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आगे बोला क्लॉज फाइव में

बाय एनी लेजिस्लेचर किसी भी लेजिस्लेचर ने अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट होने से पहले कोई भी लॉ ऑर्डर बाय लॉज रूल्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस बनाया वो सब किस में आता है एग्जिस्टिंग लॉ yes. में ये आर्टिकल नंबर थर्टीन आर्टिकल नंबर थर्टीन में ये लॉ की डेफिनेशन है एज इट इज फिर आता है गुड्स गुड्स के बारे में स्टूडेंट्स कई बार डेफिनेशन पूछा गया है क्लास ट्वेल्व में गुड्स बताया गया है ट्वेल्व ए में बताया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है और आगे सर्विसेज पढ़ेंगे ए में गुड्स में सीधा सीधा ये है कि इट इंक्लूड्स ऑल कमोडिटीज एंड आर्टिकल सारे मेटीरियल कमोडिटीज एंड आर्टिकल आते हैं तो गुड्स एंड सर्विस में क्या आता है वो टैक्स जो कि इज पुट अप ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो टैक्स जो कि गुड्स के सप्लाई एंड सर्विसेज दोनों पे लगाया गया है और Both. लेकिन एक्सेप्ट क्या चीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स में नहीं आती ये है उसके ऊपर अगर कोई भी टैक्स लगाया गया है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कैटेगरी में हम नहीं इंक्लूड करते दिस इज गिवन अंडर ट्वेल्व क्या बोलते हैं इंडियन स्टेट बोला इंडियन स्टेट मीन एनी टेरिटरी विच द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया रेकोग्नाइज एज अ स्टेट हर वो टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया स्टूडेंट रेकग्नाइज किया गया है इसको मैं किसके साथ कनेक्ट करूं बताऊ आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स क्लॉस फिफ्टीन को क्या स्टूडेंट्स में आर्टिकल वन के साथ कनेक्ट कर सकती हूं क्या मैं क्या यस yes, है वो देखो आर्टिकल थ्री लिखा है क्या मैं इसको आर्टिकल नंबर के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ क्या -क्या इंडिया के टेरिटरी में आएगा यस और नो आई कैन कनेक्ट दिस विद दिस विद आर्टिकल नंबर वन आर्टिकल नंबर थ्री सिक्स का क्लॉज सिक्सटीन क्या बोलता है पार्ट क्या होता है क्योंकि कई क्यों जगह बोल रखा है हमने पार्ट 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 तो व्हाट इज अ पार्ट पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट द पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा हो गया है देन आता है 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 क्लॉज नंबर 18 जो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या स्टूडेंट्स जब हम इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट वर्ड लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बट कौन सी इमरजेंसी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं एंड नेशनल इमरजेंसी तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का वर्ड यूज कर रखा है दैट मींस आर्टिकल 352 क्लॉज वाली इमरजेंसी 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 कौन सी एमेर्जन्सी? कहना इसे नेशनल की बात करता ही है तो हमें बहुत बार देखने को मिलेगा सीधा सीधा बोला वेन एवर द एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बट विच टाइप ऑफ इमरजेंसी इट्स इज नेशनल इमरजेंसी क्लियर है नेशनल इमरजेंसी ठीक है नेक्स्ट 26 सिक्स जो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स आपको इसको पढ़ना है ट्वेल्व

तो आर्टिकल 366 क्लॉज 30 बोलता है स्टूडेंट्स कि यूनियन टेरिटरी का मतलब है हर वो टेरिटरी जो फर्स्ट केड्यूल में स्पेसिफाई कर रखी है ठीक है एंड क्या इसमें इंक्लूड करता है सुनो इंक्लूड्स एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडा बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट्यूल क्योंकि बहुत कोई टेरिटरी ऐसी हो सकती है जो फर्स्ट केड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड हो चुकी है अगर फर्स्ट में इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा है स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन in right? अब, अब हम चलेंगे आर्टिकल नंबर वन से शुरू करेंगे और लगभग लगभग हमारा जो ट्वेंटी टू पार्ट है उन सबको हम कवर करने वाले हैं क्लियर है तो सबसे पहला हमारा पार्ट कौन सा रहता है स्टूडेंट्स अंडरस्टूड यस और नो चले आगे रिपील का इसको तो इंसर्ट किया गया ना हा पूजा जी

अचानक से एकदम बूम हो जाएगा और हमारा जुडिशरी के पास आ जाएगा, टेरिटरी क्या, -क्या इंक्लूड होगा तो आपको इसको दो परस्पेक्टिव से पढ़ना है। पहले तो हमें है, students, कि हमारे इंडिया में क्या क्या आता है वॉट इज इंडिया उसके बाद इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आता है तो आर्टिकल नंबर वन ये कहता है यूनियन हमारा जो इंडिया का जो कंट्री का नाम है वो नाम क्या है वो आर्टिकल नंबर वन ने बोल दिया इन्होंने बोला इंडिया जो कि क्या है भारत इंडिया, भारत इंडिया दैट इज शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स स्टेट्स के यूनियन से जो इंडिया बना उसको हम भारत कहते हैं बहुत सारे स्टेट्स हैं और उन सबको सम्मिलित करने के बाद एकत्र करने के बाद जो इंडिया बनता है उसको हम भारत कहते हैं इंडिया दैट इज भारत क्या रहने वाला है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एक

लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जो हो सकता है इंडिया लेटर ऑन एक्वायर कर एक्वायर कर ले किसी के साथ संधि हो जाए इंडिया के साथ मिल जाए तो वो भी क्या होगी वो भी इंडिया के टेरिटरी का हिस्सा होगा सो देर आर थ्री थिंग्स देर आर थ्री थिंग्स जो कि क्या होने वाला है टेरिटरी में आएगा टेरिटरी ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट केड्यूल में स्पेसिफाइड है या कोई भी और टेरिटरी जो स्टूडेंट्स वर्ड अच्छे से देखना जो एक्वायर कर लिया जाए विच मे भी एक्वायर्ड जो बाद में अगर एक्वायर कर लिया गया तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में आने वाला है इज इट क्लियर नाउ स्टेट्स यूटीज एन एक्वायर्ड स्टेट्स और राइट क्लियर right? है चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट जहां अभी हमें देखना है कि हमारे पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना आपको जनरली सब जगह देखने को मिलेगा पार्लियामेंट 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 मे मे डू डू दिस दैट मतलब को उन्होंने खूब सारा पावर दिया है कुछ कंडीशंस भी लगाई है कहीं कहीं पर है ना तो हमारा आर्टिकल नंबर टू थ्री फोर एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज आर्टिकल टू ने हमारे पार्लियामेंट को पावर दिया क्या पार्लियामेंट को पावर दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो न्यू स्टेट को एड कर सकती है स्टेब्लिश कर सकती है क्या बोला न्यू स्टेट को कहीं से इंडिया में ऐड कर, कर सकती है या विद इन कोई न्यू स्टेट स्टैब्लिश कर सकती है यह पावर किसके पास है पावर पार्लियामेंट के पास है ओनली पार्लियामेंट कैन आइदर ऐड और अ न्यू स्टेट दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल टू लेकिन आर्टिकल नंबर थ्री ने एक और अच्छी चीज बताई कि कई बार हमारे स्टेट्स का नाम चेंज हो रहा है कई बार स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हो रही है तो वो करने का पावर किसके पास है तो आर्टिकल नंबर थ्री में स्टूडेंट्स बोला फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स न्यू स्टेट फॉर्म करना है न्यू स्टेट कैसे फॉर्म होगा स्टूडेंट बाहर कोई कंट्री है इंडिया के बाहर या कोई टेरिटरी उसको हम थोड़ी ना कोई न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते नहीं इंडिया में ही कोई स्टेट है उसमें से कोई नया स्टेट फॉर्म करना तो वो पावर किसके पास है पार्लियामेंट के पास है वी ऑल लो की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कहें या कुछ रीजनल लैंग्वेजेस uh, कहें या हम कल्चर कहें उसके बेसिस पे भारत में कई बार अलग स्टेट की डिमांड की गई है राइट बहुत बार अलग अलग स्टेट्स की डिमांड की गई है लेकिन हर बार उन uh, मैं कहूँ डिमांड्स uh, को रिकोगनाइज नहीं किया एग्जाम्पल ले लेते तेलंगाना तेलंगाना एक न्यू स्टेट बना येस और नो कुछ साल पहले ही बना है तो दैट इज़ वॉट दैट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट जिन्होंने यूज़ किया है आर्टिकल नंबर थ्री में जहां पे उन्होंने न्यू स्टेट फॉर्म किया तो चाहे न्यू स्टेट फॉर्म करना है या कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज या एरियाज को अल्टर करना अल्टर मतलब चेंजेस करना है कम ज्यादा करना है वो पावर भी पार्लियामेंट के पास है लेकिन वो करेंगे कैसे देखना दो चीजें दे रखी है स्टूडेंट्स मैंने आर्टिकल नंबर थ्री को इसीलिए डिवाइड करके लिखा है पहला इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स

स और नो सेकेंड इज दैट बाई यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स दो अलग अलग स्टेट थे दो अलग अलग स्टेट थे इन दोनों को जोड़ दिया तो यह बन गया हमारा एक नया स्टेट राइट right? दो अलग अलग स्टेट थे लग रहा था कि नहीं ज्यादा उनमें डाइवर्स कल्चर वगैरह नहीं मिला दिया उनको फाउंड न्यू स्टेट नेक्स्ट इज थर्ड बाई यूनाइटिंग पार्ट ऑफ द स्टेट दो स्टेट पार्ट्स को ये दो स्टेट है इन दोनों स्टेट के दो टुकड़ों को अलग अलग हमने पकड़ पड़ के एक न्यू स्टेट बना दिया तो यहां पर भी न्यू स्टेट बन गया क्लियर है नेक्स्ट इज बायनाइटिंग एनी टेरिटरी टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट क्या बोला स्टूडेंट्स? बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट कोई भी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेट के साथ अगर हमने मिला दिया या उसके स्टेट के साथ पार्ट के साथ मिला दिया स्टेट के पार्ट के साथ तो एक और हमारा न्यू स्टेट बन जाएगा तो इस तरीके से हम न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद हमने बोला कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो हमारे कंट्री में क्या कर सकता है स्टूडेंट स्टेट्स के एरियाज एंड बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है उसमें चेंजेस कर सकता है तो वो चेंजेस कैसे होने वाले हैं तो यहां इन्होंने बताया कि इफ पार्लियामेंट वांट्स किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज कर सकता है दैट इज कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है ओके अंडरस्टूड और साथ में क्या बोला अगर वो चाहे तो बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत या फिर कंट्रीज सॉरी स्टेट्स के नाम को भी क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स यहां पे चेंज किया जा सकता है स्टेट्स के नेम्स को भी यहां पर चेंज किया जा सकता है बट स्टेट्स के नेम्स को चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स एक प्रोसीजर दे रखिये दैट इज यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जो इफेक्टेड स्टेट है उसकी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी ठीक है क्लियर है आगे चले सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर आर्टिकल नंबर थ्री आर्टिकल नंबर फोर आर्टिकल नंबर फोर किसकी बात करता है आर्टिकल नंबर फोर ये बोलता है अगर आपने कोई भी लॉ बनाया आर्टिकल टू एंड थ्री से क्या बोला स्टूडेंट्स आर्टिकल टू एंड आर्टिकल थ्री में अगर आपने क्या किया स्टूडेंट्स अगर आपने अगर आपने आर्टिकल एंड में कोई भी लॉ बनाया तो उसकी से हमारे में होने वाले हैं। okay, एक और चीज बोली गई एंड इट शेल नॉट बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल एटिकल थ्री सिक्सटी एट के लिए हम इसको अमेंडमेंट नहीं मानेंगे अगर आर्टिकल टू आर्टिकल थ्री में पार्लियामेंट पावर्स यूज करके कोई नया लॉ बना रही है लॉ बनाने का मतलब ये चीजें कर रही है कोई न्यू स्टेट फॉर्म कर एडमिशन कर रही है स्टैब्लिशमेंट कर रही है या कोई न्यू फॉर्म अंदर से फॉर्म कर रही है तो उसकी वजह से हम बोलेंगे कि स्केड्यूल फर्स्ट स्केड्यूल फोर में चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए ये एक अमेंडमेंट नहीं रहने वाला है क्लियर है चलो बात करेंगे हमारे सिटीजनशिप की किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स नागरिकता की नागरिकता को स्टूडेंट्स मैंने दो चार्ट्स में डिवाइड किया गया जहां यहाँ पे बेसिक चीजें बताई गई है बेसिक चीजों में मैंने ये दिखाया है स्टूडेंट्स आपको कि आर्टिकल फाइव एट नाइन टेन इलेवन

क्या हर पर्सन स्टूडेंट जो इंडिया की कंट्री में लैंड करता है क्या मैं उसको कह दूं कि वो इंडिया का नागरिक है ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन आई से दैट द आंसर इज नो कैन आई से कौन बोला है सीमा हैदर <laughs> है? चलो आगे सुनो इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाई थी हमने है ना अब सुनो सोचना कि कैसे कैसे उसको यहां पे सिटीजनशिप मिल सकती है सुनो अच्छे से देखो आप परमानेंटली रहने का विचार करो वो जगह होती है डोमिसाइल फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं जोधपुर में रह रही हूं है ना आप सबको पता है, है ना? मैं जोधपुर की हूँ मैं जोधपुर में रह रही हूँ पूरी फैमिली मेरी जोधपुर में रह रही है मान लो अभी ऑफिस ने बोल दिया है ना टीम ने बोल दिया कि मैम डेली में आ जाओ डेली में कुछ साल काम करेंगे ठीक है मैं वहां पे सिर्फ काम के पर्पज के लिए मेरी फैमिली पूरी है सिर्फ चार पांच साल के लिए मुझे पता है मैं वहां काम कर रही हूं या जितने भी टाइम है वहां काम कर रही हूँ पूरी फैमिली आधार कार्ड या जो भी हमारा आइडेंटिटी कार्ड है या वोटर वोटर आई ये सब यहां का बना हुआ है तो मेरा परमानेंटली रिसाइड करने का इंटेंशन किधर है जोधपुर में सो आई एम द डोमिसाइल ऑफ वेयर आई एम द डोमिसाइल ऑफ जोधपुर नॉट ऑफ दिल्ली अंडरस्टूड यस और नो क्लियर है अब सुनो तो इन्होंने बोला

तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से भारत की नागरिकता उन लोगों को मिली है पहली चीज जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ कब हुआ 26 जनवरी 1950 यस और नो गलत तो नहीं बोला 26 जनवरी 1950 को स्टूडेंट्स अगर कोई भी पर्सन इंडिया की टेरिटरी में जन्मा है भारत का नागरिक है ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एनी वन और अ पर्सन हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेन एट दमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो भारत का नागरिक है सेकेंड पॉइंट आईदर ऑफ दी हूज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन दिन ऑफ इंडिया या उनके माता पिता दोनों में से कोई भी अगर भारत की टेरिटरी में जन्म लिया पेरेंट्स ने अगर जन्म लिया पेरेंट्स में से कोई भी माता या पिता में से किसी ने भी एक ने, अगर भारत में जन्म लिया है वो पर्सन भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स वो पर्सन भी यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाने वाला है क्या कहलाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा नेक्स्ट थर्ड इज हुआ ये पॉइंट देखना बहुत अच्छे से देखना इस वजह से कुछ ब्रिटिशर्स को इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई थी सुनो ज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन दिन ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस फाइव इन इमीडिएटली प्रिडिंग सच कमेंट जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स हुआ उसके पांच साल पहले से अगर कोई भारत में ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन है वो क्या है स्टूडेंट्स वो इंडिया का सिटीजन है ये फाइव ईयर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स तो क्या मैं कह दू स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1945 से पहले से अगर कोई यस और नो बताना से पहले से कोई अगर इंडिया में रिसाइड कर रहा है ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है तो वो इंडिया का इंडिया का सिटीजन है यस और नो यस और नो इसी वजह से इसी वजह से स्टूडेंट्स जब देश आजाद हुआ तो काफी लोगों को हमारे देश की नागरिकता मिल गई थी बराबर है यस है क्लियर है

सिटीजनशिप खत्म हो जाती है या फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स हैं जो इंडिया में जन्मे हैं लेकिन बाहर रिसाइड कर रहे हो बच्चा बाहर पैदा हो गया यूएसए में रिसाइड कर रहे हो बच्चा यूएसए में पैदा हो गया तो क्या बोल देंगे कि बच्चा

जन्मा यहां पे है पेरेंट्स यहां पे जन्मे हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स यहां पे जन्मे हैं, और जो कि आज इंडिया के सिटीजन के तौर पे रजिस्टर्ड है कहां पे? इंडिया में नहीं उस कंट्री में जिधर वो रिसाइड कर रहा है ज बीन रजिस्टर्ड एज एजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमैट्स इन दंट्री वेर ही इज फॉर टाइम को ए तो हम बोलेंगे तुम कौन से सिटीजन हो वो सिटीजन हो जो हो तो इंडिया के लेकिन इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो लेकिन इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हो येस और नो क्लियर है क्लियर है ओके okay. बराबर

विदेशी देश की क्या किए किसी और कंट्री की क्या कर ली स्टूडेंट सिटीजनशिप ले ली ठीक है क्लियर है अब सुनो रेफ्यूजी माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट डिस्ट करेंगे वेब है ना

जब तक कि पार्लियामेंट लॉ बना के किसी की सिटीजनशिप खत्म ना कर दे तब तक हर सिटीजन के पास उसके सिटीजनशिप का राइट right है फिर यहीं से कनेक्ट होता है स्टूडेंट हमारा आर्टिकल नंबर इलेवन जो ये बोलता है पार्लियामेंट के पास फुल पावर है वो क्या कर सकते हैं वो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकते हैं रेगुलेट मीनस वॉट रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन का डिफरेंस मैंने समझाया था स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन के टाइम पे रूल्स इज वॉट रूल्स द ऑफिपल्स ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो रेगुलेशन मीन्स वॉट रेगुलेशन मीन्स टू मॉनिटर टू सी टू इंप्लीमेंट थिंग्स टू एग्जीक्यूट थिंग्स टू लुक एंड टू की चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है तो यहां पर बोला कि पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप दैट इज टू से पार्लियामेंट चाहे तो एक्विजिशन कर सकता है या टर्मिनेशन कर सकता है सिटीजनशिप और सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे मुद्दों के बारे में लॉ बनाने का पावर होल सोल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है यस और नो सपना जी अभी यूजीसी नेट का कुछ प्लान नहीं किया हमने इस चैनल पे बट यस वी विल बी डूइंग इट वेरी सुन ठीक है हाँ जितने भी आपके आइडेंटिटी कार्ड हो गए वैभव जी फिर चाहे हमारा आधार कार्ड हो गया वट आर दीज दीज आर द प्रूफ कि हाँ भाई इंडियन सिटीजन है ये जो आपके भामाशाह वगैरह ये सब बन रहे हैं ये आपको बताता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट है और बहुत समय से आप यहाँ हो है ना कोई भी एड्रेस वगैरह चेंज होता है सबसे पहले बोलता है बिजली का पानी का बिजली या पानी का बिल लेके आओ सो दैट इज वॉट ये शो करता है कि ये पर्टिकुलर जगह पे आप रहते हैं यहाँ के आप डोमिसाइल हो यहाँ बिजली का बिल है पानी का बिल है ये सब आप भर रहे हो

कि आजाद होने से पहले जब कुछ लोगों को पता चल गया था कि इंडिया डिवाइड होने वाला तो उन्होंने डिसाइड कर लिया या तो हम इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान चले जाएंगे तो कुछ लोगों ने आजादी से पहले पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से इंडिया आ गए और कुछ लोग आजादी के बाद या तो पाकिस्तान चले गए या फिर भारत आ गए तो अब इस मामले में बहुत कंफ्यूजन थी क्योंकि कोई भी इंडिया में आएगा तो क्या वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा क्या नहीं तो आजादी के टाइम ये जो इधर उधर का जाना था दैट इज वन कंट्री टू सेकेंड कंट्री ये जो स्विचिंग था उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन कहाँ का सिटीजन है तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए 19 जुलाई 1948 में स्टूडेंट्स परमिट सिस्टम लागू किया गया जिसके तहत माइग्रेंट्स की सिटीजनशिप को हमने रिकॉग्नाइज किया कि वो माइग्रेंट्स जो कि पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं या इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले व्यक्ति को सिटीजनशिप मिलेगी और कैसे हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की सिटीजनशिप नागरिकता खत्म हो जाएगी तो ये दो से समझना है हमको आर्टिकल सिक्स एंड आर्टिकल सेवन आर्टिकल सिक्स बोलता है कौन से सिटीजनशिप की बात करता है उन लोगों की जो इंडिया लौटे पाकिस्तान से मतलब जो वापस आ गए दो पीपल हु रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान लेकिन आए कब ये डिपेंड करेगा सो द फर्स्ट

माइग्रेट टू इंडिया भारत से वापस पाकिस्तान आ रहा है कब आ रहा है 19 पहले बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो वापस इंडिया में आ जाता है दैट इज आजादी के बाद परमिट सिस्टम लागू होने के बाद अगर सॉरी उससे पहले नॉट बाद, पहले बिफोर बोला ना तो मैम पहले होगा अगर उससे पहले आ जाता है

लेकिन वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए या उस दिन आए उनका क्या देन इन दैट केस इफ ही माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 स्टूडेंट्स तो उस केस में ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हो तो प्रोवाइडेड जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी स्टेब्लिश की है वो अथॉरिटी आपको मान्यता देगी आपको एज अ सिटीजन रिकग्नाइज करेगी तभी आप क्या बनने वाले हो सिटीजन ऑफ इंडिया बनने वाले हो मतलब यहां एक प्रॉपर पेपर वर्क होने वाला है लेकिन यह भी आपको आते ही नहीं मिल जाएगी आने के बाद भी आपको छह महीने रिसाइड करना पड़ेगा सिक्स मंथस रिसाइडिंग इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आप इस अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन दें उससे उससे पहले उससे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स उसके छह महीने पहले आपने इंडिया में रिसाइड करना तो हम बोलेंगे कि आप इंडिया के सिटीजन है सबको क्लियर हुआ आर्टिकल नंबर सिक्स बराबर यस और नो बोलो हा कि ना अगर ये क्लियर है तो चलेंगे हम आर्टिकल सेवन पर जो ये कहता है कि अगर भारत से पाकिस्तान चला गया तो भारत से पाकिस्तान चले गए तुम्हारी सिटीजनशिप खत्म है भारत से पाकिस्तान चले गए आपकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द हो जाती खत्म हो जाता है अब सुनो यस यस सुरभि दिस इज इज मैंडेटरी मैंडेटरी फर्स्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है इन दोनों में और है ये मैंडेटरी ये ए है ये बी वन एंड बी टू आपके बेरिट के अकॉर्डिंग है ठीक है क्लियर आर्टिकल सेवन ये बोलता है अगर इंडिया से कोई पाकिस्तान चला गया तो भाई आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो सुनो अ पर्सन हु आफ्टर फर्स्ट मार्ची सेवन फर्स्ट मार्च मतलब कि आजादी से कुछ महीने पहले अगर मार्च से के बाद इफ माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान मतलब आप फर्स्ट मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद अगर पाकिस्तान चले गए हो तो ही शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अब आप भारत के सिटीजन नहीं हो भारत के सिटीजन नहीं हो बट मान लो उसका मन चेंज हो गया 1940 सुनो अच्छे से देखना फर्स्ट मार्च 1947 के बाद वहां चले गए हो तुम भारत के सिटीजनशिप नहीं सिटीजन नहीं लेकिन अगर तुम 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गए तो ये पॉइंट लागू हो जाएगा और अगर उसके बाद आए तो ये पॉइंट लागू हो जाएगा है ना लॉजिक है ना अब सेकंड पॉइंट ये क्या बोल रहा है अगर तुम वापस आ गए तो क्या तुमको फर्स्ट मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद वहां गए अब आजादी मिलने में कुछ चार पांच महीने थे तुमने देखा नहीं सही लग रहा और आजादी के बाद हो सकता है तुमको लगा कि और ज्यादा वहां सही नहीं लग रहा तो तुम आजादी के बाद लौटना चाहते थे 15 1947 के बाद भी लौटना चाहते थे क्योंकि तुमको लगा नहीं मैं तो इंडिया में ही रहूंगा मेरा परिवार है वहां तो आपको यह कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी

यू शेल बी एंटाइटल फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ये कि छह महीने वाला क्राइटेरिया पूरा कर दो यस और नो येस और नो क्लियर है बराबर अब देखो बर्थ हो गया डिसेंट हो गया नेचुरलाइजेशन हो गया है या फिर आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी हो गया या रेजिग्नेशन हो गया है इन सब से क्या होता है सॉरी रजिस्ट्रेशन हो गया इन सब से भी क्या होता है स्टूडेंट्स इन सब से भी हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भी सिटीजनशिप मिलती है ठीक है क्लियर है क्या ओके okay, बराबर अप्रॉक्स टाइम यस yes, जितेंद्र जी आपने जो मंच बताया लगभग इसमें आ जाएगा ठीक है क्लियर है लेट्स सी आर किशोर गुदारा जी लेट्स सी क्योंकि अब अब आप जो आपके जो बोल रहे हैं आप सीमा हैदर वो इस केस में फॉल करती है ऑन और, और आफ्टर 19 जुलाई तो अब अगर यहाँ की अथॉरिटी उसको देती है ऐसा कुछ पर्टिकुलर परमिट सेटलमेंट के लिए लेकिन प्रोवाइडेड की जो आपका फॉरनर्स एक्ट है उसके क्राइटेरिया भी उसको फुलफिल करने पड़ेंगे ठीक है क्लियर है चलो आगे चले स्टूडेंट्स ओ क्लैट स्टूडेंट्स चलो ये तुम कुछ वर्ड्स बोलते दो तो समझ आ जाता है आगे चलेंगे डीपीएसपी बाद में करेंगे स्टूडेंट्स क्या करें पहले हम लोग डीपीएसपी कर ले फिर फंडामेंटल राइट्स करें डीपीएसपी कर लेते हैं दो छोटे टॉपिक टॉपिक्स डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स पहले कर सॉरी डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कर लेंगे फंडामेंटल राइट्स बाद में करेंगे फंडामेंटल राइट्स में अच्छा खासा टाइम लगेगा ठीक है क्लियर है ओके सिटीजनशिप काफी तरीके से टर्मिनेट होती है अगर पार्लियामेंट चाहे तो टर्मिनेट कर देगी अगर आपने बाहर की सिटीजनशिप ले ली तो टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है Voluntary giving up. चलो, पहले फिनिश कर लेते हैं हम डी एस पी डाय डी पी एस पी बताओ डी पी एस पी क्या होते हैं आर दल स्टूडेंट्स ये क्लास स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता है क्या डीपीएसपी स्टूडेंट्स एनफोर्सिबल होते हैं क्या नहीं मैम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सिएबल नाइदर दे आर जस्टिशियबल ये क्या है ये मात्र कुछ डायरेक्शन है फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट ये मात्र कुछ मैं कहूं डायरेक्टिव हैं जो हम वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए हमने डाल रखे हैं ताकि क्या हो जाए यस yes, दे अच्छा मैं सोच नो किस ओके दे आर नॉट जस्टिशेबल बिकॉज दे आर नियरली द डायरेक्शन फॉर द स्टेट एंड स्टेट यह डिसाइड करेगा कि उनको ये फॉलो करना है या नहीं करना स्टेट इज नॉट बाउंड टू मेक लॉज ऑन दिस वो स्टेट की इच्छा है अच्छा ये बोरो कहां से किया गया है आयरलैंड से बोरो किया गया है याद है ना डीपीएसपी कहां से बोरो किया गया स्टूडेंट्स आयरलैंड से बोलो बोरो, बोरो किया गया अब डीपीएसपी आपको याद करना ही करना पड़ेगा जेल के एस्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से याद कर लेना यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से याद कर लेना सीधा के सीधा आर्टिकल नंबर वाइज आपसे पूछा जाता है इसमें एक और चीज हम करने वाले हैं कि हम इनको कुछ प्रिंसिपल्स पे भी डिवाइड करेंगे ये देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधी प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेक्चुअल प्रिंसिपल पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है क्लियर है चलो आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स कैन आई रीड दिस विद आर्टिकल नंबर ट्वेल्व जो बोलता है स्टेट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम आर्टिकल नंबर ट्वेल्व पढ़ेंगे जो बोला स्टेट क्या होता है वैसे वैसे आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स ने बोला स्टेट क्या होता है एल यू आर्टिकल नंबर थर्टी सेवन बोलता है पार्ट फोर शेल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ नॉट एनफोर्सेबल मीन यू कैन नॉट गो इन टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू एनफोर्स दिस डीपीएसपी

कैसा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रीएम्बल में दे रखा है तो कहां दिखेगा आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट से की गई यहां पे आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है आर्टिकल नंबर 39 ने कुछ पॉलिसीज बताई जहां ये बोला स्टेट को ये यह मेकश्योर sure करना है कि एडिक्वेट मींस ऑफ लिविंग लाइवलीहुड मिले लाइवलीहुड मतलब हर पर्सन को अच्छा खाना मिले मकान मिले ये सारी चीजें स्टेट ने इंश्योर कर दी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मेटीरियल रिसोर्सेज ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा हम कहें तो रिसोर्सेस का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी या कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज में ये स्टेट को इंश्योर करना है ठीक है अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स यहां पे किसकी बात की मेटीरियल रिसोर्सेज की बात की कि ओनरशिप उनको देखनी है कंट्रोल उनको देखना है फिर बोला कि अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कि जितना भी कंट्री में धन है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में चले जाए मतलब रिच बिकम रिच एंड पुअर बिकम पुअर दिस इज नॉट अलाउड क्लियर है आयरलैंड से बोरो क्या गया पूजा जी आयरलैंड से ठीक है ठीक है बराबर कार्तिके आगे सुनो आगे सुनो अचीवर्स बैच राइजर्स बैच इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये मेकश्योर sure करना है मेन और वुमेन को दोनों को बराबर पैसा दिया जाए इक्वल वर्क इक्वल पे प्रोटेक्शन ऑफ दी स्ट्रेंथ एंड दी हेल्थ ऑफ दर्कर्स वर्कर्स हैं भाई अब रोज काम करते हैं तो उनकी हेल्थ और उनके स्ट्रेंथ के बारे में भी स्टेट को ध्यान रखना है चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड ये स्टेट को ध्यान रखना है कमिंग टू आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन ए फ्री लीगल एड फ्री लीगल एड हम करेक्ट कर सकते हैं सीआरपीसी से जुडिश्री एस्पेरेंट्स वी कैन यस यस क्लैट एस्पिरेंट्स कैन वॉच दिस थर्टी नाइन ए किससे डील करता है फ्री लीगल एड से फ्री लीगल एड हर उस पर्सन को मिलेगा स्टूडेंट्स हु इज नॉट कॉम्पिटेंट और हु इज नॉट हैविंग एडिक्वेट मीनस टू हायर अ एडवोकेट और अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव बट अ लीगल प्रैक्टिशनर जो हायर नहीं कर सकता है उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फ्री लीगल एड के लिए स्टेट को ऐसे लॉज बनाने यस सेक्शन नंबर थ्री जीरो फोर राइट कोर्ट ऑफ सेशन को ये पावर मिल रखी है नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल फोर्टी तमाम याद रहता है ना प्रिंसिपल पे बेस्ड है वेलफेयर ऑफ दी गवर्नमेंट आर्टिकल नंबर फोर्टी वन किसमें दे रखा है आर्टिकल नंबर फोर्टी वन बात करता है स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ दी वेलफेयर गवर्नमेंट यहां पे कहने का मतलब ये कि हम वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस किसके बारे में वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के मामले में क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहां पे स्टेट ऐसे लॉज बना सकता है आर्टिकल 42 सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क ध्यान रखना 41, 42, 43 एंड एंड 44 44 ए बी ये लगभग स्टूडेंट्स आपको क्या लिखेंगे ये कामकाज से रिलेटेड बात करते हैं जहां 42 ने ये बोला कि सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन ऐसी कंडीशन होनी होनी चाहिए जो जस्ट हो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन नहीं हो 43 बोलता है फेयर वेजेस एंड डीसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सामान्यतः हर व्यक्ति का इतना उसको जीवन जीने का पर्याप्त साधन मिले कि अच्छी जिंदगी जी जी सके फोर्टी थ्री ए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये स्टेट हैज टू इंश्योर कि यहां पे क्या होने वाला है कि इनको प्रॉपर क्या मिले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन मिले कब ऐड हुआ था फोर्टी थ्री ए है ए है मतलब फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से एड हुआ है जितना भी ए वाला पार्ट है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से एड हुआ है

सिविल कोड का मतलब क्या आप यह देखो यूनिफॉर्म मतलब समान सिविल कोड सिविल कोड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक नागरिक के जीवन में जो सारी चीजें होती उन सब से रिलेटेड एक लॉ बनेगा हर अलग अलग रिलीजन का पर्सन जो है वो वो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न गवर्न नहीं होगा वो होगा किससे एक यूनिफॉर्म कोड से गवर्न होगा जहां पर उसके मैरिज के राइट हो गए अडोप्शन के राइट हो गए इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का राइट हो गया है डायवोर्स के लॉज हो गए वो सबके लिए सेम बनाने का यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान स्टेट कर सकती है वो चाहे तो ऐसा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 45 इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर क्या बोला आर्टिकल 5 45 ये बोलता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यहां मैं लिख सकती हूं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेशन भी बोला है स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना एजुकेशन दैट इज एटी सिक्समेंट एक्ट चिल्ड्रन की एज दे रखी है एजुकेशन uh, देनी है ये स्टेट की ड्यूटी रहने वाली, रहने वाली कि वो चाहे तो ऐसे लॉस बना सकते हैं आर्टिकल नंबर फोर्टी सिक्स प्रोटेक्शन स्टेट है आर्टिकल फोर्टी सेवन किसकी बात करता है न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ फोर्टी एट बात करता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री फोर्टी एट किसकी बात करता है सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ना इजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री फोर्टी एट एस की बात करता है स्टूडेंट्स ये बात करता है इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से फोर्टी नाइन बात करता है कि मॉन्यूमेंट्स हो गए प्लेस हो गए ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे आर्टिकल नंबर फिफ्टी दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम दी फ्रॉम दी एगिक्यूटिव दोनों क्या करेंगे अपने अपने डिफरेंसेस करेंगे एंड दैट इज काम अलग करेगा एंड उसके बाद आर्टिकल नंबर फिफ्टी वन किसकी बात करता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हमें क्या करना है हमें प्रमोट करना है येमेंट एक्ट टू थाउजेंड या टू थाउजेंड है चल सॉरी टू थाउजेंड टू है इट इज टू थाउजेंड टू अब स्टूडेंट्स हम कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना सोशलिस्ट प्रिंसिपल के कौन कौन से आर्टिकल गांधी प्रिंसिपल के कौन से हैं एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के कौन कौन से हैं अब चलेंगे अमेंडमेंट्स की तरफ जनरली आपको स्टूडेंट्स गांधी प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है तो ये याद रखना आपका थोड़ा जिम्मेदारी बनेगा अब सुनो अमेंडमेंट कब कब कहां कहा हुए फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइन फोर्टी सिक्स जितने भी ए वाले पार्ट थे चाहे मैं थर्टी नाइन ए बोलू फोर्टी थ्री ए बोलू या फोर्टी एट ए बोलू ये ए वाले जितने भी पॉइंटर्स स्टूडेंट किससे ऐड हुए थे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से एक्ट से ऐड हुए थे फिर आता है फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट तो इन्होंने क्या कहा था इन्होंने आर्टिकल थर्टी एट में एक क्या ऐड किया गया स्टूडेंट्स एक और पार्ट ऐड किया एक और सेगमेंट ऐड किया विच मैंडेट दी स्टेट टू रिड्यूस इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज और क्या एलिमिनेट किया right है? Okay. आगे देखो मीनाक्षी जी एटी सिक्स अमेंडमेंट ट्वेंटी वन ए फोर्टी फाइव ये एंड फिफ्टी में के बी किया गया था यस yes. ये देखो अमेंडमेंट ये क्या बोला कि आर्टिकल 45 में हमने सब्जेक्ट मैटर चेंज किया इससे पहले सब्जेक्ट मैटर अलग था अब हमने क्या बोला कि जो अर्ली चाइल्डहुड एज है या अर्ली चाइल्डहुड में आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो जब तक कि वो बिलो सिक्स है तो ये किसमें दे रखा है 45 में में 21 ए क्या बोला कि एजुकेशन जो है वो राइट टू एजुकेशन बनाया गया उसको क्या बोला गया कि लाइफ टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में एजुकेशन भी एक हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसको हमने आर्टिकल नंबर ट्वेंटी ए में रिकोगनाइज किया गया एंड फिफ्टी में दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी में हमने पेरेंट्स के ऊपर ये ड्यूटी लगाई है कि आप अपने सिक्स टू फोर्टीन और नो यस और नो फंडामेंटल ड्यूटीज में टू टू है वहां बोला गया के बच्चों को आप अपने उनको एजुकेशन दें आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर फोर्टी थ्री बी को एड किया गया और हम बोल चुके हैं कॉपोरेटिव सोसाइटीज के जितने भी प्रोविजन हैं उन सबको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है क्लियर है शिवानंद जी हिंदी में ही बोल रहे हैं हम ठीक है चलो आगे चले ओके अब हम चलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य क्या है सभी के मौलिक कर्तव्य में ये किससे ऐड हुए थे स्टूडेंट्स इसका जिक्र किसने किया था ये ऐड हुआ था हमारे अमेंडमेंट अमेंडमेंट से 1976, 46 को हम क्या बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं एंड अब हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कौन सी स्टूडेंट स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था आर्टिकल फोर्टी वन ए को अब ये ध्यान रखना है रिक्वेस्ट बहुत बेटा मेरा मीडियम इंग्लिश है तो मैं पूरी प्रयास करूंगी कि हिंदी को भी मैं साथ में इनकलकेट करूँ बट ओवर द डे सडनली एकदम से हिंदी पे स्विच नहीं हो सकते है ना कोशिश करूंगी कि मैं मेक श्योर सिर्फ पीपीटी ही हिंदी में लाना है तो बोल दो है पीपीटी हिंदी में लाना है तो पीपीटी भी हिंदी में ला देंगे ठीक है क्लियर है आगे चले बताओ हम्म hmm. कौन पूछ रहा है आर्टिकल थर्टी नाइन ई नरोत्तम दास जी क्या हो गया बताओ ये सारी ड्यूटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्लियर है आगे सुनो चलो सबसे पहले क्या बोला है नेशनल फ्लैग को करना है, एंथम को रिस्पेक्ट करना है और उसके साथ ही ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल मोटिवेट आर नेशन फाइट फॉर दी फ्रीडम तो जितने भी नेशनल स्ट्रगलर्स थे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको हमें रिस्पेक्ट करना है क्लॉज सी बोलता है सेफ गार्ड एंड डिफेंस इंडिया सॉवरिनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमें सेफ गार्ड करना है प्रोटेक्ट करना है जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत हो हमें अपनी सर्विसेस वहां पर देनी है ये दे रखा है क्लॉज डी में टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड प्रोवाइड फॉर इट्स नीड वेन एवर नेसेसरी ई में क्या बोला है प्रोमोट पीस एंड फीलिंग ऑफ यूनिटी अमंग ऑल इंडियंस एफ में बोला है ऑनर एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर हिस्ट्री ऑफ आर डाइवर्स कल्चर जो भी कल्चर है हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं उनको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट करके रखना है टू रिस्पेक्ट प्रिजर्व वर्ल्ड स तो इसको क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर फोर्टी एट एंड फोर्टी एट ए से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं राइट right? क्लियर है आगे सुनो हा इसके बाद फंडामेंटल राइट ही डिस्कस करेंगे कोई दिक्कत नहीं क्लॉज एच बोलता है टू प्रमोट ह्यूमैनिज्म अ अ कल्चर कल्चर ऑफ ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म एंड साइंटिफिक माइंडसेट तो स्टूडेंट्स अब अगर ये जितनी भी चीजें देखोगे याद करना मुश्किल होता है लेकिन समझना कोई कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है कहने का मतलब है यहां पे स्पेसिफिकली अगर मैं किसकी बात करूं एच की बात करूं करू. तो ये बोल साइंटिफिक को हमें क्या करना है डेवलप करना है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स को हमें मेक श्योर sure करना है आई पॉइंट क्या बोलता है प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिजेक्टिंग द वॉयेंसिस कोई भी वॉयलेंस को हम क्या नहीं करेंगे एंटरटेन नहीं करेंगे जे पॉइंट बोल रहा है

पार्ट इलेवन के बाद स्टूडेंट्स हम डॉक्टर कवर करेंगे याद रखवाएंगे सभी स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विध लेट्स 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 बिगिन विथ फंडामेंटल राइट ठीक है टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट ठीक है पार्ट थ्री पार्ट थ्री क्या बोलता है पीडीएफ के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बोल चुकी हूं ये पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे स्टूडेंट्स ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडब्ल्यू लॉ वाला जुडिशियरी टेलीग्राम चैनल से अब सुनो हमने बोला स्टूडेंट्स कि पार्ट फोर में हम पढ़ के आए क्या डीपीएसपी पार्ट फोर ए में क्या डिस्कस करके आए हम हम पढ़ के आए हैं वहां पे फोर ए में फंडामेंटल ड्यूटीज फोर में क्या पढ़ा स्टूडेंट्स डीपीएसपी फोर ए में पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन से नाइनटीन uh, से एड भी किया गया और सोन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को एड किया गया अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट जहां पे आर्टिकल नंबर ट्वेल्व से लेके 35 तक हमें यह बताया गया है दैट वॉट आर फंडामेंटल राइट कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं किसको कितना राइट right है कितना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है यह सब फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर फंडामेंटल राइट्स जस्टिशियबल क्या फंडामेंटल राइट्स जस्टिशियबल हैं या नहीं जस्टिशियबल कहूं या एनफोर्सेबल कहूं वट दैट मीन दैट कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉलिड होते हैं वी कैन गो टू द कोर्ट दे आर एनफोर्सियबल दे आर जस्टिशियबल अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट लेकिन इनिशियलीट टू प्रॉपर्टी इज ना मोर ऑफ फंडामेंटल राइट अब ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट right है संविधानिक अधिकार है मौलिक अधिकार के क्षेत्र में अब हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं आता है सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी फोर्टीन से लेकेटीन तक उसके बाद आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक फिर आता है हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कोई भी बच्चा हो गया आप उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे बॉन्डेड लेबर नहीं करेंगे बेकार नहीं करेंगे 23 एंड 24 फिर आता है राइट टू रिलीजन 25 से लेके 28 तक फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 टू चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुई है या आपकी आ, मैं कहूँ रीजनल माइनॉरिटी हुई है उनको सबको रिस्पेक्ट करना उनके कुछ अधिकार हैं उनको स्पेशल अधिकार दिए गए हैं फिर बात करेंगे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है दैट इज रिट्स के बारे में और जब हम आर्टिकल थर्टी टू डिस्कस करेंगे टू ट्वेंटी सिक्स को भी कनेक्ट करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना है स्टूडेंट्स कि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो फंडामेंटल राइट्स हमें देता कौन है स्टेट देता है मेरे अगर फंडामेंटल राइट्स आई हैव राइट टू लिव विद पीस डिग्निटी रिस्पेक्ट मुझे कोई हार्म ना करे लेकिन कोई आके मेरे अगेंस्ट ऑफेंस करता है तो आई विल बी फाइलिंग द केस मैं केस फाइल करूंगी लेकिन नाम किसका होता है स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ दिल्ली सॉरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो ये सब क्या है ये सब नाम इसलिए है स्टूडेंट स्टेट का नाम इसलिए बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट मी ये स्टेट की ड्यूटी थी मुझे प्रोटेक्ट करे लेकिन स्टेट ने ड्यूटी नहीं निभाई ना मुझे प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुकी है दैट इज द रीजन अक्यूज के अगेंस्ट केस कौन फाइल करता है स्टेट एवरी ऑफेंस इज नॉट जस्ट एन ऑफेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन बट एन ऑफेंस अगेंस्ट द कम्युनिटी और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ये माना जाता है कि कोई भी अपराध कोई व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं होता है वो पूरे राज्य के या पूरे देश के विरुद्ध होता है या हमारे किसके विरुद्ध होता है उस अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है जो कि हमको फंडामेंटल राइट्स दे रही है ठीक है क्लियर है चलो स्टेट क्या होता है सेम डेफिनेशन आपको कहा देखने को मिलेगी स्टूडेंट आर्टिकल थर्टी सिक्स में भी देखने को मिलेगी जो किससे डील करता है हमारा पार्ट फोर से डील करता है दैट इज डीपीएसपी तो यहां बोला गया मैम स्टेट में तीन चीजें इंक्लूडेड है वॉट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट हालांकि बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे बीसीसीआई का केस है, है ना जी टेलीफिल्म का केस है है ना एयरपोर्ट अथॉरिटीज का केस है वो सब हम फंडामेंटल राइट के जितने भी केसेस नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी है, उसके हम एक अलग से क्लास लगाएंगे लगभग एक डेढ़ घंटे की क्लास होगी प्रॉपर फॉर्म में उसको लेके आएंगे ठीक है क्लियर अब सुनो इन्होंने बोला स्टेट में आता है पार्लियामेंट एंड दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई एंड एक पार्लियामेंट होगी पार्लियामेंट मीन हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये किस में आ गया ये स्टेट में आ गया ओके सेकंड थिंग इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ई स्टेट हर स्टेट की लेजिस्लेचर और हर स्टेट का गवर्नमेंट वो भी किस में आता है स्टेट में आता है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इंक्लूड्स व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद तो यह किसमें आ गया है ये हमारे स्टेट में आ गया लेकिन और भी ऐसी अथॉरिटीज हो सकती है इसलिए पॉइंट नंबर थ्री बोलता है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज जितनी भी लोकल एंड अदर अथॉरिटीज है ये जो स्टूडेंट्स वर्ड है ना ये टर्म ये बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई जगह जब सवाल ये उठता है वेदर एनी पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर यू नो अथॉरिटी और एनी पर्टिकुलर कॉरपोरेशन एनी कंपनी विल कम विद इन दी एम्बिट ऑफ अथॉरिटीज और नॉट ये अथॉरिटी के अंदर आएगी या नहीं आएगी बहुत बार ऐसा सवाल उठता है चाहे एनसीआरटी हो मूवीज हो भेल हो बहुत सारी चीज़ें कि ये अथॉरिटीज़ क्या हमारे स्टेट की डेफिनेशन में आती या नहीं आती इंडियन रेलवेज हो गया है बी हो चुका है मेडिकल बोर्ड हो चुका है तो ये सब अलग अलग केस लॉ में डिस्कस किया गया उन्होंने बोला ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज कौन सी अथॉरिटीज जो कि इंडिया की टेरिटरी में विद इन द दिन ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो इंडिया की टेरिटरी में है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है उनके क्षेत्र अधिकार में आती है उनके कंट्रोल में है हम बोलेंगे वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है क्लियर है ठीक है आगे चले अब सुनो फर्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर थर्टीन थर्टीन बहुत अच्छे से समझना बहुत सारी चीजें दे रखी है आर्टिकल नंबर थर्टी में इसलिए मैंने इसके सारे क्लॉजेस को अच्छे से डिवाइड कर रखा है थर्टीन इतना महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट्स कि अगर थर्टीन नहीं होता तो न जाने हमारा क्या होता क्योंकि स्टूडेंट्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया उससे पहले ऑलरेडी कुछ लॉज बने हुए थे लेकिन वॉट इफ जो अब कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके कॉन्ट्री वो पहले वाले लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर स्टेट ने कुछ कॉन्ट्री लॉज बना दिया तो क्या इसी चीज को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल नंबर थर्टीन आता है जो बोलता है ऐसे जो कि इनकंसिस्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से चाहे के पहले बने हो या बाद में बने हो हमारे कोर्ट के पास दैट इज जुडिशरी के पास अथॉरिटी बनती है कि वो उसको क्या कर सके वो डिक्लेयर कर सके लेकिन इन्होंने क्लियरली ये बोला है कि हम बताएंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है तो फर्स्ट क्लॉज कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज अगर वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया उससे पहले वाले, pre, उससे पहले पहले वाले वाले प्री कोई भी लॉज है तो वो आज अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट में आने के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाते हैं क्या हो जाते हैं वॉइड हो जाते हैं एंड दैट इज सेट टू बी ऑफ एक्लिप्स डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स मीन उस पर ग्रहण लग जाता है ग्रहण मतलब देटिव ये होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स ये होता है हमारा क्या बोलता है? ये बोलता है है ये स्टेट इनकिस और अगर बना दे तो वाइट कैन आई से ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बोल रहा है कि मैम जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आ गया उसके बाद कोई भी स्टेट

पता नहीं हमारे साथ भी हुआ था हम लोग नए नए कॉलेज में गए थे टीचर बोलते वॉट इज लॉ काश मुझे ये पता होता या मेरी क्लास में किसी को पता होता और पता नहीं टीचर ने भी कौन सी डेफिनेशन बोली शायद कॉन्स्टिट्यूशन वाली टीचर नहीं थी कोई और टीचर थी नहीं तो हमको बताती कि बेटा आर्टिकल थर्टीन क्लास थ्री में आपको लॉ की डेफिनेशन दे रखी बट एनी अब उन्होंने नहीं बताया लेकिन बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो हमको पता अच्छा लॉ डिफाइंड है तो वॉट इज लॉ जब हमको बोलते कि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो वॉट इज लॉ इट इज गिवेन अंडर आर्टिकल थर्टीन क्लास थ्री जो बोलता है लॉ मीन्स ऑर्डिनेंस रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर बाइ लॉज नोटिफिकेशन कस्टम एंड यूसेज इतनी सारी चीजें हैं अब सवाल ये उठता है कि ऑर्डिनेंस क्या है फिर जुडिशियल रिव्यू स्टूडेंट्स कंचन कंचन जी जुडिशियल रिव्यू डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू कोई एक आर्टिकल में नहीं है बहुत सारे आर्टिकल्स में है जहां जहां पे हमारे कोर्ट्स को पावर है दे कैन रिव्यू दैट पर्टिकुलर लॉ टेक देयर ओन डिसीजन डिक्लेयर इड अनकॉन्स्टिट्यूशन दैट आर्टिकल इज सेट टू बी एन आर्टिकल फॉर जुडिशियल रिव्यू क्लियर है ऑर्डिनेंस क्या होता है आर्टिकल नंबर 123, 213 में जहां पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसा कोई लॉ बना रहे हैं जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन तो मैम आपने तो सिर्फ स्टेट और यूनियन को याद किया व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज के लिए भी ऑर्डिनेंस बनता है किधर बनता है बताओ मैं हिंट दे देती हूं टू इसके आगे बता देना ए है डबल ए है ए बी है तो वो हो गया ऑर्डिनेंस ऑर्डर स कोर्ट कोई भी ऑर्डर निकाले बायलॉज मीन वॉट बायस द लोकल लॉस जो पर्टिकुलर लैंड है कहीं कहीं पर अलग अलग लॉस हो सकते हैं दे आर सेट टू बी द दॉस टाइप ऑफ लोकल लॉस रूल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन क्या होता है टू रेगुलेट टू मॉनिटर टू सी टू कंट्रोल की चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है नोटिफिकेशन जो कि हमारी गवर्नमेंट निकालती रहती है पब्लिक गेजेट में कस्टम्स हो गए या यूजेज हो गए कुछ प्रथाएं वगैरह हो गई वो सब लॉज में आता है क्लियर टू थर्टी नाइन डबल ए तो मैम डेली से डील करता है ठीक है क्लियर है ए बी वेरी गुड कंचन जी वेरी गुड ठीक है क्लियर है आगे चलें, आगे स्टूडेंट्स चल डील करेंगे बहुत सारे प्रोविजन है यूनियन टेरिटरी को अच्छे से डील करेंगे दिल्ली वाला कौन सा है दिल्ली के नेशनल इमरजेंसी वाला कौन सा है और हमारे ऑर्डिनेंस के बारे में कौन सा है ठीक है आगे सुनो दैट इज फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है आर्टिकल 13 का फोर्थ पॉइंट ये बोलता है दैट मैम नो एप्लीकेशन

कि मैम यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हमने आर्टिकल नंबर थर्टीन में अनुच्छेद तेरह में हमने जुडिशरी को इतना पावर दे दिया अच्छे से सुनेंगे ये कहानी इसीलिए आप सुनेंगे हम जब हमने स्टूडेंट्स जुडिशरी को इतना पावर दे दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई लॉ बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई लॉ बनाए तुम वही डिक्लेयर कर दो तो अगर तुमको लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है लेकिन यहां पे हमारा पार्लियामेंट जब थोड़ी बैठेगा क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया ना पार्लियामेंट एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लॉ बनाता है और यहां पे जुडिशियरी उसको वॉइड कर देता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो ये लड़ाई स्टूडेंट्स जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट के बीच बहुत बहुत पुरानी और बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है और इसी लड़ाई से एक उत्पन्न होता है दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट के टसल के वजह से उत्पन्न होता है क्योंकि कई बार पार्लियामेंट लॉ बनाती है अमेंडमेंट्स करती है लेकिन उसके बाद क्या करता है उसके बाद हमारा जुडिशरी वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो हमें वो पूरी टाइमलाइन देखनी है कहां से एक्चुअली ये मुद्दा शुरू हुआ तो चलेंगे हम टाइमलाइन पे पहले आता है शंकरी प्रसाद का केस जहां फर्स्ट अमेंडमेंट हमने चैलेंज किया फिर सज्जन सिंह जहां सेवेंटीन अमेंडमेंट चैलेंज किया गोलकनाथ केस जिसमें सज्जन सिंह केस को हमने ओवर रूल सॉरी कंफर्म किया Sorry, uh, yes, इसकी बात हमने वापस यहां की इसमें आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स देखो फिर बोला गया है किसमें भारती में में किया हमने हमने क्या, -क्या students, हमने मिनर्वा मिल्स में देखा तो सज्जन सिंह को कहा ओवर रूल किया गया स्टूडेंट्स गोलकनाथ में अब सुनो इसकी कहानी एक्जैक्टली थी कैसे ये है इसकी पूरी कहानी डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यह कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में मैम कुछ ऐसी चीजें जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नीव है स्टूडेंट्स वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बेसिक स्ट्रक्चर है कि अगर उस नीव को हिलाया तो पूरा घर हिल जाएगा अगर students, मैं आपको कहूं अगर मैं आपको कहूं कि ये पूरी बिल्डिंग है ये क्या है स्टूडेंट्स पूरी बिल्डिंग है और यहां पर इस पूरी बिल्डिंग की नीव है बेस है आपको पता है ना जब कोई भी घर बनता है स्टूडेंट्स तो यहां से धरातल से बनना शुरू नहीं होता पहले नींव खोदी जाती है दस से बारह फीट की स्टूडेंट्स लोग मैक्स दस से बारह फीट की लोग नींव भरते हैं कुछ पांच छह फीट की भरते हैं क्यों भरते हैं ताकि इस घर को क्या मिले स्टूडेंट्स मजबूती मिले तो अगर मैं इस घर में ऑल्ट्रेशन करने को बोलूं तो आप इस दीवार को हिला सकते हो ये रूफ में कुछ कर सकते हो इस दीवार को हिला सकते हो फ्लोर पे कुछ कर सकते हो लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपने नींव खोद के इधर कुछ करने का प्रयास किया तो ये पूरा ढांचा गिर जाएगा द कंप्लीट स्ट्रक्चर विल कोलैप्स और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया बोला कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो करना है करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाओगे तो भाई साहब ये बताइए ना ट इज देशन क्या है हमारे का तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज बोली गई yes, CLAT, okay? तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज बोली गई किस इज द बेसिक स्ट्रक्चर टू यू पहला अमेंडमेंट आया अच्छा से सुनेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट आया था नाइनटीन में कॉन्स्टिट्यूशन बना एनफोर्समेंट में आया कब आया था ट्वेंटी जनवरी और नाइनटीन फिफ्टी में ही पार्लियामेंट ने पहला अमेंडमेंट कर दिया पहले अमेंडमेंट से किया क्या इन्होंने स्टूडेंट्स आर्टिकल थर्टी वन एंड थर्टी वन बी एड किया और इसको यह बोला कि यहां पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है क्या कर सकती है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है है, तो तो ठीक है प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स लोगों को परेशानी होने लगी कि गवर्नमेंट तो कैसे भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगी तो इसको चैलेंज किया गया इसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद में जो रेड है कि आप ऐसे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट इंक्लूड दंडामेंटल राइट की में मैम जो हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है उसमें फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का पूरा हमारे कोर्ट्स के पास पावर है तो बेटा अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होंगे तो फिर कैसे चलेगा नहीं चलेगा ना लेकिन शंकरी प्रसाद ने बोला कि थ्री के अंदर अमेंड कर सकते हो आप थ्री में फंडामेंटल राइट भी अमेंड कर सकते हो और क्या बोला सुनो एंड द वर्ड लॉ अंडर थर्टीन अच्छे से सुनना वर्ड लॉ जो है थर्टीन में मीन ओनली ऑर्डिनरी लॉज स्टीट्यूशन अमेंडमेंट लॉ तो आर्टिकल नंबर थर्टीन में क्या बोला इन्होंने बोला कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड लॉ आएगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं आएगा कैन आई कंक्लूड यस और नो बताना क्या इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारी पार्लियामेंट तो लॉ बनाएगी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करेगी लेकिन जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता यस और नो ना से बेटा जैसे वर्ड थर्टीन थ्री में से जैसे वर्ड थर्टीन थ्री में जो लॉ है उसमें से आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ वर्ड हटा दिया तो उसका मतलब क्या हो गया उसका मतलब यह हो गया कि जो लॉस की डेफिनेशन में वहां चीजें हैं सिर्फ उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है तो भाई तुमने तो अमेंडमेंट लॉ का मीनिंग ही वहां से हटा दिया तो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करेगी वो अमेंडमेंट तो लॉ की डेफिनेशन में आता नहीं तो कैसे पार्लियमेंट उसका सॉरी जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू लेगी तब तो जुडिशरी का पावर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना स और नो रफियर जी बताइए क्या डाउट है बताओ येस और नो बताओ बताओ फटाफट फ़ड़ से कमेंट सेक्शन में बताओ ये वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू फटाफट से बताओ अगर मैं वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेट लॉ वर्ड लॉ में से हटा दू तो मतलब जुडिशरी के पास तो पावर ही नहीं बचेगा ना जुडिशरी के पास पावर नहीं बचेगा उस पर्टिकुलर लॉ को देखने का दिस इज द लॉजिक दिस इज द कैच बिहाइंड दैट समझ में आ रहा है क्या सबको यस और नो रफिया बेटा नो नो क्यों बोला क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं है क्या है बताओ क्लियर है अंडरस्टूड आपका डाउट जेनविन लगेगा मैं एड्रेस कर दूंगी प्लीज फ्लो नहीं तोड़ेगा कोई भी स्टूडेंट ठीक है क्लियर है मेरा डाउट मेरा सबको अपना डाउट इंपॉर्टेंट लगता है उसकी वजह से पूरा फ्लो टूट जाता है क्लियर है यस वेरी गुड कंचन जी थर्टीन में जो लॉ नहीं है उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है आप करेक्ट तो प्रॉब्लम आ गई तो क्या कर दिया फर्स्ट शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने अगेंस्ट बोल दिया और अब तो पार्लियामेंट को और पावर मिल गया पार्लियामेंट सुप्रीम बन गया कि भाई हम तो कुछ भी अमेंड कर देंगे फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर देंगे क्योंकि इन्होंने बोला ना कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड करने का पावर है और फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता तो हम तो कुछ भी अमेंड कर सकते क्योंकि अब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है अब सुनो

इन्थ स्कड्यूल हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है विच इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू अब कुछ पावर्स देता है पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव अब इसको कहा चैलेंज किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में चैलेंज किया गया जब यहां चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से शंकरी प्रसाद वाले जजमेंट को अप्रूव करते हैं हाँ बिल्कुल सही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट हमारी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है और अभी भी यही बोला कि लॉ की डेफिनेशन में तो अमेंडेड लॉस का मतलब ही नहीं आता वो इंक्लूडेड नहीं है सुप्रीम कोर्ट अप्रूव डिसीजन ऑफ शंकर प्रसाद एंड सेट कि पार्लियामेंट को फिर से पावर है भैया फंडामेंटल राइट करने की तो ऐसे तो पार्लियामेंट कुछ भी कर देगी अब इस सज्जन सिंह को सज्जन सिंह के जजमेंट को किसमें चैलेंज किया गया गोलकनाथ में चैलेंज चैलेंज किया गया ध्यान रखना हर अमेंडमेंट को कोई ना कोई केस में चैलेंज किया गया हर अमेंडमेंट के बाद आपको केस दिखेगा लेकिन सज्जन सिंह का जो सेवनटीन अमेंडमेंट से रिलेटेड उन्होंने डिसीजन दिया ये वापस गोलकनाथ वर्से स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या किया गया स्टूडेंट्स इसको चैलेंज किया गया अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल थर्टीन क्लॉज थ्री इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड लॉ एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एवरेज फंडामेंटल राइट अब सुप्रीम कोर्ट वापस आया सुप्रीम कोर्ट ने बोला लिसन पार्लियामेंट ऐसे कैसे लॉ की डेफिनेशन में तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड लॉ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा कोई लॉ बना हुआ है उसमें पार्लियामेंट में ने क्या? क्या? वो लॉ बनता है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के केस में पहली दफा बोला कि लॉ में वो लॉ भी आएगा पार्लियामेंट जो कि तुमने अमेंड कर दिया है तो जब हमने थर्टीन वन में वापस से वो लॉ ऐड कर दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड लॉ है बाय पार्लियामेंट तो अब हम इस अमेंडेड लॉ का भी जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं और देखेंगे कि पार्लियामेंट ने सही रिव्यू सही अमेंडमेंट किया है या नहीं किया है और जहां पे पार्लियामेंट ने ऐसा अमेंडमेंट किया जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट बैठे हम उसको वॉइड कर देंगे हम उसको वॉइड कर देंगे क्लियर है यहां पे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अब चीजें थोड़ी सेटल होने लगी फंडामेंटल राइट्स को मजबूती मिली और यहां पे क्या मिला जुडिशरी थोड़ा ऊपर आ गया मतलब जुडिशरी को थोड़ा अच्छी कमांड मिल गई कि भाई पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके कोई लॉ नहीं बना सकता बनाएगा तो अब तो हमारे लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डेफिनेशन आ रही है तो हम तो इसको जुडिशियल रिव्यू कर लेंगे फिर आया स्टूडेंट्स 24th amendment 1971 24th amendment act 1971 जहां पार्लियामेंट ने 134 एंड आर्टिकल 368 में थ्री ऐड किया 134 क्या बोलता है कि 13 में आर्टिकल 13 में कुछ भी हो रहा है वो 368 को इफेक्ट नहीं करेगा एंड वहां पे 368 का थ्री क्या बोलता है आई गेस वो ये बोलता है कि 30, 368 में कुछ भी हो रहा है वो 13 को नहीं 13 को इफेक्ट नहीं करेगा एक बार चेक करेंगे स्टूडेंट्स ठीक है क्लियर है तो इस ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट को कहा गया स्टूडेंट्स केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 और यहां पहली दफा पहली दफा स्टूडेंट्स यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के डिसीजन को ओवर रूल किया और ये बोला पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है आपको करना है आप अमेंडमेंट करो कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल राइट्स में भी करो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं टच करोगे हर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी स्टूडेंट्स जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे या हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या कॉन्स्टिट्यूशन को हिला दे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्कर्स प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव अगर वो हिला दे वो हर चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी नेक्स्ट

3684 सिक्सटी 3685 एंड क्या क्या ऐड किया गया स्टूडेंट्स 3684 सिक्स एंड को ऐड किया गया है और इन्होंने कुछ शानदार अमेंडमेंट्स किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3684 क्या बोलता था नो अमेंडमेंट अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट शाल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन अच्छे से सुनना स्टूडेंट्स अच्छे से सुनेंगे क्लैड के स्टूडेंट्स भी अच्छे से सुनेंगे ये चमकेगा 368 सिक्सटी फोर एंड फाइव ऐड किया पार्लियामेंट ने फोर्टी अमेंडमेंट से क्योंकि उस वक्त क्या चल रहा था हिंदुस्तान में इमरजेंसी की सिचुएशन थी तो सोचो कैसा लॉ बनेगा जो कि पार्लियामेंट को पावर दे दे और जुडिशरी का पावर कम कर दे तो यहां पे ये लॉ बनाया गया दैट 368 में क्लॉज फोर बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता ये बोला क्लॉज फोर में ये चीज ऐड की गई और क्लॉज फाइव में इन्होंने क्या बोला देर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा अपने आप को पावर्स दे रहे हैं ये पार्लियामेंट खुद को पावर दे रहा है क्लॉज फाइव में ये ऐड करवाता है पार्लियामेंट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होगा हम कर सकते हैं

के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या बोला जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर सोचो अगर जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बोलते स्टूडेंट्स तो ये बोलतेट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब जुडिशियल रिव्यू को कभी भी पार्लियामेंट रिमूव नहीं कर सकता अगर पार्लियामेंट रिमूव कर देगा तो सोचो स्टूडेंट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे हाई कोर्ट जाएंगे ठीक है चर ऑफ द पावर टू अमेंड और क्या बोला कि भाई पार्लियामेंट के पास लिमिटेड नेचर है अमेंडमेंट का ऐसा नहीं तुम कुछ भी अमेंडमेंट कर दोगे और करोगे तो हम बैठे क्योंकि हमने बोल दिया आप हमारा जुडिशियल रिव्यू का पावर हमारे पास है तुम उसको हाथ नहीं लगो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया ऑल्सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट रिमेंबर दिस गोल्डन लाइन स्टूडेंट इंटरव्यू में कई बार बोल के आना अगर ऐसे टॉपिक्स आ जाए That it is the constitution that is supreme and not the parliament or judiciary that is supreme. Judiciary खुद बोला हम भी supreme नहीं है भाई और supreme तो parliament भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ constitution supreme है क्योंकि वहाँ से laws बनते हैं और हम that is to be that is said to be the judiciary. Judiciary independent है executive वहाँ पे interference नहीं करेगी and judiciary is said to be the sole guardian of the constitution and the fundamental rights. पार्लियामेंट कैन नॉट है समझ आई सबको ये कहानी बताओ जुडिशंट थ्री सिक्सटी एट फोर एंड थ्री सिक्सटी एट फाइव दोनों को फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से एड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बगाओ इसको निकालो इसको क्लियर है सबको समझ आ गया एप्सोलूटी करेक्ट चले आगे तो ये कहानी स्टूडेंट बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी इज नथिंग बट अ टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी पार्लियामेंट खुद को लॉज बनाती गई लॉज बना के खुद को एम्पावर कर रही है और जुडिशरी अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके उनके पावर्स को कम करती गई ठीक है क्लियर है चलो स्टूडेंट्स अभी ये मैंने यहां पर डिस्कस क्यों किया स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर आर्टिकल नंबर थर्टीन में ही तो जुडिशरी को पावर है कि वो पार्लियामेंट का कोई भी बनाया हुआ रूल कोई भी बनाया हुआ एक्ट कोई भी बनाए हुआ लॉ को देख सकती है इसलिए आर्टिकल नंबर थर्टीन के साथ आपको ये पढ़ना है ठीक है और ये टाइमलाइन भी इस तरीके से है तो आप याद रख सकते हो जो आपको अच्छे तरीके से याद रहे तो मैंने कोशिश किया है कि हम इसको एक ही तरह में सम अप करके पढ़े ठीक है और ये सभी ठीक है 365 सिक्सटी फाइव की तरह बेटा अच्छा 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 ओके थैंक यू बेटा थैंक यू कौन है ये स्टूडेंट ओके अच्छा कार्तिकी है कार्तिक एंड कनिष्क का ठीक है बेटा इसको मैं अभी ठीक कर देती हूँ थ्री सिक्सटी फाइव हो गया इट इज ओके इट इज थ्री सिक्सटी एट पीपीटी आई है तो ध्यान रखना थ्री सिक्सटी एट है ठीक है यहां पर भी थ्री सिक्सटी एट लिखा है दिस इज थ्री सिक्सटी एट क्लियर है पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडब्ल्यू लॉ वाला टेलीग्राम चैनल से जुडिशरी टेलीग्राम चैनल चलो अब आएंगे हम राइट टू इक्वालिटी मेरी कोशिश ये रहती है स्टूडेंट्स की सारे के सारे आर्टिकल जितने भी हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से वो सब कुछ एक में ही हम पढ़ें क्यों एक में पढ़े ताकि जब चीजें एक पेपर पे होती है ना स्टूडेंट कंपेयर कर पाते क्योंकि हमारा बुद्धि या मैं कहूं हमारा दिमाग इतना आलसी है ना पिछले पेज पे क्या लिखा है उसको उल्टा के आगे वाले से कंपेयर करना हम लोगों को बहुत जोर आता है और मुझे पता है मेरा दिमाग भी आप जैसा है मेरे को कोई बोल दे कि इस पेज पे नहीं अब पिछले पेज पे नहीं जो चाहिए एक पेज पे चाहिए होता है ना तभी आप कंपेयर कर पाते हो और आप समझ पाते हो क्योंकि टारगेट हाँ, ये सारी चीजें एक में है तो स्टूडेंट का माइंडसेट मेरे को अच्छे से समझ आता है एंड आई मेक कि स्टूडेंट के माइंडसेट से, तो से, right 18. 18 से प्रॉब्लम कहां आती है? 15 16 में आती है और जेलो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बोल दू फिफ्टीन एंड सिक्सटीन से क्वेश्चन आते हैं क्लॉज वन टू थ्री फोर फाइव फोर ए फोर बी सिक्स क्या अमेंड हुआ कितना अमेंड हुआ? आर्टिकल नंबर फोर्टीन क्या बोलता है आर्टिकल नंबर फोर्टीन बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ इन इंडिया कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है कोई भी लॉ के सामने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लॉ के लिए सब लोग समान है एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ और आर्टिकल नंबर फोर्टीन ने क्या बोला कोई भी स्टेट क्या नहीं करेगा किसी भी पर्सन को दो चीजें तो कभी डिनाई नहीं करेगा फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोला स्टूडेंट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसा है स्टूडेंट्स नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव

जो समान है उनको समान ट्रीट करो दैट इज इक्वालिटी ये पॉजिटिव है बेटा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो बोलता है जो इक्वल है ना मैम आप उनको इक्वल ट्रीट करो जो अनईक्वल नहीं है आप उनको कैसे इक्वल ट्रीट कर सकते हो दैट इज टू से अगर कोई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसका सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण होता आया है आप उसको इक्वल कैसे बोल सकते हो नहीं

ओके यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दैट इज टू से आर्टिकल नंबर फोर्टीन किसको प्रोवाइड करता है इट 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 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन किसको किसको प्रमोट करता है स्टूडेंट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन को प्रमोट करता है लेकिन किसको किसको नहीं किसको प्रोहिबिट करता है ये क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है बट क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड क्लियर है क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ क्लास लेजिस्लेशन का मतलब हुआ कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो दो लोगों के बीच एक ही क्लास के लोगों में अलग अलग लॉ बना दिया तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना दैट इज नॉट अलाउड ठीक है उमेश साहेब इस लेक्चर को यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे ही तो चल रहा है बेटा जूम पे थोड़ी चल रहा है है बेटा यूट्यूब पे ही चल रहा है डियर और ये यूट्यूब पे रहेगा है ना मैं रहू ना रहू YouTube पे रहेगा ठीक है YouTube पे पहले के भी क्लासेस है ना YouTube पर से कोई भी प्लेटफॉर्म क्लासेस नहीं हटाते हैं ठीक है थीके? तो ये क्लास रहेगा कहीं नहीं जाएगा एज इट इज रहेगा आपको डाउनलोड करना आप बाद में डाउनलोड कर लेना पीपीटी आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा अगर मैं कुछ लुक भी लिख भी दू तो टेंशन नहीं लेना जब मैं सेशन ओवर कर दूंगी सर को बोल दूंगी वो पीपीटी को थोड़ा क्लीन करके दे देंगे ठीक है क्लियर है ओके ओके आयुष जी थैंक यू लेट्स फोकस बैक ऑन द सेशन आएंगे आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 दोनों बोल रहे हैं इक्वालिटी चाहिए

कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन के साथ नहीं होगा ओके दर इज अम वर्क फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स इस पीपीटी में शायद मैंने इंक्लूड नहीं किया हो सकता मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूं मेरे ग्रुप पे शेयर कर दूंगी

फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन के साथ कौन से ग्राउंड पे नहीं होगा रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ फाइव ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मैम आप किसी को इसलिए कोई पॉलिसी का बेनिफिट नहीं दे सकते क्योंकि लड़की है या कोई रिलीजन से है या इसका बर्थ कहीं और हो रखा है इस ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जनरल रूल क्लॉज नंबर टू ये बोलता है कोई भी डिसेबिलिटी कोई भी लाइबिलिटी कोई भी रिस्ट्रिक्शन कौन से ग्राउंड पे नहीं लगेगा रिलीजन रेस का सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ मैम तो फर्स्ट में भी तो यही बात की थी फर्स्ट में भी यही बात की लेकिन सेकंड में स्टूडेंट्स कुछ चीजों के बारे में बात की किसके बारे में बात की कुछ चीजों के बारे में बात की दैट इज एक्सेस टू एनी शॉप एक्सेस टू एनी प्लेस यूज ऑफ एनी घाट्स वेल्स टैंक्स हो गए इन मामले में इन ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ये पॉइंट क्यों डाला गया स्टूडेंट्स क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमें पता है कि इंडिया में बहुत डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ऊंचा नीचा जात पात बहुत चल रही थी कि तुम जाओ नीचे जात के हो तुम यहां हाथ नहीं लगाओगे ये खाना नहीं पियोगे तुम वेल्स को हाथ नहीं लगाओगे तुम लोगों के लिए अलग एरिया दैट वॉज वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया इस चीज को रिमूव करने के लिए ये क्लॉस टूड डाला गया दैट इज कुछ पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने के लिए ये ग्राउंड्स पे कभी भी क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सच ये स्टूडेंट्स जात पात ऊंच नीच ये कुछ नहीं होता है सबसे बड़ा व्यक्ति की कोई पहचान होती है तो वो है इंसानियत तुम में इंसानियत है या नहीं है और इंसानियत तो हर रिलीजन के पर्सन में होगी ना हिंदू मुस्लिम से कोई भी हो इंसानियत जरूरी है अगर इंसानियत ही नहीं है तो क्या मतलब ऐसे रिलीजन का एजुकेशन का और इंसानियत कोई एजुकेशन से नहीं आती यू सी बिग बिग पॉलिटिक सॉरी नॉट सॉरी आई मीन टू से मैनी बिग पर्सनैलिटीज जो एजुकेटेड हैं स्टिल आप देखो कोई ऑफेंसेस कर देता है कोई क्राइम कर रहा है कोई करप्शन कर रहा है सो so, इंसानियत कभी एजुकेशन से नहीं आती वो एक्सपीरियंस से आती है वो आपकी अपब्रिंगिंग से आती है वो आपके सराउंडिंग से आती है वो आपके आपके इनर पीस से से आती है, आपके actualization से आती है है एक्चुअलाइजेशन कि क्या आप उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो पांच ने एक थ्योरी दी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टूडेंट्स तो वहां पर बताया गया था कि एक पिरामिड होता है जहां पर एक पर्सन पहुंचना चाहता है जहां वो पहले क्या करता है खुद के लिए चीजें ढूंढने की कोशिश करता है दैट इज उसको यह देखना है कि मैं फूड शेल्टर लव लाइफ ये देख पाऊं जब वो चीजें पूरी हो जाती है फिर वो किसके ऊपर स्ट्राइक करता है वो स्ट्राइक करता है कि मुझे सोसाइटी से सम्मान मिले मुझे प्यार मिले जब वो चीजें मिल जाती है पैसा वगैरह सारी मेटेरियलिक चीजें डिमांड्स पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो और ऊपर जाता है जहां पे वो खुद को क्वेश्चन करता है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वट आई एम व्हाट आई एम डूइंग मैं क्यों हूं यहां पे ये स्टेज पे अपन नहीं पहुंच सकते में क्या कमाया था व्हाट वाज आई एक्चुअली रनिंग बिहाइंड तो जब सेल्फ एक्चुलाइजेशन के स्टेज पे स्टूडेंट्स पहुंच जाते ना उनको फिर मोह माया कोई कोई मतलब नहीं है तो बहुत वक्त लगता है उन चीजों पर आने के लिए और जब उस चीजों पर आ जाते मैटर तो ही नहीं करती आपके लिए इनफैक्ट एजुकेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जहां हम लोग को इंसाइट मिलता है दैट हाउ वी नीड टू ट्रीट द पीपल हम लोग अगर आसपास है तो वो कैसे बने तो एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बट ऑल्सो जिंदगी में अनुभव आपको सबसे ज्यादा चीजें सिखाती है तो ऐसा नहीं कि कोई कम पढ़ा लिखा है या गांव में तो उसको चीजें नहीं है गांव में भी बहुत बहुत होशियार लोग हैं क्योंकि उन्होंने चीजों को एक्सपीरियंस किया अंडरस्टैंड कि जब अपने साथ होता है तो कैसा होता है शन एन दबे रिजर्वेशन वगैरह हटेगा बिलीव में सारी कास्ट हट जाएगी नो no कास्ट ये कास्ट किसने बनाई हम लोगों ने तो बनाई अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और कास्ट बनी कैसे कास्ट वॉज मेड ऑन देश ऑफ वट ऑन देश ऑफ द वर्क दैट इज एंड प्लीज लेट मी गिव यू डिस्कलेमर मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं थोप रही ये चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड की यह बना क्यों ये बना इसलिए क्योंकि ऐसी चीजें प्रेवलेंट थी और ये चीजें प्रिवलेंट क्यों थी बिकॉज वी we खुद गवर्न बाई डिस्क्रिमिनेशन किया so for that reason, students, ये चीजें हटाने के लिए ऐसे लॉज बने क्लियर है okay? बहुत सालों से आता आता है, आता, चलता आया है एंड प्रोवाइडेड समय के साथ स्टूडेंट्स ये चेंज हो जाएगा ठीक है एंड यू ऑल बिलोंगिंग टू द लीगल फील्ड ये ड्यूटी बनती है स्टूडेंट्स हम तो एटलीस्ट ये चीजें बिल्कुल ना करें ठीक है कभी नहीं करना है ये चीज ठीक है क्योंकि खुदा ना करे कल को हमारे साथ हुआ तो हमें कितना बुरा लगेगा ठीक है सो ऑलवेज लर्न टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन दैट यू मीटिंग कभी भी प्यार से भी किसी से बात करोगे ना बहुत अच्छा लगे। नेवर नो कि वो पर्सन किस चीज से गुजर रहा है कभी अगर मैं कॉमेंट सेक्शन देखती हूँ नॉट जस्ट मेरी क्लास बहुत इतनी टॉक्सिसिटी भर देते हैं मतलब ना बोलने का लहजा भाई देखो कि आगे कितनी मेहनत की जा रही है ठीक है बट ठीक है सबका अपना अपना ओपिनियन है एंड जब वी कम ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स तो वहां पे क्रिटिसिज्म भी मिलेगा एप्रिसिएशन भी मिलेगा एंड एक धद के बाद वी ऑल्सो लर्न टू टेक इट एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं और स्टूडेंट्स जनरली कंस्ट्रक्टिव चीज के लिए ही बोलते हैं तो मोस्ट वेलकम ठीक है गालियां और तालियों का दिल खोल के स्वागत है आ जाओ कम बैक टू द सेशन काफी आज हमने इस चीज पे चर्चा कर ली चलो अब सुनो यस yes. क्या हो गया पटना क्वीन आगे चले ओके okay. आगे चलेंगे पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर थर्ड थर्ड क्या है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन कि अगर कोई भी स्टेट दैट इज टू से पार्लियामेंट चाहे तो वो क्या कर सकते हैं वो चिल्ड्रेन एंड वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोई स्पेशल लॉ बना सकते हैं तो दिस इज दैट थर्ड थर्ड क्लॉज जिसके तहत हम कई बार देखते हैं कि स्टेट कुछ स्पेशल प्रिवलेजेस दे रहे हैं विमेन या चिल्ड्रन को विमेन और चिल्ड्रन को क्यों दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस आई है चाहे वो क्राइम के मैटर में हो डिस्क्रिमिनेशन के मैटर में तो फॉर दैट रीजन चिल्ड्रन और वुमेन के लिए हमें ऐसे लॉज देखने मिले फिर चाहे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है पॉश एक्ट है पॉक्सो है इनडिस रिप्रेजेंटेशन है तो वो सब किसकी वजह से है आर्टिकल नंबर फिफ्टीन क्लॉज थ्री अब देखना फोर फाइव सिक्स को अच्छे समझना फोर ये कहता है पार्लियामेंट अगर चाहे तो सोशली एंड सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या कर सकता है एस के लिए एंड एस के एडवांसमेंट के लिए वो चाहे तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं यहां पर सोशली एंड एजुकेशली बैकवर्ड स्टूडेंट्स एसई बी ठीक है शनली बैकवर्ड क्लासेस एस सी एस टी के एडवांसमेंट के लिए कोई भी लॉस बना सकते फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन फिफ्टी वन से एड ऑन हुआ गया था उसके बाद क्या बोला गया स्टूडेंट्स? उसके बाद आर्टिकल नंबर फिफ्टीन का क्लॉज फाइव ये बोलता है फॉर द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशली एंड एकवर्ड बैकवर्ड क्लासेज एससी एस टी यहां पे हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है पॉइंट नंबर फाइव में क्या बोला सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी फोर्थ में तो उनके एडवांसमेंट के लिए फिफ्थ में बोला इनका एडमिशन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उनको कोई नहीं रोकेगा ऐड हुआ था 993rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था 2005 में ऐड हुआ था लेकिन कहां ऐड नहीं होगा स्टूडेंट ये एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में हर किसी को एडमिशन नहीं मिल सकता नहीं बोल सकता अरे पार्लियामेंट ने लॉ बना मैं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ूंगा नहीं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स इनको इसलिए अलग किया गया है क्योंकि उनका खुद का एक कल्चर है उनके खुद के कुछ बिलीव हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अलग राइट दे रखा है तो वहां पे ये राइट अपना नहीं ले जा सकते अब आर्टिकल नंबर फिफ्टीन क्लास फाइव का अधिकार ठीक है क्लियर है नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर फिफ्टीन का क्लॉज सिक्स क्लॉज सिक्स क्या बोलता है एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यू एस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए बाय और ये एडवांसमेंट कैसे होगा अभी देखो फोर और फाइव का मिक्स है लेकिन आपकी कैटेगरी अलग है बोला एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसे होगा बाय एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट लॉ बना सकती कब ऐड हुआ रिसेंटली ऐड हुआ है

आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है? है ये बोलता है कि यहां पे equality करेंगे लेकिन इक्वालिटी यहां पे कौन से बेसिस पे होगी स्टूडेंट्स? यहां पे इक्वालिटी होने वाली है ऑन दी इन दी केस ऑफ जॉब्स के केस में इक्वालिटी है तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल दिया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन इम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू चीजें हैं इंप्लायमेंट एंड अपॉइंटमेंट कौन से केस में टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट स्टेट आर्टिकल नंबर ट्वेल्व एंड आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स स्टेट के अंतर्गत कोई भी इंप्लायमेंट है कोई भी अपॉइंटमेंट है बराबरी होगी आप लड़का लड़की नहीं कर सकते जात नहीं बोल सकते आप कास्ट नहीं बोल सकते आप उनके प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बोल सकते रेजिडेंस नहीं बोल सकते दिस इज नॉट अलाउड और क्लॉज नंबर टू में बोला नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी क्लॉज इक्वालिटी मिलेगी में बोला, कि नहीं होगा. इन दो चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आर्टिकल नंबर फिफ्टीन में एडेड नहीं थी ध्यान रखना है आपको आर्टिकल नंबर में दो चीजें एडेड नहीं थी वो चीजें आपके आर्टिकल नंबर 16 में है

लॉज बना सकते हो जहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते रिलीजन रेस सेक्स, प्लेस ऑफ डिसेंट एंड रेजिडेंस पे। पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है अगर उनको लगे कि भाई कोई, ऐसी, कोई ऐसी लोग है, जिनको इतना नहीं मिला है चलेगा अलाउड है क्लियर है ओके ओके ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है थोड़ा डेकोरम बनाए रखो कम बनो बेटा ठीक है चलो कम बैक टू क्लास आर्टिकल नंबर सिक्सटीन का क्लॉज फोर क्या कहता है पावर ऑफ स्टेट टू मेक रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट आर्टिकल नंबर है इट से स्टेट फ्रॉमिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज दैट इज टू से आर्टिकल नंबर फोर में बैकवर्ड क्लासेस को अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट इन दफिस ऑफ द स्टेट में रिजर्वेशन दे दिया ये रिजर्वेशन क्या है students? ये स्टूडेंट्सेशन वही है जो हम लोग देते हैं ना वो बोलता है कैरी फॉरवर्ड रूल फोर बी में है फोर ए क्या बोलता है स्टूडेंट्स फोर ए बोलता है दैट दैट रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ एस सी एस टी फोर ए ने ये बोला दैट स्टेट के पास ये पावर है कि वो एस सी एस टी के रिजर्वेशन के लिए रूल्स बना सकते लॉ बना सकते वो भी किसमें प्रमोशन के लिए प्रमोशन के लिए बोला है इन्होंने क्या नहीं बोला स्टूडेंट्स इन्होंने अपॉइंटमेंट या फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बोला इन्होंने बोला प्रमोशन एस सी एस टी के प्रमोशन के लिए हम लॉज बना सकते हैं यहां पे. और वो जिनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया उनके लिए क्लियर ओके okay. आगे सुनो सेवेंटी सेवेंथ अमेंडमेंट नाइनटीन नाइनटी फाइव सेवेंटी सेवेंटी सेवेंथ अमेंडमेंट नाइनटीन नाइनटी फाइव क्लियर है ये चीज ओके आगे सुनो फोर बी में क्या बोला गया फोर बी में ये बोला गया है कैरी फॉरवर्ड रूल अब यहां पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि जो अनफुलफिल्ड वैकेंसी है उस ईयर की फॉर एस सी उसके लिए वो रूल्स बना सकते हैं फोर बी एक बार पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर फोर भी काफी अच्छा है जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को काफी डाउट आता है कि ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है इसका एग्जैक्टली exactly मीनिंग क्या होता है कम टू आर्टिकल नंबर फोर बी इट नथिंग इन दिस आर्टिकल शाल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वेकेंसी कोई भी ऐसी वेकेंसी है स्टूडेंट मान लो इस साल वेकेंसी आई एससी एसटी की पोस्ट पूरी नहीं भरी गई बच गई ना वैकेंसी तो अगले ईयर की वैकेंसी में काउंट हो सकता है नहीं हो सकता है ये हमारा आर्टिकल नंबर का क्लॉज बी बता रहा है अब देखो आगे सुनो आर रिजर्व वैकेंसी ऑफ अर विच आर रिजर्व फॉर बींग फिल्ड अप इन दैट ईयर इन अकॉर्डेंस प्रोविजन जो कि क्लॉज फोर ए में दे रखा है एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप इन द सक्डिंग ईयर तो उसको वो सेपरेट वैकेंसी की कैटेगरी में एड ऑन कर सकते हैं कब अगले साल की जब वैकेंसी आएगी एंड सच क्लास ऑफ शैल नॉट है, आगे सुनो आगे सुनो। अब ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो फोर बी है वो कब ऐड किया गया एटी फर्स्ट अमेंडमेंट टू थाउजेंड से ध्यान रखना है सारे अमेंडमेंट्स फोर ए फोर बी फाइव एंड सिक्स क्लियर है अब फाइव क्या बोलता है अलाउ रिलीजियस क्वालिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमेशन कई बार स्टूडेंट ऐसी पोस्ट निकलती है जहां पर रिलीजियस ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो उस मामले में क्या होगा उस मामले में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई संत है वही उस पर्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट होगा जैसे वक्फ बोर्ड है तो वहां पे क्लियर है कि भाई वहाँ पे जो है, ऐसी से होने चाहिए, आपके पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्लियर है ओके बराबर नेक्स्ट इज बेटा फोकस इन द क्लास डू नॉट कीप आर्ग्यूइंग विद एनी बॉडी ठीक है आप क्लास में फोकस करो आप पढ़ने हो, आप पॉइंट नंबर सिक्स क्या बोलता है रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मैक्सिमम टेन परसेंट उससे ज्यादा नहीं कौन सा अमेंडमेंट ये दोनों कनेक्ट करो हंड्रेड एंड थर्ड अमेंडमेंट टू थाउजेंड नाइनटीन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स ईवीएस के एडवांसमेंट के लिए और कैसे एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से यहां हमने बोला कि हम इनको प्रमोशन एंड इंप्लॉय सॉरी नॉट प्रमोशन अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इनको ऐसा बेनिफिट दे सकते हैं पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकता है ठीक है क्लियर है अमेंडमेंट डेट्स याद मत रखो ईयर याद कर लो दैट विल बी मोर देन लेकिन हाँ जैसे न्यू अमेंडमेंट्स आ रहे हैं ना शशांक जैसे रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए सारे स्टूडेंट्स सुनेंगे रीसेंट अमेंडमेंट हुए अमेंडमेंट से जो डेट्स वो याद रखनी शुरू कर दो स्पेसिफिकली जैसे जम्मू एंड कश्मीर री एक्ट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है ठीक है क्लियर है इंदिरा स्वाने केस हो गया आपके जितने भी सारे केसेस हो गए चाहे वो एमआर बालाजी का केस हो गया मंडल केस ये सारी चीजें हम लोग केस लॉ के सेगमेंट में डील करेंगे सारे फंडामेंटल राइट्स वापस डील कर लेंगे सेम स्लाइड्स ओके क्लियर है आगे चले ओके okay? चलो मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर सेवेंटीन ये क्या बोला देखो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये बोला कि मैम आपके फंडामेंटल राइट क्या होंगे लेकिन इसके साथ जो अच्छी चीज इन्होंने की है कुछ चुनिंदा चीजों को रिमूव भी किया और उन्हें पनिशेबल भी बनाया टन थिंग्स देर सर्टन थिंग्स राधे गोविंद कैचअप रूल ये है कैचअप रूल फोर ए है प्रमोशन में हम आपको कैचअप करेंगे प्रमोशन में रेजोवेशन देखो प्रमोशन में रेजोवेशन नहीं होता बेटा प्रमोशन में रेजर्वेशन नहीं होता लेकिन इन्होंने फोर ए में क्या बोला कि एस सी एस टी को प्रमोशन में भी हम रेजर्वेशन देंगे यह होता है कैचअप रूल ठीक है क्लियर है अब सुनो तो आर्टिकल नंबर सेवेंटीन ने बोला एक तो अबॉलिश होगी होगी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते किया तो दो हैं आगे आर्टिकल नंबर ट्वेंटी थ्री भी आपको पनिशमेंट की बात करता है तो इट इज आर्टिकल नंबर सेवेंटीन जहां इन्होंने क्या क्या पनिशमेंट दिया नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर एटीन जो क्या बोल रहा है अबॉलिशन ऑफ द टाइटल कुछ टाइटल्स है जो अबॉलिश हो जाएंगे इंडिया में किसी को भी टाइटल इंजॉय करने का अधिकार नहीं है okay? इंडिया में किसी को भी टाइटल title, टाइटल लेने का अधिकार नहीं है बट वॉट अबाउट द क्वालिफिकेशन जो आपकी और हमारी डिग्री है वी ऑल नो स्टूडेंट एल एल बी इज वॉट एल एल बी इज अ प्रोफेशनल डिग्री जहां हमको नाम के आगे एडवोकेट लग रहा है एमबीबीएस इज अ प्रोफेशनल डिग्री जहां पर डॉक्टर लगता है पीएचडीज अ प्रोफेशनल डिग्री जहां पर डॉक्टर लग जाता है तो उस मामले में तो हमारे पास एक टाइटल मिल रहा है ना मैम तो फिर उस टाइटल का क्या जाए क्या किया जाए इस टाइटल का क्या किया जाए तो यहां इन्होंने ये बोला है नो टाइटल टू बी कॉन्फर्ड बाई द स्टेट स्टेट किसी पर टाइटल क्या नहीं करेगा कॉन्फर्ड नहीं करेगा अलाउड नहीं है लेकिन दो एक्सेप्शन है स्टूडेंट मिलिट्री एंड अकेडमिक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं आपके कैप्टन होते हैं बहुत सारे आपको अब आप मुझे उस फील्ड का इतना नॉलेज नहीं है स्टूडेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन वहां पर हमको पता है कि उनको प्रॉपर उस पर्टिकुलर पोस्ट और क्वालिफिकेशन के साथ एड्रेस किया जाता है तो वो आते हैं मिलिट्री टाइटल्स में और हमारे अकेडमिक टाइटल्स तो डॉक्टर डॉक्टर्स हो गए एडवोकेट्स हो गए ये सब भी अलाउड है बाकी स्टेट किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा सेकेंड बोला है नो टाइटल फ्रॉम दी फॉरेन स्टेट ये आपको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको पूरा आर्टिकल का विभाजन समझ आएगा कि मैंने कैसे किया ठीक है देखो फॉरेन स्टेट से आया हुआ कोई भी टाइटल हम नहीं लेने वाले हैं कोई भी फॉरेन स्टेट से आया हुआ टाइटल नहीं लेंगे प्रोवाइडेड कि हमें ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी फॉरेन स्टेट से आया हुआ कौन सा टाइटल कब स्टूडेंट्स वाइल होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट ट्रस्ट अंडर जब हम स्टेट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो हम फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेंगे एक्सेप्ट नॉन सिटीजन अगर वो है दैट इज इंडिया का सिटीजन नहीं है और इंडिया में कोई ऐसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है फॉरेन स्टेट से उसको कोई टाइटल आया वो नॉन सिटीजन है तो वो तब तक एंटाइट वो नहीं क्या नहीं करेगा नॉट एक्सेप्ट द टाइटल टाइटल फ्रॉम फॉरेन फॉरेन स्टेट स्टेट से कोई यहां पे क्या नहीं करने वाला एक्सेप्ट नहीं करने वाला नो पर्सन एक्सेप्ट प्रेजेंट और एनलमेंट्स फ्रॉम फॉरन स्टेट कोई फॉरन स्टेट से क्या नहीं करना है स्टूडेंट यहां पर कोई फॉरन स्टेट से वो एनलमेंट भी नहीं लेने वाला है कोई भी पर्सन पर्सन में कौन आ गया सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों आ गए हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्टूडेंट्स कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है इंडिया में और फॉरेन स्टेट से उसको टाइटल आता है वो तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक कि प्रेसिडेंट की कंसेंट ना मिल जाए एंड कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा फॉरन स्टेट से आया हुआ कोई प्रेजेंट हो गया एनलमेंट हो गए या कोई भी ऑफिस आ गया वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज टू से अगर हमारा प्रेसिडेंट कंसेंट करे तो ही वो क्या कर सकता है स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्लियर है ये चीज तो ही वो क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है क्लियर है आगे चले इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी अगर स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर है तो बताओ हम चले अगले राइट्स की तरफ राइट टू तो इक्वालिटी खत्म बताओ यस यस एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स एब्रीवेशन समझेंगे ना दिस मीन प्रेसिडेंट क्लियर है यस और नो बताओ क्लियर आगे चले ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टूडेंट्स दैट इज राइट टू फ्रीडम क्या है स्टूडेंट्स राइट टू फ्रीडम है स्वतंत्रता का अधिकार है अब स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या है मैम क्लॉज थ्री ग्राउंड ऑफ आर्टिकल इज ओनली रेजिडेंस आबा आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर का पढ़ एक बार आर्टिकल नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉस प्रिस्क्राइबिंग द क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट और लोकल ठीक है एक बार देखते ओके नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग विद रिगार्ड टू एनी क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस ओके 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 यहां पे स्टूडेंट यहां पे, 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 इन्होंने बोला है कि स्पेशल प्रोविजन है हमारे पार्लियामेंट के पास ठीक है ये ग्राउंड नहीं दे रखे थैंक यू जी ये हमारे ग्राउंड नहीं दे रखे ठीक है क्लियर है थैंक यू आगे चले क्लियर है और किसी को कोई डाउट इस पॉइंट से चले यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस विद इन द स्टेट है ठीक है इट इज ओनली एंड ओनली रेजिडेंस रेजिडेंस कट गया क्या बेटा इट इज ओनली एंड ओनली रेजिडेंस ठीक है रेजिडेंस के ग्राउंड्स पे एंड रेजिडेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है ओके चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 किससे डील करता है स्टूडेंट्स राइट टू फ्रीडम जब यहां से कॉपी पेस्ट होता है ना तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है ठीक है क्लियर है चलो आगे सुनो यहां पे आर्टिकल नंबर 19 20 21 एंड 22 डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 19 20 21 22 डिस्कस करने वाले हैं रोशी बेटा अब ये हमने उनको एक उपाधि दे रखी बाकी ऐसा नहीं है ठीक है क्लियर है अब सुनो आर्टिकल नंबर 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है मैम आप ये सारे फ्रीडम एक्सरसाइज करो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वी कैन नॉट एक्सरसाइज आर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन एनी मैन एनी मैनर भाई मेरे को बोलने का अधिकार है दैट डजेंट मीन दैट आई विल स्पीक एनी विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स आप बोल सकते हैं अपना ओपिनियन रख सकते हैं अपना ओपिनियन रखना भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है मैं यहाँ पे कैमरा के सामने रख रही हूं आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन रख रहे हो यू आर अलाउड क्लास होने के बाद आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन रखो अलाउड है लेकिन क्या अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लगा रखे ये चीजें अलाउड नहीं है यह बात करता है आर्टिकल नाइनटीन ट्वेंटी क्या बोलता है कन्विक्शन के टाइम पे कुछ प्रोटेक्शन देता है कुछ राइट देता है आर्टिकल ट्वेंटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड ट्वेंटी बोल रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच अरेस्ट सम अरेस्ट एंड डिटेंशन फर्स्ट पॉइंट इज दैट आर्टिकल नंबर 19 में ए से लेके जी तक स्टूडेंट्स हमें कुछ राइट्स दिए और इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमारे पास यहां है फर्स्ट राइट क्या है फ्रीडम फ्रीडम ऑफ ऑफ स्पीच स्पीच एंड एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन लेकिन इस के साथ क्या है स्टूडेंट्स कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रखे ये है क्लॉज वन में ये सब क्लॉज वन में इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्लॉज टू में अब क्लॉज टू में इन्होंने क्या बोला क्लॉज टू में इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट स्टेट की सिक्योरिटी हेम्पर हो ऐसा आप कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी कोर्ट, कंटेम्प्टेफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब आपको प्रोवोक कर दे कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू नेक्स्ट यस yes, यस yes, खुशी बेटा यस पार्लियामेंट हैज द राइट ओके प्रोवाइडेड दे डू नॉट वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है ओके okay? नहीं, नहीं, uh, जेनी बेटा नो दे कैन नॉट प्रमोट ना बिकॉज इंडिया इंडिया इज इज अ नेशन गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट थिंग ओके क्लियर आगे सुनो बी पॉइंट इज टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स पीसफुली बिना आर्म्स के आप क्या कर सकते हैं असेंबल हो सकते हैं सॉवरिटी इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स है नहीं होना चाहिए फॉर्म एसोसिएशन यूनियन को ऑपरेटिव अलाउड है क्लॉज फोर क्या बोलता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यूनिटी इंटीग्रिटी पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी भी है क्लॉज नंबर वन का डी पॉइंट क्या बोलता है टू मी मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं आप इंडिया में मूव कर सकते हैं तो जब मूव करेंगे तो क्या हो सकता है आप ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पे हो सकता है कोई area area कोई एरिया एरिया प्रोटेक्टेड हो पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर स्केड्यूल ट्राइब का एरिया हो तो वहां जाने का अलाउड नहीं है कि वहां जाके बस गए ऐसा अलाउड नहीं है जब आप मूव फ्रीली कर रहे हैं इंडिया में या फिर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रिसाइड करना चाहते हैं सेटल करना चाहते हैं करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है

आप करो कोई दिक्कत नहीं है बट क्या नहीं वॉयलेट होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक अगर जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है ट्रेड ऑक्यूपेशन पब्लिक से वो अलाउड नहीं है मैं यहां पे कोई ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दू विच इज अगेंस्ट दब्लिक पॉलिसी ऑक्यूपेशन अलग होता है ट्रेड अलग होता है प्रोफेशन अलग होता है अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं मान लो यू uh, नो you know, ड्रग्स का स्मगलिंग वगैरह कर रही हूं दैट इज नॉट अलाउड मैम जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है इससे क्या होगा युवा और ज्यादा नशीली पदार्थ का सेवन करेगा विच इज नॉट अलाउड अब इसमें एक चीज बोली गई स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग लॉस स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग लॉस मतलब स्टेट ऐसे लॉस बना सकती है किस चीज से रिलेटेड लॉस बना सकती है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये बात कर रहा है स्टूडेंट्स जी पॉइंट की जी पॉइंट में बोल रहा है अगर स्टेट चाहे तो यहां पे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड स्टेट क्या बंद कर सकता है ऐसे लॉज बना सकता है बोल सकता है कि अगर आपको इस पोस्ट पे आना है तो दीज आर द क्वालिफिकेशन दैट यू मस्ट होल्ड ये सारी क्वालिफिकेशन के साथ ही आप आ सकते हैं नेक्स्ट बोला कैरिंग ट्रेड बिजनेस और ट्रेड बिजनेस और एनी ऑक्यूपेशन बाय स्टेट और कॉरपोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट to exclude completely or partially any citizen स्टेट ऐसा लॉज बना सकती है जो बोल सकती है कि कोई भी ऐसा ट्रेड है बिजनेस है या सर्विस है जो कि कौन कौन बेटा कैरी कर रहा है स्टेट कैरी कर रहा है या कॉरपोरेशन कैरी कर रहा है उस मामले में हम कुछ सिटीजन को पार्शली अलग रख सकते हैं बोल सकते हैं कि नहीं आम जनता वहां पे क्या नहीं करेगी वहां पे ऐसा ट्रेड बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं करेगी कुछ ऐसी चीज है जो हो सकता है गवर्नमेंट कंपनीज को ही अलॉट किया जाए कुछ कारपोरेशन को ही अलाउड किया जाए कुछ चीजों का मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही करे ऐसे लॉज बनाए जा सकते है, हम पब्लिक हम जनरल पब्लिक को एक्सक्लूड किया जा सकता है क्लियर है ओके इज इट क्लियर क्या हुआ सुनील जी बताइए क्या हुआ सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी लिखे आप बताओ अच्छा पॉइंट नंबर टू की बात कर रहे हैं आप चलो पॉइंट नंबर टू पे आते हैं आर्टिकल नंबर नाइनटीन क्लास टू

कमिटेड सेकेंड पॉइंट इज डबल जियो पार्टी एक पर्सन को अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ट्राई कर दिया गया है कन्विक्ट कर दिया गया है दोबारा से आप उसकी ट्रायल नहीं कर सकते फॉर द सेम ऑफेंस थर्ड बोलता है self -incrimination. Self -incrimination means what? कि कोई भी अक्यूज को आप उसके अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए नहीं बोल सकते सेल्फ इंक्रिमिनेशन बताओ इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेगमेंट हम यहां डील कर सकते हैं डबल जियो पार्टी तो सेक्शन थ्री हंड्रेड आपसे रूटली करेक्ट ठीक है ओके विस विस वेरी ठीक है विक्स विक्स बराबर है क्लियर है किसने बोला था कुणाल कुणाल जी ठीक है नेमो डेबिट आगे चले स्टूडेंट्स ओके चलो चलो बिस ही तो है बेटा अच्छा विस है इट इज बिस ओके okay? बिस बराबर है अब सुनो आगे सुनो अब आगे हमें चलना है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन किसकी बात करता hmm. है स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन टॉक्स अबाउट राइट टू राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी एंड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब आपको जीवन का अधिकार है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और यहां पे बोला जाता है कोई भी पर्सन को आप उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करेंगे दैट इज टू से एवरीबडी हैज राइट टू लिव विद द डिग्निटी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ अगर लॉ आपको कहता है कि आप उसका जीवन कैसे उसको जीना है या उस पर कोई लिमिटेशन लगानी है तो आप लगा सकते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ में क्या हो गया स्टूडेंट्स दैट इज टू से अगर हमारा आईपीसी कह रहा है कि कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करके आया है और उसको पनिशमेंट देनी है तो उसको देनी है पनिशमेंट वो हो गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ वी हैव टू गिव दैट पर्सन पनिशमेंट फिर वो नहीं बोल सकता नो आई हैव आर्टिकल नंबर नाइनटीन मैं तो आराम से रहूंगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मुझे कोई नहीं छू सकता ऐसे कैसे नहीं छू सकता प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लॉ बोलता है एनी क्रिमिनल कोई भी पर्सन ने क्राइम किया है हम उसे सजा देंगे तो इस मुद्दे पे हम आपको सजा दे सकते हैं क्लियर है यस डेथ पेनल्टी एंड इंप्रिजनमेंट आल्सो यस वेरी गुड आर्ची

एजुकेशन एक प्रिलिमिनरी एजुकेशन के लिए स्टेट मेक श्योर करेगा ठीक है क्लियर है आगे चले ओके. हमारा यहाँ पे बचता है ये बेटा क्या होंगे सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी और एक था आपका ये बेस वाला पॉइंट ओके चलो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी टू किसकी बात करता है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी टू अभी हमने बोला अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशन से आपको प्रोटेक्ट करता है एंड इट सेज कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होगा स्टूडेंट्स उसके कुछ फॉलोइंग राइट्स होंगे पहली बात उसको बिना इन्फॉर्म किए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ इस चॉइस वो अपने अपने मर्जी का लीगल प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है एंड टू बी प्रोड्यूस बिफोर मेजिस्ट्रेट एंड विद इन ट्वेंटी हम डील कर सकते हैं चैप्टर नंबर नंबर दैट इज टू से से सेक्शन ऑफ सी आर पी सी में सारे हमें अरेस्टेड पर्सन के राइट दे रखे हैं और साथ ही साथ ये राइट्स अवेलेबल किसको नहीं है एलियन एनिमी या कोई भी पर्सन जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत क्या किया गया अरेस्ट किया गया लेकिन इसके भी स्टूडेंट्स कुछ आपको प्रावधान दे रखे प्रोविजन दे रखे दैट इज एक्सेप्शन और एक प्रॉपर प्रोसीजर दे रखा है इसी आर्टिकल में ठीक है क्लियर है आगे चले? ओके। आगे ओके चलेंगे स्टूडेंट्स डील करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कोई भी पर्सन को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा अब एक्सप्लॉयटेशन में दो तरीके के एक्सप्लॉयटेशन आ रहे हैं स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स दो तरीके के एक्सप्लॉयटेशन आ रहे हैं जहां पहला यह बोला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना है वो बोला 23 में 24 में क्या बोला चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा दैट इज उनको एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं कर सकते या इंडल्स नहीं कर सकते स्पेसिफिकली कोई प्लेस पे 23 में प्रोहिबिटेड भी होगा पनिशेबल भी होगा कैन वी रीड दिस आर्टिकल नंबर 17 स्टूडेंट्स ये और नो कमेंट सेक्शन में बताओ बिकॉज वहां पे भी अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया प्लस पनिशेबल किया गया ठीक है क्लियर है ओके एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ मींस एक्सपोज मीन जो पहले लॉ था जो पहले लॉ था या फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कृति बेटा आज सुनो आज कोई ऑफेंस कमिट किया गया तो जो आज लॉ प्रवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी नॉट दैट लॉ विच इज नॉट प्रिवेलिंग अभी या पहले वाले लॉ के अकॉर्डिंग आप पनिशमेंट नहीं दे सकते जो लॉ आज है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दीजिए एंड उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती जितनी की एक्चुअली पनिशमेंट उस पर्टिकुलर लॉ में मेंशन कर रखी है ठीक है क्लियर है

है इफ इज इंक्लूडेड तो वो उसका राइट right एक्सप्लॉइट होता है या फिर राइट right होता है ठीक right है right राइट रितु नेक्स्ट नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन चार राइट्स हैं अच्छे से समझेंगे 25, 26, 27, 28. 25 is the basic right जो हमको राइट right देता है कि मैम आप अपना कोई भी रिलीजन क्या कर सकते हैं उसका कंसाइज फ्रीडम ऑफ कंसाइज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपोगेट एनी रिलीजन मेरा रिलीजन है बेटा मैं प्रोपोगेट कर सकती हूँ मैं चाहूँ तो उससे रिलेटेड पूजा कर सकती हूँ उससे रिलेटेड भजन संध्या कर सकती हूँ कोई रोक टोक नहीं है से करो। आप यात्रा निकालो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फाइव में स्टूडेंट्स आपको रेस्ट्रिक्शन दे रखी है वॉट आर दी रेस्ट्रिक्शन वी हैव फोर रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी हेल्थ एंड एनी अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट थ्री अगर पार्ट थ्री को वॉयलेट करते हुए आपने अपना रिलीजन प्रैक्टिस किया नॉट अलाउड पब्लिक हेल्थ मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर अगर हुआ ऐसा राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपना राइट right एक्सरसाइज कर रही हूं मैं अपने घर में पूजा कर रही हूं बहुत जोर जोर से डीजे बजा के भजन संध्या कर रही हूं तो मैम आसपास का लोगों का भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हैम्पर होता है ऐसा अलाउड नहीं है क्लियर है ओके आर्टिकल नंबर 26 एंड 27 अच्छे से समझना

टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे पर्पज के लिए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो सकता है कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी कोई पर्टिकुलर चैरिटेबल पर्पज के लिए कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए दे दू कोई मंदिर के लिए दान वगैरह कर दू तो दैट इज अलाउड ठीक है और जिनको किया है वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते पॉइंट नंबर डी टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ तो जो प्रॉपर्टी हमने रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए रखी है वो क्या होगी स्टूडेंट्स हमको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डील करना है कुछ भी इन तरीके से हम उसको क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट्स यूज नहीं कर सकते ऐसे नहीं बोल सकते रिलीजन के नाम पे हम इस प्रॉपर्टी को कैसे भी मैनेज करें और फिर कोई भी एक्टिविटी हो दैट इज नॉट अलाउड आर्टिकल नंबर ट्वेंटी

तो 25 में क्या बोला हमें हमारा राइट है हम रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं प्रोपोगेट कर सकते हैं 27 में क्या बोला सॉरी 26 में क्या बोला 26 में बोला मैम रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करो करो आप स्टैब्लिस प्रॉपर्टी को मैनेज करो कोई दिक्कत नहीं है 27 में क्या बोलता है ट्वेंटी में बोलता है टैक्स आप कलेक्ट करो लेकिन आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते वो पर्टिकुलर टैक्स देने के लिए किसके लिए रिलीजन को प्रमोट करने के लिए एंड ट्वेंटी ये बोलता है कि कोई भी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है या नहीं मैं कोई स्कूल में जा रही हूं मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं आपको ये फलाना गीत गाना है आपको ये पर्टिकुलर भजन गाना है आपको ये रिलीजन की कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है इज दिस अलाउड बताइए विशाल जी क्या हुआ स्क्रीन इज विजल अच्छा निहारिका निहारिका जी मैंने इसको जूम कर दिया है इज इट क्लियर इज इट क्लियर निहारिका अभी बताओ अब देखो आर्टिकल ट्वेंटी एट बोले फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन

धार्मिक आधार पे फॉलो करो दिस इज नॉट अलाउड क्यों क्योंकि आपने स्टेट फंड्स ली हैं एक्सेप्ट Except, एक्सेप्शन दिया है स्टूडेंट्स एक्सेप्ट स्टैब्लिश ऐसा इंस्टीट्यूशन विच इस्टैब्लिश्ड अंडर देंट्स एंड ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेड बी इंपॉर्टेंट ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए ही बनाया गया है जहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन की हम लोग क्या है स्टूडेंट्स शिक्षा दे रहे हैं या उन चीजों को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी चीज के लिए स्टैब्लिश की गई है तो हो सकता है अदरवाइज बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी तो चले अगले राइट पे अगले राइट पे चले स्टूडेंट्स यस एब्सल्यूटली ठीक है आगे चलेंगे स्टूडेंट्स दैट इज कल्चरल एजुकेशन राइट ये राइट right इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि इसका जिक्र हमने किस में देखा था आर्टिकल थर्टी का जिक्र हमने आर्टिकल नंबर एंड आर्टिकल में no, वहां पर कोई इक्वालिटी नहीं मिलने वाली है yes no? yes no? माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे सोचो so, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट क्यों करना है? कोई ट्राइबल एरियाज है कोई कम्युनिटी है उनका क्या होता है बेटा कल्चर होता है उनकी लैंग्वेज होती है उनकी स्क्रिप्ट होती है बकायदा वो उसको क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप ये नहीं बोल सकते नहीं ऐसा गाना नहीं गाना है ऐसा पहनावा नहीं पहनना है ऐसी भाषा नहीं बोलनी है नहीं क्योंकि वो कोई माइनॉरिटी में आते हैं वो उनके वहां का रीति रिवाज है आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ठीक है क्लियर है जैसे कोई महाकुंभ हो रहा है कोई पर्टिकुलर समाज का तो दे क्या दे कैन डू इट फ्रीली वो माइनॉरिटी में आ रहे हैं और वो अपना क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कोई भी लैंग्वेज स्क्रिप्ट या कल्चर दे कैन प्रोटेक्ट वो सिटीजन जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं इंडिया के किसी पार्ट में रिसाइड कर रहे हैं जिनकी खुद की लैंग्वेज या स्क्रिप्ट है या कल्चर है उनका अधिकार बनता है कि वो उसको क्या कर सकते हैं वो उसको कंजर्व कर सकते हैं

रिलीजन और लैंग्वेज मतलब हमारी जो माइनॉरिटीज होती है वह लिंग्विस्टिक या फिर हमारे लैंग्वेज बेस्ड या फिर रिलीजन बेस्ड पर होती है तो ऐसी माइनॉरिटीज को क्या नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और वो भी डिस्क्रिमिनेशन तब नहीं किया जाएगा वो भी डिस्क्रिमिनेशन तब नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स जब जब क्या हो रहा है कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल रहा है तो हमारी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू बेसिस पे माइनॉरिटीज को डिसाइड किया जा रहा है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करवाया जाएगा ठीक है क्लियर है आगे सुनो आर्टिकल नंबर थर्टी क्या कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी दो तरीके के राइट दिए स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर थर्टी में कौन कौन से हैं टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर क्या स्टैब्लिश करेंगे और क्या एडमिनिस्टर करेंगे इन्होंने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम ट्वेंटी नाइन में बोल रहे हैं कि वो अपने कल्चर अपने स्क्रिप्ट अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे और रिलीजन और लैंग्वेज पे आप उनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अब देखो यहाँ क्या बोला इन्होंने बोला जो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये लोग क्या कर सकते हैं अपना एजुकेशन खो सकते, institution खोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं दैट इज टू से कोई भी स्टूडेंट्स माइनॉरिटी है दो राइट right बनेगा एक तो स्टैब्लिश करेगा दूसरा एडमिनिस्टर मेंटेन करेगा control करेगा कंट्रोल किस चीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजन के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है या लैंग्वेज के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है कोई मान लो उर्दू स्कूल खोल दिया संस्कृत का स्कूल खोल दिया तो दैट इज अलाउड वो किस में आएगा स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आएगा दैट दैट इज इज कवर्ड क्लियर है ओके okay, आगे चले चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स जहां आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 दोनों को यही डील कर लेंगे 32 किससे डील करता है स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से डील करता है बोलता है मैम पांच तरह के रिट्स का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 में व्हाट इज द डिफरेंस स्टूडेंट्स 32 है एंड 226 है 32 में हम किसके पास जाते हैं स्टूडेंट्स 32 में हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट 226 में किसके पास जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये रिट सिर्फ तभी ग्रांट करेगा स्टूडेंट्स जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे बट हाई कोर्ट में हम यह रिट्स लेके जा सकते हैं कब जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या फिर कोई अदर राइट भी वायलेट हुआ है तो भी हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं सो कैन आई से हाई कोर्ट का जो रिट जूरिस्टिक्शन है स्टूडेंट्स वो वाइडर है एंड सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जूरिस्टिक्शन है स्टूडेंट्स वो नैरो है वो क्या है नैरो है क्लियर है Yes, 32 टू

टू से हम लोग अथॉरिटी देंगे आपको कि आपको एक पब्लिक ड्यूटी करनी है अगर आपने वो ड्यूटी नहीं निभाई को वॉरेंटो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि भाई किधर से मिली अथॉरिटी सर्टरी सॉरी प्रोहिबिशन मीन्स यू आर प्रोहिबिटेड और यू आर स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट एंड सर्टरी मीन्स जो हम केसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं अब ये हमें दो स्लाइड अच्छे से समझनी है स्टूडेंट्स रिट्स के मामले में मीनिंग क्या है कब इशू होती है और किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती है ठीक है क्लियर है कब इशू होती है कब इशू नहीं होती है क्लियर है आगे सुनो फर्स्ट पॉइंट इज इजेस्कॉपॉप का मीनिंग क्या हुआ टू हैव द बॉडी हैव द बॉडी अगर किसी को इनलीगली डिटेन कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो उस पर्सन को फ्री करने के लिए यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज बीन अनलॉफुली डिटेन इसको क्या कर रखा है अनलॉफुली डिटेन कर रखा है कृपया इसकी कृपया इसको रिलीज कीजिए किसकी अगेंस्ट हो सकता है अगर कोई भी पर्सन रॉन्गफुल इंप्रेजेंट किया गया है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट हो सकता है पब्लिक अथॉरिटी है या प्राइवेट अथॉरिटी है दोनों के अगेंस्ट क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स इसको इशू किया जा सकता है बट किसके अगेंस्ट इशू नहीं होगा अगर लॉफुल अरेस्ट है कोई पर्सन ने अपराध किया है उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो करेंगे ना मैम अरेस्ट ऐसा थोड़ी है कि कोई पर्सन ने अपराध किया तो हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे एब्सोल्युटली हम उसको अरेस्ट करेंगे

आपकी हिबिस की रिट इशू नहीं की जा सकती है क्योंकि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है उस चीज के लिए मैंडेमिस कौन सी रिट है की रिट पढ़ रहे हैं। command, हम लोग कमांड देंगे आपको काम करना दैट मीन्स वॉट कोई भी स्टूडेंट्स पब्लिक अथॉरिटी है पब्लिक पर्सन पब्लिक सर्वेंट है इफ इट डू अट नॉट परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी जो उसको करनी चाहिए थी ऐसा कर्तव्य नहीं कर रहा है ऐसी ड्यूटी नहीं निभा रहा है जो कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इंपोज की है तो आप ये रेट लेके जा सकते प्रोवाइडेड कि वो ऐसा राइट हो आपका जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ द्वारा आपका फंडामेंटल राइट वहां इन्फ्रिंज हो उसके वो ड्यूटी परफॉर्म ना करने से डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी आप बोल सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ड्यूटी परफॉर्म करवाइए और वो ड्यूटी मैंडेटरी होनी चाहिए दैट मीनस ही हैज टू परफॉर्म दैट ड्यूटी

पोस्ट पे कैसे बैठे हैं किस अधिकारिता से बैठे हैं ठीक है नो नो एनी विपुल जी एनी 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 राइट एनी राइट नॉट नेसेसरी बट बट लिसन लिशन कॉर्पस में आप जा रहे हो तो आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर और नो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तभी तो हम जाएंगे ना नाबिस कॉर्पस में ठीक है क्लियर है ओके आगे सुनो को वारंट इंक्वायर अबाउट द लिगैलिटी ऑफ अ क्लेम बाय अ पर्सन और अथॉरिटी टू एक्ट इन अ पब्लिक ऑफिस जिससे कि वो एंटाइटल नहीं है किस अधिकारिता से आप उस कुर्सी पे बैठे हो हमें उसका एंड जब वो ऑफिस कोई एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्रिएट किया गया है और उसकी वो पोस्ट होल्ड करके बैठा तो हमें देखना है उसका वो क्लेम कितना जायज है कब इशू नहीं होगा स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉरपोरेशन के अगेंस्ट ये इशू नहीं होगा क्या कर कर रहे रहे हम? हम lower court को बोल रहे हैं ध्यान रखना, मैं प्रोहिबिशन और की बात रही ये आपके कोर्ट्स के मामले में बात करता है जहां प्रोहिबिट कर रहे हैं हम किसी कोर्ट को कि डू नॉट डू पर्टिकुलर थिंग और ये कब हो रही है ये कब हो रही है वाइल द केस इज पेंडिंग ठीक है स्लो स्पीड फास्ट लग रही है uh, क्या हुआ हर्षित बताओ बताओ चलो आगे चले यस yes. सो so, बात किसकी कर रहे थे हम हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स प्रोहिबिशन uh, की प्रोहिबिशन दैट इज टू से एक कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर रहा है काइंडली डू नॉट डू दिस एक्ट व्हाई क्योंकि यहां पे हम उसको रिफ्रेन कर, रिफ्रेन करना चाह रहे कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए जो कि लॉ उसको ऑथराइज नहीं करता है जो कि उसके जूरिसन के एक्सेस में है या अपने ज्यूरसडिक्शन से बाहर जाके वो एक्ट कर रहा है दैट इज टू से आउटसाइड द जूरिस अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहा है

ट्रांसफर ऑफ केस विच इज पेंडिंग इन लोअर कोर्ट और ऑर्डर बाय अ लोअर कोर्ट इन केस नीड टू बी क्वेश्चन होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन जब लग रहा है कि भाई आप लोगों ने जो केस डिसाइड किया है उसमें जूरिस्डिक्शन गलत एक्सरसाइज कर लिया है या फिर आपने क्या किया है वो ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया है बॉडी और पर्सन शुड है उसके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए बट वैलिड तरीके से जोरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया नहीं शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया है एरर है उसपे आउट ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेस ही आपको रिकॉर्ड देख के लग रहा है कि वहां पे कोई एरर है त्रुटि की गई है कोर्ट के द्वारा और इशू अगेंस्ट द जुडिशियल और पॉजिट जुडिशियल ऑर्डर भी ऐसा किया जा सकता है जनरली सर्चरी इज रिलेटेड टू सर्टरी इज रिलेटेड टू वॉट इट इज रिलेटेड टू जुडिस एरर आगे चलेंगे स्टूडेंट्स जो जिसकी बात करता है कि कब इशू नहीं की जा सकती एडमिनिस्ट्रेटिव एंड के अगेंस्ट इसको हम इशू नहीं कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द एंड लीगल लीगल आर गारंटीड बाई एनी स्टैट्यूट एनी लॉ एनी एक्ट बट कॉन्स्टिट्यूशन राइट द राइट विच आर गारंटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान आपको अधिकार दे वो संवैधानिक अधिकार हो जाते हैं ठीक है क्लियर है चलो आगे चलेंगे जहां हम फंडामेंटल राइट्स को फटाफट फड़ से फिनिश करेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमारे पास तीन और राइट्स आते हैं स्टूडेंट्स है? है में बट बेसिक स्ट्रक्चर हमको याद है अब सुनो ये क्या कहता है इन दी एप्लीकेशन टू इन्होंने बोला कि पार्ट थ्री में कुछ भी फंडामेंटल राइट दिए वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर उनको इन चार लोगों पर अप्लाई करना है तो फर्स्ट कौन सा पर्सन है आर्म्ड फोर्स मेंबर है सेकंड कौन है the, कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स का बंदा है उसको हमने बोला कि भाई मेंटेनेंस आपको करना है कोविड आ गया है इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है प्लीज ऑर्डर अब आपकी ड्यूटी है अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है पर्सन एम्प्लॉयड इन द भी पर्सन है, है, uh, है वहां पे अपनी सेवाएं दे रहा है और पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विदिकम्युनिकेशन सिस्टम तो ये चार लोगों को जो भी फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री दे रहा है उन फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करने का अधिकार किसका है हिमांशु जी वेलकम टू पॉइंट दैट पॉइंट वो अधिकार किसका स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का सोचो क्यों ऑब्जेक्टिव यहां लिखा है टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी ये ड्यूटीज ऐसी हैं स्टूडेंट्स जहां पे डिसिप्लिन की या मैं कहूं थोड़ी सिक्योरिटी uh, की जरूरत है इसलिए उनके राइट्स को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स उनके राइट्स को जैसा पार्लियामेंट चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकता है आर्मी नेवी एयरफोर्स जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स है ना उनको बोला जा सकता है कि भाई कुछ टाइम के लिए तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फंडामेंटल राइट जो भी है उनको मॉडिफाई तरीके से उन उनपे इंप्लीमेंट कर सकता है

क्लियर है आगे सुनो नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव जो बोलता है पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है तो टू गिव इफेक्ट टू दीज तो थिंग्स सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव ने पार्लियामेंट ने ये बोला मैं बोल रही हूं आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव ऐसा बोल रहा है कि इन चीजों में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ नहीं बना सकता ये आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव ने क्लियर कर दिया अब वो कौन कौन से आर्टिकल जहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कैन मेक लॉ नॉट स्टेट लेजिस्लेचर फर्स्ट इज आर्टिकल नंबर सिक्सटीन 16.3 किससे डील कर रहा जो आपने करेक्ट करवाया था कि मैम ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस के मामले में बात कर रहा है वो पॉइंट आर्टिकल नंबर 32.3 एंड देन इज आर्टिकल नंबर 33 एंड 34 फोर यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाने वाला है और कोई भी लॉ नहीं बनाएगा स्टेट लेजिस्लेश को बिल्कुल पावर नहीं है क्लियर है थर्टी वापस से समझा देती हूं क्लियर है ओके okay? ओके okay. Yes. Uh, नहीं बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं यस दैट्स वॉर्ड आईम मास्किंग वॉट इज बेंड माई मार्शल लॉ मार्शल लॉ क्या होता है देखो आर्टिकल नंबर थर्टी थ्री ये बोल रहा है स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स फोकस करेंगे जिनको थर्टी थ्री समझ नहीं आ रहा है थर्टी थ्री ये कहता है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के पास पावर है कि आर्टिकल सॉरी पार्ट नंबर थ्री में हमको क्या दे रखे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थ्री में हमको दे रखे फंडामेंटल राइट्स सब एंजॉय कर सकते कर सकते हैं लेकिन ये चार लोग जब फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो इन चार टाइप के लोगों के लिए पार्लियामेंट इन फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकता है यस yes, यस yes, कंचन जी आर्मी लॉज वगैरह जहां पे एनफोर्समेंट में जहां पे मिलिट्री मिलिट्री रूल हमने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स यहां हम जहां बोले मिलिट्री हमने डिप्लॉय कर रखी है जहां पे सिचुएशन ऐसी कि हाथ से बाहर निकल रही है सिचुएशन तो आप ये सुनो पहले 33 पे आते हैं कि जब भी पार्लियामेंट को लगे कि ये चार लोगों को हमने ड्यूटी दी है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए तो हम इनको पार्ट नंबर थ्री में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उन पे क्यों क्योंकि उनको हमने ड्यूटी दी गई है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि आप प्लीज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए आपके राइट्स को हम थोड़ा कर्टेल कर सकते हैं वो अथॉरिटी हमने किसको दे रखी है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट को दे रखी है क्लियर है अंडरस्ट मार्शल yes, लॉ वैसे इंडिया में आप देखोगे इसका इनफोर्समेंट और इसका मैं यूज भी बोलू थर्टी फोर का तो ना के बराबर है 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 ठीक क्लियर बराबर अब सुनो रिप्लेसमेंट ऑफ सिविल गवर्नमेंट बाय मिलिट्री रूल एंड सस्पेंशन ऑफ द सिविल लीगल प्रोसेस ऑफ मिलिट्री पावर्स एप्सोलूटली विपुल एपसोल्यूटली करेक्ट तो मिलिट्री रूल जहां लग जाता है स्टूडेंट्स वहां पर क्या हो जाता है पार्ट नंबर थ्री बिल्कुल नहीं लगने वाला है क्लियर है आगे चले, 35 क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा या फिर टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर एक्ट डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेज अंडर दिस पार्ट बताओ कौन सा वो पार्ट है जो पनिशमेंट बोलता है या उसको ऑफेंस डिक्लेयर करता है इस पार्ट नंबर थ्री में दो दो आर्टिकल्स के बारे में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था यस और नो बताओ इज इट सेवेंटीन एंड ट्वेंटी थ्री सेवेंटीन एंड ट्वेंटी थ्री के मामले में क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करनी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पार्लियामेंट बताया क्योंकि उन्होंने बोला ना टू प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर दो पार्ट दिस पार्ट पार्ट मतलब थ्री में जो चीजों को जो एक्ट को हमने ऑफेंस की या पनिशमेंट देने की श्रेणी में डाला है उससे रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पावर्स बनाएगी पार्लियामेंट लॉज बनाएगी तो दैट इज आर्टिकल नंबर सेवेंटीन अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर थर्टीन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींगस क्लियर है बराबर चलो स्टूडेंट्स आगे चलेंगे नेक्स्ट दैट इज यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट नंबर सिक्स अच्छे से समझना अब यहां पे स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जो स्टेट और यूनियन में सिमिलर लगेगी आपको अच्छे से फोकस करेंगे स्टूडेंट्स यहां से थोड़ा भी गाड़ी हिली तो आप क्या हो सकते हैं कंफ्यूज हो सकते हैं अच्छे से सुनेंगे स्टूडेंट्स अगले तीन घंटे में स्टूडेंट्स हमें लगभग लगभग फिफ्टी स्लाइड्स कंप्लीट करनी है तीन घंटे में हमने 50 कर लिया, अगले घंटे में भी हम फिफ्टी स्लाइड्स कर लेंगे सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स अच्छा ये जब पार्ट करेंगे ना स्टूडेंट्स हम तो याद दिलाना हमको वो भी करने क्या डॉक्ट्रीन्स भी करने ठीक है शॉर्ट में डॉक्ट्रीन्स को भी करेंगे वैसे डॉक्टर के लिए मैं अलग से क्लास भी लूंगी पहले सुनो अच्छे से

मैं जब स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर वन यूनियन का एग्जीक्यूटिव पढ़ा रही हूं तो मैं आपको साथ में स्टेट का भी पढ़ाऊंगी किसका पढ़ाऊंगी स्टेट का भी साथ में पढ़ाऊंगी स्टेट के एग्जीक्यूटिव में कौन, है? Uh, sorry, में कौन है? आता है गवर्नर पार्लियामेंट सॉरी यूनियन के एग्जीक्यूटिव में कौन आता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए अटॉर्नी जनरल हो गए ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो उसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ठीक है क्या करेंगे स्टूडेंट्स कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रही हूं ना स्टूडेंट तभी गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पढ़ लो क्योंकि गवर्नर इज इक्वल टू प्रेसिडेंट वो स्टेट में है, ये सेंटर पे दोनों के अपॉइंटमेंट टेन्योर इलेक्शन सब एक साथ पढ़ेंगे ठीक है ताकि आप ये भूलो नहीं अरे प्रेसिडेंट में कौन था गवर्नर में कौन था एक टेबल से खटक से याद हो जाएगा ठीक है फिर हम बात कर लेंगे पार्लियामेंट की पार्लियामेंट मतलब हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा वैसे के वैसे स्टेट में विधानसभा दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे ठीक है फिर आएगा लेजिस्लेटिव पावर्स दैट इज थ्री एंड टू ये तो एक्जीक्यूटिव में ही हो जाएगा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के फिर जुडिशरी को एक साथ पढ़ेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक ही टेबल में पढ़ने वाले हैं फिर हम बात करेंगे ऑडिटर कंट्रोल जनरल और सब ऑर्डिनेट कोर्ट से चलो स्टार्ट करेंगे दिख रहा है सबको यस और नो Yes no? yes no? सबको क्लियर है अब सुनो कई बार डाउट होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर ये क्या है तो आपको मीनाक्षी जी ठीक है कोशिश करना दिख जाए क्योंकि मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाली हूं तो मैं और out करूंगी तो बेटा स्लाइड बाहर चली जाएगी ठीक है यूनियन और स्टेट साथ में चल रहे हैं। यूनियन का एग्जीक्यूटिव स्टेट का एग्जीक्यूटिव स्टेट का एग्जीक्यूटिव मतलब किसकी बात कर रही हूं मैं गवर्नर की बात कर रही हूं जब मैं यूनियन के एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूं मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रही हूं तो आपको ये नोट्स अमन जी पीडब्ल्यू लॉ वाला टेलीग्राम जुडिशरी चैनल जुडिशरी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा ठीक है क्लियर है आगे सुनो आगे सुनो वैभव जी फोकस ऑन क्लास ठीक है सुनो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट के बारे में प्रोविजन कहा दिया आर्टिकल नंबर 52 क्या बोलता है आर्टिकल नंबर नंबर 52 52 आर्टिकल 52 ने सीधा बोला इंडिया के लिए एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और होगा देर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा देखा 63 में बोला देर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है गवर्नर के बारे में कहा बोला वन में बोला देर शैल बी अ गवर्नर फॉर द स्टेट एंड पार्लियामेंट चाहे तो एक गवर्नर दो दो स्टेट के लिए भी हो सकता है एक गवर्नर दो दो स्टेट के लिए भी हो सकता है क्यों पार्लियामेंट के बारे अगर मैं यूनियन के बारे में बोलूं स्टूडेंट्स तो प्रेसिडेंट इज सेट टू तो बी द एग्जीक्यूटिव हेड एग्जीक्यूटिव हेड है वो किसका यूनियन का प्रोविजन कहां दे कहाड है और गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है वन फिफ्टी फोर में तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है वाइस प्रेसिडेंट को एक और पोजिशन मिल रखी है एंड दैट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल किसकी पोजिशन मिल रखी है स्टूडेंट्स एक्स ऑफिशिय चेयरमैन ऑफ काउंसिल काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा राज्यसभा का चेयरमैन होता है और लोकसभा का स्पीकर होता है वर्ड्स अच्छे से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स राज्यसभा का चेयरमैन होता है डेप्यूटी चेयरमैन होता है लोकसभा का स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होता है बराबर है हाउस ऑफ पीपल कहूं तो लोकसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहूं तो राज्यसभा आएंगे आगे आएंगे ठीक है इलेक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट का इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है मार्क करना एग्जाम में आएगा गलती करके नहीं आना सुनो कौन कौन होता है अच्छे से फर्स्ट वर्ड पे फोकस करना इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स क्या बोला मेंबर्स मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है बेटा यहां सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स किसके लोकसभा और राज्यसभा कहना पार्लियामेंट के क्योंकि पार्लियामेंट इज वर्ड पार्लियामेंट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा मिलकर पार्लियामेंट बनता है तो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ डेली एंड पुडुचेरी एंड डेली एंड पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरीज है ध्यान रखना यहां पे इनके पास इनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है इसलिए इन्होंने बोला एंड पुडुचेरी आपके दिमाग में बाकी यूनियन टेरिटरीज का आगे दे डू नॉट हैव देयर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिसलेटिव असेंबलीस नो एम आई राइट सेइंग दिस कंचन जी यस ऑन नो ठीक है बराबर है तो लेजिस्लेटिव दैट इज टू से पूरा पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट लेजिस्लेटिव एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स मेथड कौन सा होगा प्रपोशन रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरबल वोट सिस्टम इसमें क्या होता है सिंपल है रैंकिंग देनी होती है फर्स्ट रैंक मेरा इस पर्सन को सेकेंड मेरा प्रेफरेंस ये पर्सन थर्ड मेरा प्रेफरेंस ये पर्सन ठीक है ये होता है होता है है इसमें कमिंग टू वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट बाई दी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जब बात सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की आती है तो मेंबर्स मींस इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ क्लियर है आगे सुनो जब गवर्नर की बात करते हैं तो उसका इलेक्शन नहीं होता उसको कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को राज्यपाल को हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट क्लियर है आगे सुनो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए थर्टी फाइव होना चाहिए क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन होल्ड करना चाहिए एंड ही शेल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर्टिकल नंबर फिफ्टी तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है वही सेम है थर्टी फाइव सिटीजन ऑफ इंडिया लेकिन क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा के के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए क्यो? क्यों क्योंकि इलेक्शनसभा नॉट होल्ड प्रॉफिट आगे सुनो गवर्नर क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एज 35 तीनों में 35 है लेकिन इसका कोई भी लोकसभा राज्यसभा में एज अ मेंबर की क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड नहीं है क्या नहीं हाँ हाँ विधानसभा विधान परिषद एसएल इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन में सॉरी यहां ऐसे यूनियन यूनियन में पार्लियामेंट पार्लियामेंट में क्या होता है बेटा हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड क्वालिफिकेशन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन कहता है कि प्रेसिडेंट क्वालिफाइड तो होना चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए लेकिन वो मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर वो मेंबर है तो उसको वो पोजीशन होल्ड करते ही वो मेंबरशिप त्याग देनी पड़ेगी नॉट होल्ड दी एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज द ऑफिशियल रेजिडेंस ये कुछ फायदे बता रखे कि वो रेजिडेंस यूज कर सकता है बिना ऐसा कोई रेंट दिए एनोलमेंट एंड अलाउंसिस नॉट टू बी डेमिनेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इनका यहां पे और क्या बोला 158 में भी सेम बोला है as इट is 158 में भी सेम चीजें बोल रखी है किसके लिए गवर्नर के लिए बोल रखी है अब मैं बात करूं प्रेसिडेंट की oath की बहुत अच्छे से ध्यान रखना oath से प्रीलिमनरी में क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में भी प्रेसिडेंट को oath कौन दिलाता है हम लोग कई बार देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह बताओ शपथ का आ, आर्टिकल सॉरी शेड्यूल बताओ oath का शेड्यूल बताएंगे सभी स्टूडेंट्स किसके सामने लेता है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट सीजीआई के सामने लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ली जाती है अगर सीजीआई सीजीआई नहीं है तो सीनियर सीनियर मोस्ट मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जो जो आपके के के बाद भी वेरी गुड वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहां उनको शपथ दिलाएंगे वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने लेते हैं बिफोर प्रेसिडेंट एंड कोई भी ऐसा पर्सन जो कि प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करें और गवर्नर किसके सामने लेंगे गवर्नर लेंगे सीजे ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट नॉट प्रेसिडेंट गवर्नर को कौन दिलाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस स्टूडेंट यहां पे क्या दिलाने वाला है शपथ दिलाने वाले है. अगर हाई कोर्ट के सीजे नहीं है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है स्टूडेंट तो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज क्या करेंगे वहां पे शपथ दिलाएंगे आगे टेन्योर कितना हो students, होता है प्रेसिडेंट का स्टूडेंट फाइव इस होता है एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए दैट इज री इलेक्शन के लिए एबसुलटली री एलिजिबल है सॉरी uh, एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स के लिए होता है वाइस प्रेसिडेंट एंड अगर हम बात करें गवर्नर की तो ये भी फाइव ईयर्स तक होता है जनरली फाइव ईयर्स बट सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्योंकि प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करते हैं तो प्रेसिडेंट चाहे तो पांच साल से पहले उनको वहां से हटा सकते हैं या किसी और स्टेट में भेज सकते हैं ठीक है क्लियर है क्या बोल रहे हो बेटा बट प्रेसिडेंट महोदय की ओथ आर्टिकल सिक्सटी में हाँ सुरजीत जी ये लिखा है प्रेसिडेंट की आर्टिकल सिक्सटी बताओ कोई डाउट है सुरजीत जी आर्टिकल नंबर सिक्सटी में प्रेसिडेंट की हमने ओथ के बारे में बताया है टेन योर फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सेवन एंड वन फिफ्टी सिक्स अब रेजिग्नेशन किसको देंगे प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देंगे स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को वीपी को देंगे ठीक है अपने से निचले को देंगे वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देंगे प्रेसिडेंट को देंगे गवर्नर भी प्रेसिडेंट को देंगे जिसने नियुक्त किया उसको हम अपना रेजिग्नेशन दे देंगे ग्राउंड ऑफ रिमूवल दैट इज इंपीचमेंट इंपीचमेंट को क्या बोलते हैं महाअभियोजन बोलते हैं इंपीचमेंट सॉरी महाअभियोगन महाअभियोग ठीक है आर्टिकल नंबर 61 बोलता है इंपीचमेंट फॉर देशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब ये कॉन्स्टिट्यशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है टर्मिनोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बता रखा है दिस इज नॉट डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 67 क्या बोलता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है लेकिन प्रोवाइडेड रेजोल्यूशन निकाले काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्योंकि वो क्या है स्टूडेंट्स एक्स ऑफिशियल ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा तो राज्यसभा राज्यसभा के मामले में क्या होगा उनको एक रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा ठीक है, क्लियर है किसका बता रहे हो वैभव वैभव जी किसका बता रहे हो जरा मुझे बताना ओके okay. चलो और किसी स्टूडेंट को डाउट है इस मामले से बताओ एंड जो हमारे गवर्नर है उनको कौन हटा सकते हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं बिना कोई ग्राउंड बताए जब उनको सही लगे ठीक है क्लियर है ओके प्रेसिडेंट एक बार चेक कर लेते हैं हम प्रेसिडेंट 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 ओके आर्टिकल नंबर फिफ्टी सिक्स पे आएंगे देखो हमने बात किया स्टूडेंट्स टेन्योर की फाइव आर्टिकल फिफ्टी सिक्स पढ़ लेती हूं द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस ऑफ टर्म फॉर फाइव इन फ्रॉम द डेट ऑन विच हीस एक्सेप्ट अगर उसकी पोस्ट इस चीज से चली जाए पहले अगर वो रिजाइन कर दे रिमूव बाई द इम्पीचमेंट एंड सी इज वॉट सी बोल रहे हैं एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू दीपी शेल फोर्थ विद्युनिकेटेड बाई हेम टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल क्लियर है किसी को कोई डाउट बताओ क्या प्रेसिडेंट 65 ये जो इन्होंने बोला सिक्सटी और 5 फाइव इयर विच इज नो 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 किसी को इसमें कोई डाउट ये वाला बताओ पॉइंट कि भाई वाइस जो हमारे प्रेसिडेंट है वो पांच साल के लिए होते हैं उनका टिन्यू और पांच साल के लिए होता है किसी को कोई भी डाउट है बताओ एनी डाउट यस और नो यस और नो ये टेबल स्टूडेंट्स रख लेना व्हाइट स्लाइड्स है आराम से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना ठीक है

इस फॉरेन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ कौन कौन से मामले में जब कोई पनिशमेंट दे रखी है ऐसे ऑफेंस में जो कि अगेंस्ट यूनियन लॉ है या फिर पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल अच्छे से देखना मिलिट्री कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दी है या डेथ का पनिशमेंट है इसको वो कम्यूट कर सकते हैं लेकिन गवर्नर भी ये सारे राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है लेकिन गवर्नर कभी भी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई पनिशमेंट को क्या नहीं कर सकता पार्डन नहीं कर सकता एंड प्रेसिडेंट तो डेथ सेंटेंस को क्या कर सकता है कर सकता है गवर्नर नहीं कर सकता हर वो चीज जो प्रेसिडेंट कर सकता है गवर्नर कर सकता है जब मैं पार्टनिंग पावर्स में आऊं लेकिन दो चीज गवर्नर नहीं कर सकता स्टूडेंट्स ऐसी पनिशमेंट जो कोर्ट मार्शल ने दी है उसको पार्टन नहीं कर सकता एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट क्या नहीं किया जा सकता गवर्नर यहां पर गवर्नर यहां पे डेथ सेंटेंस को पार्टन नहीं कर सकते हैं ठीक है क्लियर है आगे सुनो आगे सुनो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है स्टूडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दैट इज ऑर्डर 123 में प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर 213 में है ठीक है कोई बात नहीं अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बेटा सेशन खत्म होने के बाद एक बार वापस देख लेना आगे सुनो 123 में प्रेसिडेंट क्या करता है स्टूडेंट्स ऑर्डिनेंस बनाता है ठीक है ऑर्डिनेंस मतलब क्या हो गया ऑर्डिनेंस स्टूडेंट्स तब बनाया जाता है जब जब सेशन हमारा नहीं है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है क्योंकि हमको पता है विंटर सेशन 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 बजट सॉरी विंटर सेशन समर सेशन और ये जो स्पेसिफिकली हमारा बजट सेशन होता है अभी बात करेंगे सेशन वगैरह सब की तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और उसको लॉ की इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारा प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऐसा लॉ बना सकते हैं कब वेन वन और बोथ हाउसेज नॉट इन सेशन इसका वही इफेक्ट होगा जैसा कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है बट आर इन नेचर ऑफ टेंरी लॉ सिर्फ temporary है, कुछ टाइम पीरियड के लिए of the parliament. जैसे ही पार्लियामेंट स्टूडेंट रीअसेंबल होगी उसके छह वीक्स के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा तो सोचो मैक्सिम मैक्सिम जो लाइफ है एक ऑर्डिनेंस की वो कितनी हो सकती है दैट इज सिक्स मंथ

छह महीने बाद ये सेशन खत्म होते पार्लियामेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया छह महीने तक अब पार्लियामेंट नहीं आई छह महीने बाद जैसे ही सेशन बैठा तो हमें पता जब सेशन बैठ रहा है उसके अगले छह वीक के बाद वो एक्सपायर होगा तो मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन हो गया एक ऑर्डिनेंस का सिक्स मंथ्स जब पार्लियामेंट मैक्सिमम पीरियड के लिए सेशन में नहीं थी तब एंड सिक्स वीक्स जब पार्लियामेंट सेशन में आ गई उसके बाद एक्सपायरी का सिक्स वीक्स तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी सिक्स मंथ्स एंड सिक्स वीक्स येस और नो क्लियर है बाकी बाकी स्टूडेंट्स इसका टाइम लिमिट कितना होता है सिक्स वीक्स होता है क्लियर है ओके okay, बराबर ओके okay, पटना क्वीन बताओ ऑर्डिनेंस क्या होता है गॉट इट चलो आगे सुनो नेक्स्ट इज गवर्नर की बात करता है एज इट इज ठीक है क्लियर है आगे सुनो नाउ वी विल कम टू दी इम्पीचमेंट प्रोसेस क्योंकि हम इम्पीचमेंट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो रहा है तो जरा इम्पीचमेंट प्रोसेस पढ़ लेते हैं कैसे होता है महाअभियोग इट सेज इट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन अ पार्लियामेंट होती कहां है पार्लियामेंट में होता है और अब यहां पर जब हो रहा है तो इट इज अ क्वाजी जुडिशियल जहां पे पार्लियामेंट खुद क्या करता है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहा है तो देखो एक तो ये भी एक तरीका है और एक ये तरीका है दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं लेकिन पहले मैं आपको ये तरीका बता दे ग्राउंड क्या है वॉयशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉयशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं है स्टूडेंट्स डिफाइंड नहीं है इनिशिएशन कहां ले सकता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का कौन सा हाउस इसको इंपीच कर सकता है कोई भी राज्यसभा भी इनिशिएशन कर सकता है लोकसभा भी इनिशिएशन कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन

दोनों हाउसेस को 2/3 2/3 मेजॉरिटी से क्या करेंगे स्टूडेंट्स उसको उसको पास करेंगे चार्जेस इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उस हाउस के द्वारा जिसने इनिशिएशन नहीं किया क्योंकि जिसने इनिशिएशन किया उनको तो 1/4 मिल गया और आगे 2/3 करके पास कर दिया जिस हाउस में इनिशिएट नहीं हुआ वो अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे चार्जेस में कि सही है कि नहीं है एंड जैसे ही उनको लगता है कि हां जी बिल्कुल सही है अब वो भी रेजोल्यूशन से अपने यहाँ के टू थर्ड मेजोरिटी से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स टू थर्ड ऑफ टोटल मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास कर देंगे एंड प्रेसिडेंट उस दिन से रिमूव हो जाएंगे जिस दिन से दूसरे हाउस में वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है क्लियर है ओके ओके नेक्स्ट आगे फोकस करो मीनाक्षी जी प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपियर एंड बी रिप्रेजेंटेड इन सच इन्वेस्टिगेशन कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना इलेक्टेड मेंबर्स मेंबर्स नॉमिनेटेड देखो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कर सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स तो कर ही रहे थे लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कर रहे हैं लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन के टाइम पे नहीं थे पर निकालने के टाइम पे आ गए वो होता है ना जब खुशियों का समय होता तब रिश्तेदार नहीं आते हैं लेकिन जब दुखों की घड़ी आती है तो आ जाते हैं रिश्तेदार है ना कि भाई हाँ अब ठीक है तब आ जाते हैं खूब खुश होने के लिए राइट ये वो वाला मामला हु डू नॉट पार्टिसिपेट कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ डेली एंड पुडुचेरी जबकि ये तो बेचारे इलेक्शन में थे ये तो बेचारे इलेक्शन में थे लेकिन इंपीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स एंड एंड पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स नहीं होते हैं कौन होता है ओनली एंड ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ठीक है क्लियर है आगे सुने आगे चले चलो लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस करेंगे अभी हम क्या स्टूडेंट्स हां जी क्या बोला जा रहा है आर्टिकल 72 क्लॉज थ्री आर्टिकल 72 किससे डील कर रहा है पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट नथिंग इन क्लॉज सी शैल इफेक्ट द पॉवर टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट द डेथ सेंटेंस एक्सरसाइज बाई गवर्नर ऑफ द स्टेट कहने का मतलब यह है राकेश जी गवर्नर के पास भी वो पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास है तो अगर गवर्नर वो पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट भी एक्सरसाइज कर ले अगर गवर्नर ने वो पावर एक्सरसाइज कर लिया तो मात्र क्योंकि गवर्नर ने वो पावर्स एक्सरसाइज कर लिया प्रेसिडेंट तो के पास भी है इस वजह से वो जो गवर्नर ने पावर्स एक्सरसाइज किए वो इफेक्ट नहीं हो जाते हैं अंडरस्टैंड तो अगर वो पावर्स जो कि हमारे किस में हैं यहां पे दे रखे हैं ये किसको इफेक्ट नहीं करेंगे वो पावर्स जो कि गवर्नर को दे रखे हैं अगर कोई सीधा गवर्नर के पास चला जाए तो वो भी वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं ठीक है मैं अब इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ इस तरीके से समझ लो Grounds क्या है Violation है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है मान लो लोकसभा ने इनको बोला कि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं क्या बोला लोकसभा ने बोला कि हम क्या करना चाहते हैं कि यहां पर इस मामले में प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो चार्जर शुड बी साइंड बाय फोर्थ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस आपके लोकसभा के वन फोर्थ मेंबर्स क्या करेंगे इस चार्ज को साइन करेंगे 14 डेज का नोटिस मिलेगा प्रेसिडेंट को फिर 14 डेज के नोटिस के बाद रेजोल्यूशन खुद से लोकसभा पास करेगा किससे मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड ऑफ दी टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस उस हाउस के टोटल मेंबरशिप

स्ट ठीक है क्लियर है कर लो तनीषा जी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जेलों के लिए कर ही लो ठीक है अब सुनो प्रेसिडेंट एंड हमारे गवर्नर के लगभग ये सेम पावर्स हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लगभग हमारे सेम पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर फाइनेंशियल पावर जुडिशियल पावर एंड इमरजेंसी पावर लेजिस्लेटिव पावर्स में ऑलरेडी हम देख के आए हैं कि वो क्या करते हैं अपॉइंटमेंट करते हैं कुछ लोगों का कौन किसका किसका अपॉइंटमेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल हो गया ऑडिटर कंट्रोलर जनरल हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया यूपीएससी के चेयरमैन हो गए हैं गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेटर ध्यान रखना स्टूडेंट्स यूनियन टेरिटरीज का क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यहाँ पे सीएम वगैरह होते हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है फाइनेंस कमीशन हो गया उनके मेंबर्स वगैरह तो ये सारा एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता है किसके हमारे प्रेसिडेंट के नॉट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट का, का काम करते हैं क्लियर है ओके अंडरस्टूड आगे सुनो नेक्स्ट इज फिशियंट yes, सुनील जी प्रोवाइडेड की आपने पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा तो इट विल सफिट ठीक है आगे पढ़ेंगे हमारे प्रेसिडेंट के लेजिस्टिव पावर्स क्या है लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर यह लेजिस्लेटिव असेंबली सॉरी इन्होंने बोला प्रोरोक द पार्लियामेंट समन करेंगे या प्रोरोक करेंगे मतलब कि वही सेशन बुलाओ सेशन को खत्म करो या फिर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं जब लगे भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन डिसॉल्व किया जा सकता है समान अ ज्वाइंट सिटिंग ज्वाइंट सिटिंग जब डेडलॉक है तो उसको उसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए यहां पे एक ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं

काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन कौन होता है नाम नहीं पूछ रही कौन होता है वीपी 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 वेरी गौड, वेरी गौड, वेरी गुड 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 वाइस प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है क्लियर है ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स जब वो वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभा रहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे फिर वो यहां पे चेयरमैन नहीं बनते ओके आगे सुनो क्या करते हैं राज्यसभा में ट्वेल्व करते. करते ये जो एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अब हंड्रेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया और नो अपडेटेड हो यस और नो तो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट अब रिमूव कर देगा लोकसभा राज्यसभा अब एंग्लो इंडियंस नहीं है ठीक है आगे सुनो। हुआ है, तो उनको क्या किया जा सकता है उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंसल्ट कर सकते हैं एंड प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस प्रोमॉगुलेट ऑर्डिनेंस मींस आर्टिकल 123 अभी पढ़ा हमने एंड गवर्नर क्या करेगा गवर्नर 213 में कर लेंगे फाइनेंशियल पावर्स क्या है बिल्स को इंट्रोड्यूस करना उनको क्या करना वीटो पावर यू एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर उनको यहाँ पे परमिशन देना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल हमेशा ध्यान रखना मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल हमेशा और हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है वो भी तब जब पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे उनकी रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है वो बजट को कॉज द बजट टू बी लेट डाउन बजट ले डाउन करने के लिए परमिशन देते हैं बजट प्रेजेंट कौन करता है फाइनेंस मिनिस्टर करता है ठीक है ये ध्यान रखना ही अलाउस फॉर लेइंग डाउन द बजट और डिस्कशन के लिए बट उसको रिप्रेजेंट कौन करता है या उसको जो बजट स्पीच uh, होती है वो कौन देते हैं वो हमेशा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं ही कैन मेक डिमांड्स और ग्रांट्स एंड रिकमेंडेशन इज अ कोई भी ग्रांट देनी है स्टेट्स को चाहे आपके फंड्स हो या कुछ भी एलोकेशन हो वो प्रेसिडेंट के कंसर्ट के बिना नहीं होने वाला है कंटेंजेंसी फंड किसके कंट्रोल में होती है सीधा सीधा हमारे प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती है कंटेंजेंसी फंड मीन कोई एमरजेंसी के टाइम पे उसमें से फंड यूटिलाइज करने हैं वो क्या होता है कंटेंजेंस होता है क्लियर नो राकेश जी गवर्नर ड नॉट हैव द पावर टू पार्डन सेंटेंस और एन ऑफेंस पास बाय अ मार्शल कोर्ट फिफ्थ ही कॉन्स्टिट्यूट फॉर फाइव इयर्स फाइव इयर्स की जो फाइनेंस कमीशन है फाइनेंस कमीशन कहा स्टूडेंट्स आर्टिकल 280 एट्टी और नो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जुडिशियल पावर्स क्या है सीजे को अपॉइंट करते हैं सीजेआई को अपॉइंट करते हैं जजेस इन जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ही टेक्स द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट दैट इज एडवाइस ज्यूरिसडिक्शन और उनके पास क्या होता है स्टूडेंट्स पार्डनिंग पावर भी होती है पार्डनिंग पावर पढ़ के आए हैं हम आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास होती है इमरजेंसी पावर्स वो चाहे तो इमरजेंसी लगा सकते हैं 352 से लेके 360 डील्स विद, 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 विद द इमरजेंसी पावर्स चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे हम मैं बात करूंगी तनिषा जी इस पे आऊंगी 331, 332, 333, 334 एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर एस सी एस टी इन योर पार्लियामेंट एंड इन योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सबकी बात करूंगी बहुत प्यारा सा चार्ट है ठीक है क्लियर है फोकस करेंगे सब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेवेंटी थ्री एंड सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर में क्या बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है बात कर लेंगे उनकी एंड सेवेंटी फाइव में बोला भैया अदर मिनिस्टर्स किसकी बात कर रहा है प्रोविजन एस टू अदर मिनिस्टर्स तो सेवेंटी फोर ये बोलता है हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विद पीएम एट हेड किसकी बात कर रहा है हम बात कर रहे हैं यूनियन की यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं सुनो आगे राकेश जी योर डाउट बीन आगे सुनो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम एट हेड क्यों होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने वाले हैं आगे सुनना प्रेसिडेंट मे रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस जब आपने प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दी है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते प्लीज कर लो ये कब ऐड किया गया अमेंडमेंट लेकिन क्या ये एडवाइस बाइंडिंग है क्या प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करना पड़ेगा जब रिकंसिडरेशन के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस आपको वो एडवाइस देते हैं रिकंसिडरेशन करने के बाद भी भेज देना प्रेसिडेंट इज बाउंड एडवाइस टेंडर बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट शैल नॉट भी इंक्वायर इन टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ एक बार एडवाइस दे दी अब इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं अदर मिनिस्टर्स जो है प्रोविजन एस टू मिनिस्टर्स ये कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बोल रहे हैं बाकी मिनिस्टर्स तो इन्होंने बोला मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट इलेक्टेड होके आते हैं वो निर्वाचित होते हैं इलेक्ट किया जाता है बकायदा इलेक्शन होता है लेकिन उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कई बार हमको पता है ना जब मेजोरिटी नहीं आ पाती है जब गठबंधन वगैरह होता है अपॉइंटमेंट कौन करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं करते है तो प्रेसिडेंट है लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रधान के प्रधानमंत्री के एडवाइस पे करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीबिल टू लोकसभा दे 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 स्विम स्विम सिंग सिंग बिकॉज आर टू लोकसभा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मिनिस्टर्स जो कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं ना लोकसभा के मेंबर थे ना राज्यसभा के मेंबर थे लेकिन उनको मिनिस्टर बना दिया गया मान लो उनको कोई मिनिस्ट्री दे दी गई तो पीरियड ऑफ सिक्स कॉन्जिक्यूटिव मंथ शेल सीज टू बी अ मिनिस्टर अगर वो छह महीने तक लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आते हैं उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी क्लियर है येस ऑर नो द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के प्लेजर तक वो ये अपना पोस्ट जो है वो होल्ड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट किसकी बात कर रहे हैं हम हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन आई से मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ yes no. no, किसकी बात कर रही हूँ की बात कर रही हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर होंगे इन्होंने बोला फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से ज्यादा हमारे क्या नहीं होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने वाले हैं और ये फिफ्टीन के अंदर स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे इज इट क्लियर यस किया जा सकता है बिल्कुल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसमें भी हो सकता है डिस्कालिफिकेशन इसमें भी हो सकता है हमारे डिस्कॉलीफिकेशन पढ़ेंगे हम आगे एंड साथ ही साथ क्या हो सकता है स्टूडेंट्स Yes, 15 प्रावधानी फर्स्टमेंट एक्ट नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री अगला इंपॉर्टेंट ओथ इन मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट ओथ दिलाते खत्म कहानी आगे चले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज इट क्लियर आगे चलेंगे स्टूडेंट्स जहां हम अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे क्योंकि ये ये भी एग्जीक्यूटिव में आ रहा है है यस और नो ना रे, बाबा बताओ ओके सुनो सॉरी हमने डिस्कस किया किया था That was 91st Constitutional Amendment Act से. इसको 15% गया as it is. लेकिन वहां पे, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे और नंबर दोनों दे रखा है क्लियर है आगे सुनो ओके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कौन करता है उनका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पोजीशन क्या है ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज सेट टू बी द हाईएस्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री क्वालिफिकेशन क्या सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए ठीक है कंचन जी ये मिनिमम फोर्टी वाला जो अपन डिस्कस करेंगे है है ना ठीक अच्छा इसके में बोल रहे हो इसके में नहीं तो विपिन, विपुल जी इट इज़ बिकॉज नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन आर्टिकल थ्री हंड्रेड टेन एंड थ्री हंड्रेड टेन एंड थ्री हंड्रेड इलेवन राइट क्या है राइट टू राइट ऑफ ऑर्डियंस इन ऑल द कोर्ट हर कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन क्या राइट right नहीं है राइट टू वोट नहीं है उनके पास राइट टू वोट नहीं है ड्यूटीज क्या होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगी लीगल कैरेक्टर की जो भी ड्यूटीज उनको दे रखी है वो परफॉर्म करेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो भी ड्यूटीज देता है उनको हर वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है रेन्युमरेशन रेमुनरेशन कितना होगा जो कि प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसाइड करें क्लियर है चलो आगे चलेंगे जहां अभी हम पार्लियामेंट देखेंगे यूनियन का पार्लियामेंट देख रहे हैं क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स यूनियन का पार्लियामेंट देखेंगे सुनो ये है यूनियन का पार्लियामेंट चैप्टर नंबर टू पार्ट नंबर फाइव और नो यस लिख रखा है पार्ट नंबर फाइव चैप्टर नंबर टू पार्लियामेंट सेवेंटी नाइन से वन ट्वेंटी नाइन बोल रहा है पार्लियामेंट में क्या क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होता है प्लस टू हाउसेज होते हैं रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दैट पार्लियामेंट में कौन कौन होता है प्रेसिडेंट भी होते हैं एंड बोथ दी हाउसेज ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अब बोथ हाउसेज में कौन होता है हाउस ऑफ पीपल एंड

गवर्नर होगा प्लस टू हाउसेस होंगे कोई बात नहीं यहां पे जैसे टू हाउस थे वैसे यहां पे भी है एक लेजिस्लेटिव असेंबली है दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है लेजिस्लेटिव असेंबली मींस विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस विधान परिषद लेकिन हर स्टेट में दोनों हाउस नहीं होते हैं हर स्टेट में दोनों हाउस नहीं होते हैं सिर्फ सिक्स स्टेट्स ऐसे हैं बेरेक्ट में तमिलनाडु दे रखा है हटा देना उसको क्लियर है सुनो सिर्फ सिक्स ऐसे स्टेट्स है स्टूडेंट्स जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है अदरवाइज बाकी इंडिया में बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है इट इज ओनली एंड ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ विधानसभा है विधान परिषद नहीं है तो मैम विधान परिषद बनाने का क्रिएट करने का अबॉलिश करने का पावर किसके पास है कोई तो बनाता होगा ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद कौन बना सकता है तो उसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स हमें 169 में. 169 में ये कहता है पार्लियामेंट के पास पावर्स है स्टूडेंट क्या बोल रहा है पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी भी स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो बना सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं तब जब उनको रेजोल्यूशन पास किया जाए स्पेशल मेजोरिटी द्वारा जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से और पार्लियामेंट को कहे कि प्लीज हमारे यहां पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाओ तो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी अन्यथा नहीं दीज आर सिक्स स्टेट स्टूडेंट्स देर आर सिक्स स्टेट्स अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे से देखेंगे इट इज आंध्र प्रदेश बिहार यूपी कर्नाटका महाराष्ट्र तेलंगाना इज इट क्लियर सभी को क्लियर है सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट तो आगे चले स्टूडेंट्स जहां पे अब ये वाला पार्ट डील करेंगे ये वाला बाद में क्योंकि हमें यहां पे ये दोनों कंपेयर करना है अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट को पढ़ के आ चुके हैं लेजिस्लेटिव सॉरी लोकसभा राज्यसभा को कंपेयर करेंगे क्लियर है आगे चले हाँ जी इट इज सफिशंट इट इज सफिशियंट राठी जी इट इज सफिशियंट चलो स्टेट्स में नहीं है सिक्स स्टेट्स में है सुनो 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 इन सिक्स स्टेट्स एक मिनट रुको है कि नहीं है एक मिनट जस्ट जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स आई थिंक इसमें है क्या बात कर रहे हो चलो आज आते स्टूडेंट्स एक बार हम डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल नंबर 168 ठीक है 168 देयर शैल बी लेजिस्लेचर विद विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर एंड इन द स्टेट्स एंड इन द स्टेट्स ऑफ ये छह स्टेट्स में टू हाउसेस होंगे इनमें है इनमें नहीं नहीं है इनमें है ठीक है क्लियर है कौन बोला नहीं है वैभव क्या बोल रहे हैं नहीं है नहीं नहीं है है, है। ठीक है चलो एंड्रॉइड गेम्स आगे सुनो ये है हमारा हाउस ऑफ पीपल लोकसभा एंड राज्यसभा ठीक है तुम लोगों को शक होगा मैडम इधर से कॉपी पेस्ट करके लाई हो क्या इधर से कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करके लाए तुम लोग बोलोगे मैडम कि लाओ हो तुमको एक चार्ट ही दिखा देते हैं हमारा खुद का ठीक है ये दिस वाज द चार्ट दैट आई यूज्ड टू मेक अगर तुमको दिख रहा है है ना अभी भी स्कूल कॉलेज में देखो तिरंगा जब निकल जाए आपके संविधान पढ़ाते पढ़ाते आपकी बुक में से तो इससे तो बेहतर हो क्या ही प्राउड फीलिंग होगी ना पृथ्वी के सबसे तीन सुंदर रंगों से हमारा तिरंगा बना है जो आज चांद पे जाके लहरा रहा है है ना और ये हमारा जो तिरंगा है स्टूडेंट्स ये हवा की वजह से नहीं लहराता ये लहराता है हमारे देश के जवानों की सांसों से ऑलवेज रिमेंबर दिस ये तिरंगा बहुत प्राइड होल्ड करता है बहुत ज्यादा डोट नो कैसे नोटबुक में से निकल गया बट येस आई ऑलवेज कीप दिस इन माई कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी नोटबुक रहता है बिकॉज इट गिवस यू ग्रेट वाइफ इट ऑलवेज मेक्स यू फील प्राउड तो हाँ पढ़ा था और रखा करो अच्छा लगता है ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे आगे कहाँ थे हम लोग हाँ तो मेक श्योर sure करो कि ये चीजें बना के रखो थोड़ा है ना कई बार आज से चार पांच साल पहले बनाया था तो कई बार नोट्स अपडेटेड भी नहीं होते बट ठीक है कोशिश करेंगे कि हम इनको क्या करें स्टूडेंट्स अपडेटेड करके अच्छा चलो

ठीक सुनो आर्टिकल नंबर 81 ये कहता है 550 मेंबर्स होंगे 552 हुआ करते थे अब दो हट चुके हैं दैट इज एंग्लो इंडियंस रिमूव हो चुके हैं हंड्रेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू से तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 550 मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 530 स्टेट से आएंगे 20 यूनियन टेरिटरीज से आएंगे एंड करंटली कितने हमारे पास 543 दो एंग्लो इंडियन हट गए क्लियर है ये और नो सबको समझ आया सबको समझ आया देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा राधे गोविंद जी अपन उसको फॉलो करेंगे अभी ठीक है क्लियर है अभी एट प्रेजेंट इट इज 543, फोर थ्री नॉट फाइव फिफ्टी फाइव सॉरी नॉट फाइव फोर्टी नहीं है अभी मैक्सिमम 550 है लेकिन करंटली अभी हमारे पास कितने हैं?

क्या स्टूडेंट्स हमारे राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है वहां तो नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन दो हमारे कौन करते थे प्रेसिडेंट कर... क्या यहाँ क्या यहां yes no? yes no. तो यहां पे पे नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में यस यस और और नो नो तो कितने हो गए 250, 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज प्लस 12 कितने नॉमिनेटेड अच्छा मैंने उस वक्त बोल दिया था सारी भरी सारी भरी हुई नहीं है बेटा 245 फोर्टी फील्ड है पांच अभी भी बाकी है तो हमारे राज्यसभा में कोई एंग्लो इंडियंस नहीं होते हैं क्लियर है Understood. आगे स्टूडेंट्स इलेक्शन कैसे होता है का. Council, uh, और टेरिटोरियल डिलिमिटेशन वगैरह ये सब कौन देखता है इलेक्शन कमीशन देखता है ठीक है हाँ ये नॉमिनेटेड मेंबर्स अलग होते हैं कृष्ण मुरारी जी ये नॉमिनेटेड ये, ये अलग होते हैं है तो नॉमिनेटेड हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और 245 अभी करंटली है 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 12 नॉमिनेटेड वहां पे अभी कितने हैं 530 स्टेट है. है? <coughs> है और किसके कॉन्सेप्ट आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स नो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स या थ्री ट्वेंटी सेवन बताओ फटाफट नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स का इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन इलेक्ट करता है स्टेट लेजिस्टिव एम एल एल एज इसको लेजिटेशन प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आगे डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन क्या हाउस ऑफ पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए भाई पच्चीस साल का ना तो होना ही होना चाहिए यहां पे तीस साल बोला इन्होंने क्या बोला भाई राज्यसभा में ना तीस साल चाहिए आपको ध्यान रखो लो, 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 लोकसभा है लोअर हाउस है राज्यसभा है अपर हाउस है तो अपर है तो भाई एज भी अप चाहिए हमको दैट इज थर्टी इयर्स चाहिए यहां पे हमको ठीक है आगे सुनो नेक्स्ट इज ड्यूरेशन दैट इज आर्टिकल नंबर एटी थ्री बोलता है पांच साल तक लोकसभा का टेन्योर रहने वाला है फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्टूडेंट्स यहां पे कितना इयर्स कर दिया गया था सिक्स इयर्स कर दिया था छह साल कर दिया पांच से कर दिया लेकिन वापस इसको फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंटी एट से क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स पांच साल कर दिया गया अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें स्टूडेंट्स किसके राज्यसभा की बात करूं दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करूं तो ये नॉन डिजोल्यूबल है दैट इज ये नहीं होता है यहाँ पे वन थर्ड मेंबर हर दो साल बाद स्टूडेंट्स रिटायर होता है इसीलिए इसको कंटिन्यूइंग चैम्बर एंड परमानेंट बॉडी कहा जाता है ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है यहां पे मेंबर्स चेंज होते रहते हैं रिजर्वेशन की करें इधर फोकस करेंगे स्टूडेंट्स रिजर्वेशन की बात करें हम इसमें बोला एससी के लिए मैम हाउस ऑफ पीपल में एससीएसटी के लिए सीट्स रिजर्व होगी होगी कहा होगी थ्री थर्टी में होगी कहा होगी स्टूडेंट्स? थ्री थर्टी में होगी और इसको इफेक्ट कौन देता है थ्री थर्टी फोर देता है सेम अगर मैं यहां पे बात करूं स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तो वहां पे भी किस में दे किसमें थ्री थर्टी में दे रखा है बात किसके साथ कनेक्ट करेंगे हम थ्री ऑफ सीट्स के लिए मैं प्रॉपर करूंगी इसको आपको अभी चार्ट दिखा दूंगी ठीक है अब कितनी सीट का री एडजस्टमेंट कौन करेगा तो यहां बोला गया है री एडजस्टमेंट ऑफ सीट एटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फ्रीज कर दी गई है अप टू ट्वेंटी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 2026 तक के लिए स्टूडेंट्स फ्रीज कर दी गई है कौन से अमेंडमेंट से ध्यान रखेंगे एटी फोर्थ अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के, के, के सामने लेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने लेंगे अकॉर्डिंग टू यर्ड स्केड्यूल ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं हाउस ऑफ पीपल में स्टूडेंट एक तो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है और दूसरा डेप्यूटी स्पीकर होता है अगर मैं बात करू इनके काउंसिल ऑफ स्टेट की तो यहाँ पे कौन होता है चेयरमैन होता है डेप्यूटी चेयरमैन होता है अब अगर मैं बात करूं किन की हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स की तो रेजिग्नेशन मेंबर्स किसको देंगे स्पीकर को देंगे लेकिन स्पीकर किसको देगा स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देगा और डेप्यूटी स्पीकर किसको देगा स्पीकर को दे देगा क्लियर है फ्रीज कर दी मतलब वो चेंज नहीं होगा अभी उतने 2026 तक के लिए वही नंबर ऑफ सीट्स रहेगा अभी बढ़ेंगे नहीं ये जो आपका है ना 550 मेंबर्स ये बढ़ेगा नहीं अभी वो फ्रीज है क्लियर है आगे सुनो यहाँ पे कौन होते हैं मेंबर्स चेयरमैन होता है डेप्यूटी चेयरमैन होता है मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स रेजिग्नेशन किसको देंगे हमारे चेयरमैन को दे देंगे चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को दे देगा और डेप्यूटी चेयरमैन हमारा चेयरमैन को दे देगा इज इट क्लियर आगे चले स्टूडेंट्स अब ये स्पीकर के बारे में कुछ बात कर लेते अच्छा अभी डिस्कॉलीफिकेशन भी है जो डिसक्फिकेशन आर्टिकल 102 में स्टूडेंट्स लोकसभा के लिए है वही के वही राज्यसभा मेंबर्स के लिए ग्राउंड अच्छे से पढ़ना एग्जाम में आएगा अगर वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर प्रॉफिट ऑफिस ऑफ उफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो अगर उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया इन या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या लॉ के द्वारा डिस्कवालिफाई कर दिया गया है क्लियर है या फिर लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाई कर दिया गया है तो वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स वो कंप्लीटली डिस्कालीफाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102 अदर लॉ कौन सा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन नंबर एट उठा के देखो उसका ठीक है क्लियर है अब देखो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अगर उन्होंने डिफेक्शन किया दल बदला आर्टिकल नंबर सॉरी स्केड्यूल नंबर टेन में दल बदला उन्होंने डिसक्वालिफिकेशन है सुनो हमारा स्केड्यूल नंबर टेन क्या बोलता है अगर उन्होंने वॉलेंट्री पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर दी भैया डिस्कालीफाइड हो वोट और एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस टू द डायरेक्शन भाई आपके हाउस ने बोला आपको ऐसे वोट करना है आपने या तो वोट ही नहीं किया या फिर अगेंस्ट में वोट कर दिया इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट निर्दलीय आप जीते थे आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सिक्स मंथ्स मेंबर्स थे भाई आपको क्या? आगे सुनो प्रिवलेजेस एंड इम्यूनिटी क्या मिलती है आर्टिकल वन जीरो टू में इन्होंने बोला कि मैम प्रिवलेजेस में इनको फ्रीडम है अरेस्ट से इनको अरेस्ट नहीं होगा कब जब ये लोग ऐसी अपनी प्रोसीडिंग में है ज टू से पार्लियमेंट्री प्रोसीडिंग वगैरह में है इनको क्या नहीं होगा अरेस्ट नहीं होगा यस 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 डेफिनेटली 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 मैंने सुन लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओके नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज अ विटनेस जब पार्लियामेंट सेशन में उनको विटनेस के तौर पे नहीं बुला पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं राइट टू पब्लिक डिबेट एंड रेस्ट्रिक्शन है दैट इज कुछ भी अगर पार्लियामेंट में बोला गया है पब्लिश किया गया आप उसको ऐसे ही पब्लिश नहीं कर सकते हैं एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस स्ट्रेंजर्स को हाउस से एक्सक्लूड कर सकते हैं भाई सेशन में नहीं आने का है एंड रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स अंदर क्या चल रहा है पार्लियामेंट में ये सब क्या किया जा सकता है रेगुलेट किया जा सकता है पार्लियामेंट्री मिसबिहेव के लिए पनिश किया जा सकता है पता है है ना अभी गौरव का यही मामला चल रहा है। जैसे भी राहुल गांधी जी के लिए बोला जा रहा है तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग देखा करो ये चीजें कि किस तरीके से बोला जाए तो नाउ यू कैन सी कि अगर पार्लियामेंट में लग रहा है तो स्पीकर क्या कर सकता है उनको सस्पेंड कर सकता है तो द मिनिस्टर्स हैज बीन सस्पेंडेड टू पनिश फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रिवलेज जो उनको प्रिवलेज दिए गए थे उसके ब्रीच के लिए उनको पनिश किया जा सकता है सेम यही के यही लोकसभा के लोकसभा के लिए मेंबर्स के लिए भी है क्लियर है इज इट क्लियर टू एवरी पार्टी आगे चले क्या यस yes सोनो no? जी ओके okay. चलो अभी वेशन ऑफ सीट वेकेशन ऑफ सीट मतलब कब मान लेंगे इनकी सीट खत्म होगी मतलब सीट खाली है तो सीट भरनी पड़ेगी ना दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल इट मेंबरशिप ऑफ बोथ कि आपको सीट कब खाली करनी पड़ेगी पहला बोला भाई तुम दोनों हाउसेस का मेंबर बन बन गए लोकसभा का भी गए राज्यसभा का भी एक सीट खाली कीजिए ओके डॉक्टर करेंगे जब हम पार्ट इलेवन करेंगे ठीक है आयुषी जी इफ इलेक्टेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर क्या बोला बोथ बोथ ऑफ पार्लियामेंट यहां बोल रहा है पार्लियामेंट की भी एक सीट ले ली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा या विधान परिषद की भी सीट ले ली है तो भाई आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली छोड़नी पड़ेगी ठीक है फिर बोला अगर आपको 102 में कर दिया गया आपकी ऑटोमेटिकली सीट खाली हो जाती है अगर आपने रिजाइन कर दिया तो एंड अगर आप सिक्सटी डेज के लिए मीटिंग से एबसेंट रहे विदाउट टेलिंग द दर्मि और विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द स्पीकर तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स तो इस मामले में आपको क्या कर दिया जाएगा उस सीट से त्याग 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 करना पड़ेगा आपको सीट का कोरम कितना रिक्वायर्ड है कोरम इज वॉट कोरम मीन कितने मिनिमम लोग चाहिए हमें वो पर्टिकुलर सेशन स्टार्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर मीटिंग स्टार्ट करने के लिए तो आर्टिकल हंड्रेड बोलता है कि हाउस दैट इज टू से पार्लियामेंट स्टार्ट करने के लिए पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट करने के लिए वन टेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ हाउस लोकसभा राज्यसभा का सेशन के लिए वन टेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस बराबर है क्लियर है रिमूवल एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट थिंग रिमूवल इज परमानेंटली रिमूविंग सस्पेंशन इज टाइम पीरियड के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको क्या किया जाता है साइड किया जाता है कि प्लीज आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी आप रुक जाइए सस्पेंड किया जाता है इट इज फॉर इट इज फॉर इट इज फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड ठीक है क्लियर है यस ममता जी ओके okay, चलिए अब वो उस चीज को पर्सनली ले लिया गया है तो ठीक है बाकी सबको पता है वहां पे पार्लियामेंट में क्या चल रहा था ठीक है चलो हालांकि ये चीज ऑन रिकॉर्ड तो नहीं आई है है ना ओके अब हमें दो लोगों के बारे में और डिस्कस करना स्टूडेंट एक तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा मतलब ये कौन है ये तो वीपी साहब है और ये कौन हो गए हमारे स्पीकर है लोकसभा के स्पीकर ऑफ लोकसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी चीजें करते हैं पहले देखो ये कौन है ही इज इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंग्स इट्स मेंबर्स लोकसभा के मेंबर्स में से ही उसको इलेक्ट किया जाता है कब तक रहते हैं जब तक लाइफ ऑफ लोकसभा जब तक लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी तब तक वो रहने वाले हैं

रिजाइन कर दिया रेजिग्नेशन किसको देता है डेप्यूटी स्पीकर अगर वो रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाए अगर उसका ही हाउस उसको क्या करते रिमूव कर दे तो हम कहेंगे ही इज नो मोर अ स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट होता है दैट इज एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो मीन दो दो पोस्ट आप होल्ड कर रहे हो ओके okay? क्लियर है नेक्स्ट क्या धर्मेंद्र जी क्या क्या कहना चाह रहे हो क्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट हि डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट क्यों होता है क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह एक्ट करेगा ना तो जब एक तो वो राज्यसभा का चेयरमैन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह एक्ट करेगा तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भूमिका निभा रहे अब वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की भूमिका नहीं निभाएंगे ही इज नॉट मेंबर ऑफ द हाउस ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ओके सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, okay? करेंगे आगे सुनो स yes, संडे को मैंने मैंने पहले ही बोला था मैं जनरली कोई भी क्लास संडे को नहीं लेती हूँ है ना इवन आई एम अ संडे पर्सन आप लोगों की तरह संडे को लेट ही उठना होता है बट ये पिछले दो महीनों से इट जो संडे ओनली जिस दिन सबसे ज्यादा जल्दी उठा जा रहा है है ना शायद मैं पिछले दो महीने से भूली गई हूं संडे के आएम एंजॉइंग एक दिन पहले तो मुझे सैटरडे संडे लग रहा है मैंने पहले बोला था जेलों की पूरी सीरीज में सिर्फ संडे संडे चलाऊंगी बिकॉज बिकॉजेंट आर मेनी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस और सेशन लंबा होता तो एक स्ट्रेच में छह सात आठ घंटे नहीं निकाल पाते दिस इज द रीजन पातेफुली हम संडे को क्लास ले रहे हैं ठीक है सेशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट की जो संसद चलती है संसद चलती है उसमें क्या क्या चीजें होती है पहला है प्रेसिडेंट क्या करते हैं स्टूडेंट समन करते हैं हर हाउस को

यस चलो समन का मतलब क्या होता है टू कॉल आउट प्रो मीन्स टू एंड एडजॉइनमेंट का मतलब क्या होता है एडजॉइनमेंट मतलब स्थगित कर देते हैं थोड़े टाइम पीरियड तक के लिए सस्पेंशन ऑफ अ वर्क इन सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाई टाइम टाइम स्पेसिफाई करते हैं एडजॉइनमेंट सिनेडाई इसका मतलब क्या होता है कि हम एडजॉइमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हमने आगे की डेट नहीं बताई कितने टाइम पीरियड तक के लिए मतलब इनडेफिनाइट टाइम पीरियड तक के लिए हम स्थगित कर देते हैं प्रोरोगेशन मींस व्हाट टू कम टू एन एंड टू टर्मिनेट टू स्टॉप टू एंड व्हाट एंड सिटिंग भी करता है. बुलाता भी है और सेशन को खत्म भी करता है प्रोरो मतलब एंड हो जाता है सेशन को खत्म करना तब जिस बिजनेस के लिए वो मिली है वो पूरा हो जाता है जब खत्म हो जाता है जो भी उनका ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड होता है जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद डेजोल्यूशन कब डिजोल्व होती है स्टूडेंट सेशन जब लोकसभा एंड हो जाए दैट इज एंड ऑफ लोकसभा या तो वो अपने टर्म से एंड हो जाएगी पांच साल से या फिर प्रेसिडेंट उसको कर दे तो. कोरम कितना होना चाहिए मीटिंग के लिए ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हम दैट इज कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड कितने मेंबर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स कोरम के लिए फिफ्टीन परसेंट सॉरी फिफ्टीन नहीं टेन परसेंट कितना होना चाहिए कोरम के लिए

ठीक है, क्लियर है ओके डील करेंगे आगे के वन शॉर्ट्स भी डील करेंगे स्टूडेंट्स है ना आप लोगों का साथ बना रहा तो बहुत चीजें करेंगे इस चैनल पे हम लोग है ना चलो आगे क्या? चलो लेट्स मूव ऑन फर्दर आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ बिल्स बिल्स डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी बिल मनी बिल फाइनेंस बिल ठीक है ऑर्डिनरी बिल क्या हो गया कोई भी नॉर्मल कोई भी लॉ वगैरह निकालना ये सब ऑर्डनरी हो गया जो कि मनी बिल नहीं है वो ऑर्डनरी बिल है 107, 108 हैनी बिल से डील करता है मनी मनी बिल 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 110, फाइनेंस 117. अब है क्या सॉरी ऑर्डनरी बिल क्या है 110 के अलावा जो कुछ भी वो ऑर्डनरी बिल है 110 में दी गई 110 में दी गई मनी बिल की डेफिनेशन याद करनी है पूछा जा सकता है कि मनी बिल में क्या क्या आता है फाइनेंस बिल जो बोला है 110 वाले मनी बिल भी फाइनेंस बिल होते हैं एंड 117 क्लॉज वन में जो दे रखे हैं वो होते फाइनेंस बिल कैटेगरी वन एंड जो क्लॉज थ्री में दे रखे हैं वो होते कैटेगरी टू कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू होता है स्टूडेंट्स फाइनेंस बिल में ठीक है क्लियर है आगे सुनो रिकमेंडेशन चाहिए क्या ऑर्डनरी बिल के लिए नहीं मनी बिल के लिए चाहिए फाइनेंस बिल के लिए अगर स्टूडेंट्स अगर वो फर्स्ट कैटेगरी का है तो रिक्वायर्ड है सेकंड कैटेगरी का तो नहीं रिक्वायर्ड है बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में फाइनेंस बिल अगर कैटेगरी का है तो हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कैटेगरी का है तो हम उसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अब बोला है राज्यसभा पावर राज्यसभा इस पे क्या पावर ले सकती है राज्यसभा चाहे तो इसको अमेंड कर सकती है इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा मैक्सिमम छह महीने के अंदर अंदर बताइए मनी बिल क्या बोला है ना तो ये अमेंड किया जा सकता है ना रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा चाहे तो बोल सकती है कि भाई रिकंसिडर करो मैक्सिमम 14 डेज के लिए अपने पास रख सकते हैं 14 डेज के अंदर अंदर नहीं भेजा गया माना जाएगा राज्यसभा तुम पास कर चुके हो माना जाएगा आप क्या कर चुके हैं पास कर चुके हैं हु विल डिसाइड द नेचर ऑफ द बिल मनीषा जी अभी पढ़ा था हमने अगर क्लियर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बिल स्टूडेंट मनी बिल है या फिर या फिर क्या है स्टूडेंट्स वो एक ऑर्डनरी uh, बिल है इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट जॉइंट ज्वाइंटिंग ऑर्डनरी बिल में ऑर्डनरी बिल में बुलाई जा सकती है मनी बिल में कभी नहीं बुलाई जा सकती एंड फाइनेंस बिल में बुलाई जा सकती बुलाएंगा कौन प्रेसिडेंट बुलाएंगे ठीक है क्वेश्चन ऑर्डनरी बिल क्वेश्चन में बुलाया जा सकता दैट इज कोर्ट में हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं मनी बिल को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. इट क्लियर ये डेफिनेशन जो है वो आपको पढ़नी है ठीक है क्लियर है आगे चलेंगे That is bill आता है, जुडिशियरी में सवाल आता है कब बिल लैप्स हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है और कब बिल कंटिन्यू रहता है लैप्स तीन सिचुएशन में होता है और नहीं लैप्स चार सिचुएशन में होता है अच्छे से सुनना फोकस करना अगर बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हो गया और लोकसभा में पेंडिंग ओरिजिनेट हो गया ना पेंडिंग भी है

आया राज्यसभा से लोकसभा में पड़ा था पेंडिंग था लोकसभा खत्म हो गई बिल भी खत्म हो जाएगा इज इट क्लियर नेक्स्ट बिल दैट ओरिजिनेट एंड पास इन लोकसभा बट आर पेंडिंग इन राज्यसभा वो बिल जो लोकसभा से पास हुए और कहा चले गए ओरिजिनेट हुए पास हुए और कहा चले गए राज्यसभा के पास चले गए लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है बिल क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा क्लियर है हमारी लोकसभा के डिजोल्व होते ओके okay? आगे सुनो चल रहा है सेशन हर्षद जी अभी तक सेशन चल रहा है आगे सुनो बिल लैप्स कब नहीं होता अगर हमारा लोअर हाउस लोकसभा डिजोल्व हो जाए उसके बाद भी इन चार सिचुएशन में बिल क्या नहीं होता लैप्स नहीं होता पहला बिल इज पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास इन लोकसभा अभी सिर्फ राज्यसभा में पेंडिंग है लोकसभा में गया भी नहीं वो इट इज इट इज वॉट इट इज स्टिल पेंडिंग इन राज्यसभा में पेंडिंग है अभी लोकसभा ने उसको पास ही नहीं किया है तो हमारा क्या नहीं हो सकता स्टूडेंट्स हमारा बिल लैप्स नहीं होता है B point is, Bill have cleared both the house but President की असेंट पेंडिंग है दोनों हाउस में क्लियर हो गया बस प्रेसिडेंट की असेंट पेंडिंग है तो भले हमारा लोकसभा क्या हो जाए डिजोल्व हो जाए बट स्टिल क्या रहेगा हमारा बिल लैप्स नहीं होगा खत्म नहीं होगा इफ अ प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड फॉर होल्डिंग ऑफ अ बिफोर दी लोकसभा इससे पहले कि लोकसभा दिजोल्व होती खत्म होती उससे पहले प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई हमको तो ज्वाइंट सिटिंग चाहिए इस बिल के ऊपर डिस्कशन चाहिए हमारा बिल लैप्स नहीं होता फोर्थ पॉइंट अ बिल पास बाय बो दाउसेज दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया लेकिन रिटर्न कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर द रिकन्सिडरेशन बाय राज्यसभा तो ने पास कर दिया था ना प्रेसिडेंट ने बोल दिया रिकंसिडर कर लो तो क्या हो गया लोकसभा को रिकंसिडर करने को बोलते तो बोलते भी कि भाई हो जाएगा क्योंकि लोकसभा तो अब डिसॉल्व हो चुकी है लेकिन राज्यसभा को बोलो ना राज्यसभा तो डिसॉल्वेबल नहीं है क्लियर है ओके आगे चले चलो फिर ज्वाइंट सेशन की डिस्कशन करेंगे मनी बिल पास कैसे होता है मनी बिल पास होने के लिए हमेशा हमें पता है लोकसभा में ओरिजिनेट होता है कैसे ओरिजिनेट होगा प्रेसिडेंट की जब उसको रिकमेंडेशन मिलेगी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होकर राज्यसभा के पास जाता है कि भाई रिकमेंडेशन दे देना है तो राज्यसभा फोर्टीन डेज के अंदर अगर बिल को रिटर्न नहीं करती है तो यह मान लिया जाएगा कि भाई तुमने भी बिल को पास कर दिया है अब अगर फोर्टीन डेज में वो रिटर्न कर देते हैं तो रिटर्न पे या तो लोकसभा राज्यसभा के रिजेक्शन या फिर एक्सेप्ट कर सकती है रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि उन्होंने रिकमेंडेशन दिए ना देखो 14 डेज बाद अगर उन्होंने भेज दिया नहीं भेज दिया तो हम बोलेंगे कि भाई तुमने पास कर दिया लेकिन 14 डेज में भेज दिया और रिकमेंडेशन दिया कि ये ये चेंजेस हैं अब लोकसभा के ऊपर वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे अगर लोकसभा ने बोला दैट यस हम आपके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं तो वो रिकमेंडेशन वगैरह एक्सेप्ट वगैरह करने के बाद ये माना जाएगा दोनों हाउसेज कर दिया लेकिन अगर बोले कि कि नहीं नहीं हम तुम्हारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते रिजेक्ट कर दिया तो ये माना जाएगा कि दोनों ने उस पर्टिकुलर बिल को क्या कर दिया स्टूडेंट्स पास कर दिया और जैसे ही दोनों बिल दोनों हाउसेज से बिल पास होता है हम बेचते हैं हंड्रेड एंड इलेवन प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स यहां पे अपनी असेंट देते हैं बिल को पास करने के लिए ठीक है क्लियर है चलो

आगे सुनो आगे सुनो अरे सुनो लास्ट डे को इंटरव्यू अच्छा इसको ये तुम नए लॉ से तो कन, कनेक्ट नहीं कर रहे हो हैं, कि मैम लास्ट डे पे आया था पर डिजोल्व थोड़ी हुआ है लोकसभा है ना? ना नहीं हुआ है ना अभी लोकसभा, क्लियर है आगे चले जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड दी ज्वाइंट सेशन एंड हु कॉल्स फॉर सेशन इट इज द प्रेसिडेंट ठीक है अच्छा से सुनो पहले टू रिजॉल्व द टू हाउसेज ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल कंडीशन क्या डेडलॉक आता क्यों है कौन सी सिचुएशन में आता तीन सिचुएशन में डेडलॉक आ जाता है अगर दूसरे हाउस ने बिल रिजेक्ट कर दिया लोकसभा ने बिल मान लो ऐसा कोई राज्यसभा ने या लोकसभा ने मान लो बिल रिजेक्ट कर दिया तो डेडलॉक आ जाता है हाउस है फाइनली डिसएग्रीड अगर हाउस ने बोल दिया कि नहीं ये अमेंडमेंट बिल हम पास नहीं करेंगे उस of of दूसरे हाउस से जो बिल आया है उसको आए हुए अभी क्या हो गया छह महीने गुजर गए हैं तो यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हम पढ़ के आ चुके हैं ऑर्डनरी बिल के केस में ज्वाइंट सेशन होता है कभी भी मनी बिल के मामले में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड फॉर दी ज्वाइंट सेशन अगर वो वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर होंगे कोरम कितना चाहिए ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दी बोथ दी हाउसेस दोनों हाउसेस के वन टेंथ मेंबर चाहिए अभी तक स्टूडेंट्स तीन इंस्टांसिस पे अभी तक दिलीप सिंह जी तीन इंस्टांसिस पे हमारी ज्वाइंट सेशन बैठ चुकी है दैट इज जब बात हुई थी डॉरी प्रोहिबिशन बिल नाइनटीन की <coughs> 1960 डाउरी प्रोहिबिशन बिल की बात हुई थी हमने क्या बोला जॉइंट सेशन लगा सेकंड इज बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 क्लियर है एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है यस नहीं लैप्स क्यों हो जाएगा हर्षित जी सेशन खत्म हुआ है लोकसभा थोड़ी ना डिसॉल्व हुई है हर्षित जी कुछ होगा मैम हमारा क्रिमिनल बिल जो है वो लैप्स नहीं हम बात कर रहे हैं जो लोकसभा होती है, लोकसभा होना खत्म होने में टाइम फर्क है ना सेशन तो ओवर हुआ है सेशन हुआ है, क्लियर है? Is it clear to everybody? चलो, आगे चलेंगे Annual financial statement, जिसको हम क्या बोलते स्टूडेंट्स दिस इज सेट टू बी द बजट कौन प्रेजेंट करता है दिस इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर डाउन कौन करते प्रेसिडेंट डाउन करते कुछ बेसिक समझेंगे ओके okay? हंड्रेड एंड याद रखना जनरली सेक्शन नंबर नंबर से आ, से सॉरी आर्टिकल आता है बट फिर भी समझो बजट क्या होता है एक स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का बताता है कि हम यहाँ इतना खर्च करेंगे यहाँ से इतना सब कुछ आमदनी हमें होने वाली है फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर बताता है कि इस पर, देखो जब भी आपका बजट आता है ना स्टूडेंट्स उसके साथ आपकी एक इकोनॉमिक uh, सर्वे भी आती है यस और नो जैसे राजस्थान का बजट आएगा तो उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे आएगा वैसे कि वैसे आपका जो uh, पूरा के पूरा कंट्री uh, का जब बजट आता है तो उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे आता है जो कंपैरिजन करता है कि पिछले साल में बजट में हमने ये सारी चीज़ें निर्धारित की थी इस बार ये निर्धारित है इतना हमने क्या किया है प्रॉफिट किया है या फिर माइनस में गए तो वो इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सारी पॉलिसीज के बारे में बताया जाता है गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज निकाली थी कितना टारगेट किया था चीज़ों को ठीक है आगे सुनो आगे सुनो फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब शुरू होता है फर्स्ट अप्रैल को स्टार्ट होता है थर्टी फर्स्ट मार्च को खत्म हो जाता है सबको पता है जो भी टैक्स की कैटेगरी में आते हैं जो भी हमारे टैक्स पेयर्स है उन सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर कब आता है कब नहीं आता है तो आपको इस जो टाइम पीरियड दे रखा होता है थर्टी फर्स्ट जुलाई से पहले पहले आपको क्या करना होता है टैक्स पे कर देना होता है ठीक है फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेसिडेंट बजट ले डाउन करते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने एंड President, ध्यान रखना students, ध्यान रखेंगे ये वो को करते हैं, लेकिन पहले कब होता था लास्ट डे ऑफ फेबर को होता था और yes नो no. अभी फर्स्ट फेब्रवरी हो गया है ना क्लियर है मैम अभी लास्ट दिन uh, कैसे था लोकसभा जब बिल पास हुआ और वो लैब्स हो गया नेक्स्ट हर्षद जी हम ये बोल रहे हैं कि अगर जिस दिन आपका बिल पास हो रहा है लोकसभा में उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो हम बिल के लैप्स की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको कंडीशन बताई लेकिन जो आप क्रिमिनल लॉस की बात कर रहे हैं जिस दिन वो बिल अभी पास नहीं हुआ है वो पास कहा हुआ अभी तो इंट्रोड्यूस किया गया जिस दिन वो इंट्रोड्यूस किया गया वो सेशन का आखिरी दिन था सेशन का आखिरी दिन था लोकसभा का आखिरी दिन थोड़ी था कहां गिरी सरकार बीजेपी सरकार कहां गिरी गिरी थोड़ी अभी दैट इज स्टिल इन यू नो पावर वो पावर में है बस जो आपका वो सेशन था जो भी था मानसून या समर सेशन था उसका आखिरी दिन था क्लियर है आगे सुनो कोई भी ग्रांट्स की डिमांड नहीं की जाएगी एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट हम ये फाइनेंशियल पावर्स में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं यस इट इज फर्स्ट फेब्रवरी ठीक है फर्स्ट फेब्रवरी लास्ट वीक ऑफ फेब्रुरी नहीं विपुल जी अब क्या हो गया फर्स्ट फेब्रुरी चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स इमीडिएटली मुझे बता देंगे नाउ इट इज फर्स्ट फेब्रवरी ओके बजट में क्या क्या होता है एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू होता है कैपिटल रिसीड्स होता है कैसे रेवेन्यू रेस करेंगे कहां कहां एक्सपेंडिचर होने वाला है एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजंस कि क्या डेफिसिट है सरप्लस हुआ है किसका उस ईयर का कि कितना हमने मुनाफा कमाया घाटा हुआ है तो क्यों हुआ है क्या कारण रहे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ये देखो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ये होता है इकोनॉमिक सर्वे में ठीक है क्लियर है आगे सुनो चलेंगे अब हम जुडिशरी की तरफ दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स की बात करेंगे ठीक है यस और नो बताओ ठीक है क्लियर है चल जब मैं बात कर रही हूं स्टूडेंट्स जुडिशरी की तो हम यूनियन जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशरी दोनों साथ में पढ़ेंगे ठीक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्यों क्योंकि एक्टिंग जजेस एड जजेस रिटायर्ड जजेस कोर्ट ऑन रिकॉर्ड सब बहुत कंफ्यूजन होता है सब बार हमेशा गलत करके आओगे 219, 129, 215 सब ट्वेंटी करके आते हो एग्जाम में इसलिए आते कंपेरेटिव तरीके से पढ़ लो बहुत इजी रह जाएगा ठीक है तीन बजे हम क्लास को ओवर कर देंगे तीन बजे तक हमारी क्लास हो जाएगी क्लियर है आगे सुनो यूनियन जुडिशरी एंड हम किसकी बात हैं स्टेट जुडिशरी यूनियन जुडिशरी कहां दे रखा है यूनियन जुडिशरी हमें आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 डील्स विद योर यूनियन जुडिशरी जहां पे सबसे पहले हमको स्टेटस देखना है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है स्टूडेंट्स गारंटर है

आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने खुद का बजट पेश किया है बीजेपी सरकार ने आपके सेंट्रल में अलग से बजट पेश किया है ठीक है सबका बजट होता है क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट लिस्ट है ना जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट को पावर है लॉस बनाने का एक्सपेंडिचर करने का तो उस मामले में वो स्टेट बनाएगी वहां पे बजट प्रोविजंस कहां दे रखे हैं स्टूडेंट्स अच्छा हाई कोर्ट का बात करें तो हाई कोर्ट हाईएस्ट अपील है लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहां बोला गया इसको टू में उसको वन ट्वेंटी

टोटल 34 फोर जजेस आफ्टर टू थाउजेंड नाइनटीनमेंट टू थाउजेंडीन से इसको क्या कर दिया गया थर्टी थ्री जजेस प्लस वन सीजे हो गया अब थर्टी फोर हो गए बात करें हाईकोर्ट के हाई कोर्ट का मैम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा वन ट्वेंटी फोर में बोला ठीक है सुप्रीम कोर्ट होगा तो हाईकोर्ट टू हंड्रेड फोर्टीन ये बोलता है कि हर स्टेट के लिए हाईकोर्ट होगा

प्रेसिडेंट सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट लेकिन अगर हम बात करें बाकी अदर जजेस की तो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट इन कंसल्टेशन विदेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट जब अदर जजेस की बात है पहले एनजीएससी हुआ करता था लेकिन एनजीएससी को नाइन नाइन कॉन्स्टिट्यूशन से एड तो किया गया लेकिन इसको कर दिया गया इसको रिमूव कर, कर दिया गया वरना हमारे जजेस पहले एनजीएससी के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे इसको वाइट डिक्लेयर कर दिया गया इन द केस ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया टू अब वापस से कौन अपॉइंट करता है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मैं हाईकोर्ट के जजेस की बात करू स्टूडेंट्स तो उनका अपॉइंटमेंट या उनका कंडीशन कैसे होता है वर्किंग का वो दे रखा है टू में क्लियर बोला है सीजे को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद दी सीजेआई प्लस दी गवर्नर ऑफ स्टेट हाई कोर्ट का सीजे कौन होगा ये अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे लेकिन उससे पहले कंसल्टेशन करेंगे किससे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर के साथ भी क्या करने वाले हैं यहां पे यहां पे उनको कंसल्ट करने वाले हैं ठीक है एन जेएससी का फुल फॉर्म चाहिए इनको हां जी एनजेएससी का किसको चाहिए बेटा शिवानी जी को चाहिए इट सेज नेशनल जुडिशियल अकेडमिक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ठीक है एनजेएससी ठीक है अभी अस्तित्व में नहीं है ठीक है मैम नोट्स कैसे बना? ये वाला ले लो अंबुज जी ये ले लेना नोट्स आराम से है ना बहुत सारा क्या है प्रिंट निकाल लेना ये आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू लॉ वाला जुडिशियरी टेलीग्राम चैनल से लगभग आज शाम तक ये शाम तक या रात तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है आगे सुनो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जजेस के लिए सिटीजन होना चाहिए इंडिया का या फिर वो जज ने हाई कोर्ट जज होना चाहिए फाइव ईयर्स के लिए या फिर हाई कोर्ट एडवोकेट होना चाहिए टेन ईयर्स के लिए और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर अ सीजीआई फॉर अ सीजीआई नेक्स्ट इज अगर हम हाई कोर्ट जज की बात करें दैट इज सीजे की बात करें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर के तहत जुडिशियल ऑफिसर एज अ जुडिशियल ऑफिसर दस साल उसने होल्ड किया होना चाहिए वहां पर पोस्ट या हाई कोर्ट के जज होने सॉरी एडवोकेट होने चाहिए टेन ईयर्स के लिए ये ओथ कहां पे लेंगे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट जजेस की बिफोर प्रेसिडेंट एंड अगर बात करें हम स्टेट जुडिशरी की ये कहाँ पे लेने वाले हैं गवर्नर के सामने लेने वाले हैं जुडिशरी में अगर मैं यूनियन के टेन्योअर की बात करूं सिक्सटी फाइव इू ईयर्स रिजाइन किसको करेंगे प्रेसिडेंट को क्योंकि उन्होंने ये, ये भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन भेजेंगे ना कि गवर्नर को भेजेंगे रिमूवल दोनों का सेम है रिमूवल होता है प्रूवड मिसबिवियर एंड इनके प्रूवड मिसबिवियर एंड इनके होगा इनका रिमूवल होने वाला है बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट वहां ऑर्डर दे तो ही इनका रिमूवल होगा ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट अगर स्पेशल मेजोरिटी से ऐसा रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे कि, प्लीज इनको रिमूव कीजिए तो ही प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेगा तो रिमूवल किसके द्वारा द्वारा होता है प्रेसिडेंट के प्रोवाइडेड कि पार्लियामेंट वहां पे ऐसा स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर दे सीट हमारे सुप्रीम कोर्ट की कहा होती है दिल्ली में होती है लेकिन अगर सी जी आई चाहे तो कोई भी और दूसरे जगह को एक सीट बना सकते हैं प्रोवाइडेड कि वहां पे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेंगे हम ठीक है आगे चलेंगे स्टूडेंट्स जहां हम बात करेंगे यूनियन जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशरी में कुछ जजेस की किसकी बात करेंगे यूनियन और स्टेट में कुछ जजेस की बात करेंगे जहां सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक्टिंग चीफ जजेस एड एंड रिटायर्ड जजेस अगर मैं यूनियन की बात करूं तो इसको कहां दे रखा है स्टूडेंट्स? 126. Article 126 आर्टिकल कहता है? मैम एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। तो अपॉइंट कौन करेगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एंड वो जज क्या होगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग जज एक्टिंग जज नहीं मैम एक्टिंग सीच है क्या है ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब की अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है प्रेसिडेंट चाहे तो उसको क्या बना सकते हैं एक्टिंग सीजीआई बना सकते हैं कब जब सीजीआई की सीट खाली है नहीं है वो टेंपरली एबसेंट है या फिर वो इनकेपेबल है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए देन इन दैट केस इन दैट केस क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स यूनियन जुडिशरी में प्रेसिडेंट एक्टिंग अपॉइंट कर सकते हैं बात करें यहां पे स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट भी बनाया जा सकता है।, है नहीं वहां टेम्परली एबसेंट है या फिर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए एडॉक जजेस क्या होते हैं एडॉक मतलब एमरजेंसी में अपॉइंट किया जाता है यह है टू ट्वेंटी फोर एडॉक मीन

हमारे एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो हाई कोर्ट के जजेस होने चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट के जज बनने योग्य होने चाहिए क्या होने चाहिए योग्य होने चाहिए अंकिता जी कौन से वाले की बात कर रहे हो गवर्नर और प्रेसिडेंट कहां पे बताओ इनके बारे में नो एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड एडिशनल एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं यहां पे गवर्नर नहीं आएगा अंकिता जी यहां पे आई एस प्रेसिडेंट ही है बिकॉज हम लोग ऑलरेडी प्रेसिडेंट के अपॉइंटिंग uh, पावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव या जुडिश्री पावर्स में पढ़ चुके हैं कि वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर है फिर भी कोई डाउट है आर्टिकल है तो बता दो मैं पढ़ दूंगी ठीक है क्लियर है नेक्स्ट इज अगर लैक ऑफ कोरम है ऑफ परमानेंट जजेस तो हम उसके लिए यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होते हैं सेम यहां पे क्या होता है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस क्या है एडिशनल अतिरिक्त हम लोग कुछ जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे टेम्पर पीरियड के लिए करते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस जब लग रहा है कि वर्क ऑफ हाईकोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है मैक्सिमम टू इयर्स तक के लिए मैक्सिमम क्या रहेगा मैक्सिमम टू ईयर्स तक के लिए रहने वाला

आगे सुनो Then is retired judges, 224A, same concept दे रखा है लेकिन यहाँ पे of High Court, President से कंसल्ट करके कोई भी हमारा हाँ कोर्ट का, हाँ का जज या फिर अदर हाँ कोर्ट के जज को बोल सकते हैं कि प्लीज आप लोग हाँ कोर्ट का जज बन जाओ ना रिटायर हो चुके हो तो क्या हो गया हाँ कोर्ट के जज बन जाइए आप ठीक है हाँ कोर्ट के जज बन जाइए उस जज की जरूरी है हाँ वही तो है ना फिर उनका एज उससे प्लस होगा एब्सोलूटली उनका एज वहां पे क्या होने वाला है प्लस होने वाला है कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि जो उनकी एज दे रखी है उसके रिटायरमेंट के बाद ठीक है रिमूव या सस्पेंडेड या डिस्कालीफाइड की बात नहीं कर रही है ठीक है टू पढ़ रही हूं मैं अंकिता जी ठीक है इट से अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस वेन दफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट इज वेकेंड or when the chief justice is by reason of the absence otherwise unable to perform the duties of his office the duties of the officer shall be performed by one of such other judges as the president may appoint for the purpose So 223 is 223 is what 223 is appointment of the appointment of the acting chief justice Chi clear here एक्टिंग चीफ जस्टिस क्लियर आगे चले स्टूडेंट्स चलो अगला चलेंगे जहां हमें यह पढ़ना है स्टूडेंट दैट इज यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी कुछ अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त चीजें पढ़ लेंगे ओके okay? अब सुनो फोकस इन द क्लास चलो बैक टू द क्लास जुडिशियर में 137 क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि खुद के जजमेंट्स को वापस रिव्यू कर सकते हैं 138 में पार्लियामेंट को पावर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आप चाहो तो एनलाज कर सकते हो 139 में हमने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और पावर्स को कॉन्फर किया जा सकता है पार्लियामेंट स्टूडेंट ध्यान रखो आर्टिकल थर्टी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसमें दिए गए पावर्स को एक्सरसाइज करेगा लेकिन 139 थर्टी कहता है भैया पार्लियामेंट चाहे तो जो आर्टिकल 32 में जितने भी पावर्स दे रखे थे सुप्रीम कोर्ट को उसके अतिरिक्त पावर्स भी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है दिस सेज 139. 139 ए क्या ट्रांसफर ऑफ केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं या तो सुप्रीम कोर्ट खुद से कर लेगा या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर उनको एप्लीकेशन कर दे तो या पार्टी खुद उनको क्वेश्चन कर दे एप्लीकेशन भेज दे कि भाई जो क्वेश्चन है वो जनरल इंपॉर्टेंस का प्लीज आप इस केस को ट्रांसफर कीजिए 140 में एंसिलरी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के

नहीं लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं होगा ना बेटा लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं होगा ना फिजिकली या मेंटली uh, साउंड नहीं रहे तो हम बोल सकते हैं कि अनफिट है ओके okay? बात करेंगे स्टेट जुडिशरी प्रोविजंस की आर्टिकल 220 क्या बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग परमानेंट जज इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के अलावा एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट जजेस रेस्ट्रिक्शन है कि आप आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं

यस ज्यूरिस्डिक्शन जहां पे क्या बोला गया है इट सेज दैट 231 में ओरिजिनल ज्यूरिस 232, 33, 34, 36 में फोर थर्टी 143 में कहा होता है स्टूडेंट क्लियरली बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट के बीच एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड एक स्टेट है दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट एक साइड स्टेट एक साइड गवर्नमेंट है एक साइड स्टेट और एक साइड बहुत सारे स्टेट्स स्टेट्स हैं या फिर दो के बीच कोई भी झगड़ा हो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जोरिस्टिक्शन सीधा मैटर लेके जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास ठीक है अगर कोई भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले बनाई गई है उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई ओरिजिनल जोरिस्टिक्शन नहीं लेगा

सुप्रीम कोर्ट फिर है क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरसडिक्शन हर क्रिमिनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरसडिक्शन होता है लेकिन अगर हाईकोर्ट को लगता है कि अगर हाईकोर्ट ने क्या किया बेटा हाईकोर्ट ने अपील में किसी के एक्विटल के ऑर्डर को कन्वर्ट कर दिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दी अरे हाई कोर्ट तुम्हारे पास आए थे कि आप हमारे डिसीजन का निर्णय लो आपने जो बंदा एक्विट था उसको और कन्विक करके डेथ सेंटेंस दे दिया सीधा जाओ आप जवाब हाईकोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकते हो सेकंड इज इफ हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इट केस फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट कन्विक्टेड द पर्सन हाई कोर्ट ने कोई अपने से सबॉर्डिनेट कोर्ट से केस ले लिया खुद से डिसाइड किया सेंटेंस दिया और डेथ सेंटेंस दे दिया आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट लास्ट इज अगर कोर्ट को खुद लगे कि भाई ये केस तो कौन डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा एंड देन इज 134A में क्या अपील कर सके कवर में. में करना भूल गए स्पेशल लीव पिटीशन आप क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोई भी ऑर्डर वगैरह अगर आपको लग रहा है कि भाई इस मामले में मुझे सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेके आप वहां पर क्या कर सकते चीज अपील फाइल कर सकते हैं ओके मूविंग ऑन टू एडवाइसि जूरिंग 143 वन में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट उनसे मांगे क्या वो बाइंडिंग रहने वाली है स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट कोई बाउंड नहीं है हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एंड अगर ये एडवाइस दे दी गई है तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई बाइंडिंग नहीं होगी जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह आपको रिकमेंडेशन के लिए भेजा उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो यहां पे उसको हमारे ऊपर थोप रहे हो यहां पे कोई जरूरी नहीं है नॉट बाइंडिंग एट ऑल क्लियर है मूविंग टू रेड ज्यूरिस्डिक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिजिक्शन वाइडर होता है हमारे हाई कोर्ट से भी ज्यादा ओके okay? चलो अब बात करेंगे हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन की किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन की बात करेंगे 225 बोलता है तुम्हारा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है

सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर क्या करता है सुपरवाइजरी है बताओ सीआरपीसी एंड सीपीसी का कौन सा सेक्शन है सबऑर्डिनेशन के मामले में हाई कोर्ट अब आपके दिमाग में ये आएगा मैम सुप्रीम कोर्ट का तो एपलेट सब बता दिया कोर्ट का कौन बताएगा बेटा हाई कोर्ट के लिए सीआरपीसी और सीपीसी बैठी है ना उन्होंने खुद बोल दिया है ठीक है क्लियर है 226 ट्वेंटी सिक्स यस वैभव जी बताओ क्या हुआ चलो आगे चले स्टूडेंट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम ऑडिटर कंट्रोलर जनरल के बारे में बात करेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट सबॉर्डिनेट किस कोर्ट्स किसके हाई कोर्ट के हम बात कर रहे हैं स्टेट जुडिशरी में हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कौन होते हैं 223 में बोला डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है एंड टू में बोला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अलावा मतलब ये कौन हो ये आप लोग हो ये आप लोग बनेंगे जेएमएफसी ये जेएमएफसी की बात कर रहा है ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट गवर्नर हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कर देते हैं नियुक्ति कर देते हैं लेकिन व्हाट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस डिस्ट्रिक्ट जजेस टू जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट उन जजेस के बारे में क्या जो कि जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा तो यहां बोला गया इनकी भी नियुक्ति करता तो गवर्नर ही है लेकिन इन कंसल्टेशन हाई कोर्ट प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलोगे मैम ऐसे कैसे अरे एग्जाम दोगे आओगे लेकिन जो आपका नियुक्ति पत्र होगा उस पर गवर्नर का एंड सिग्नेचर होगा आपको जो लेटर मिलेगा उस पर गवर्नर का सील एंड सिग्नेचर होगा जो क्लियरली ये लिखेगा कि भाई आपको क्या किया जा रहा है जेएमएफसी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है बट वो कंसल्ट करेंगे हाईकोर्ट से प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी वो लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसल्ट करने वाले हैं ठीक है क्लियर है ओके यस गवर्नर करेंगे आपकी अपॉइंटमेंट आपको जो लेटर आएगा वो गवर्नर के द्वारा साइंड एंड सील्ड आएगा ठीक है क्लियर है आगे सुनो टू थर्टी थ्री बोलता है कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ओवर सबॉर्डिनेट्स

ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है जनरल हम पढ़ चुके अटॉर्नी जनरल का सेक्शन बताएंगे सॉरी आर्टिकल बताएंगे अब डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में अटॉर्नी जनरल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेता है टेन्योर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्योंकि अपॉइंटमेंट ये तो प्रेसिडेंट ही कर रहा है ना सैलरी जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कंडीशन गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की क्या नहीं करेगा कोई ऑफिस होल्ड नहीं करने वाला है एंड रिमूवल सेम एज दी स्टेट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस की ठीक है क्लियर है यस, अटोर्नी जनरल आर्टिकल नंबर सेवेंटी सिक्स विच इज सेट टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री वो दैट ऑडिटर जनरल ये कौन है सॉरी वो था अटॉर्नी जनरल ये है ऑडिटर जनरल ठीक है ये किस में आ रहा है स्टूडेंट्स ये यूनियन का है ये union का है है ठीक ये यूनियन का ड्यूटीज क्या है जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर दे वो अकाउंट्स फॉर्म ऑफ अकाउंट्स भेजेगा किसको यूनियन एंड स्टेट को भेजेगा क्या करेंगे रिपोर्ट्स बनाएंगे यूनियन की भेजेंगे प्रेसिडेंट को एंड स्टेट की रिपोर्ट्स बना के भेजेंगे वो गवर्नर को ठीक है ऑडिटिंग करते ऑडिटिंग मतलब क्या होता है ऑडिटर्स आते नहीं कई बार डिपार्टमेंट में वो होते हैं ठीक है क्लियर है चलो चलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ फिर हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे जैसे हमने स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन में पढ़ा था पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 74, 75, यस येस और नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलो उंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वन सिक्सटी फोर वन सिक्सटी थ्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज इट इज सेम जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन के लिए ठीक है यहां पे क्या बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जहां पे सीएम हेड होगा गवर्नर को एडन एडवाइस करेगा एंड वो चाहे गवर्नर चाहे तो सीएम को सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बोल सकता है प्लीज इस चीज को रिकंसिडर कीजिए रिकंसिडर करने के बाद भी अगर भेज दे तो इट इज इट इज बाइंडिंग द गवर्नर शैल एक्ट इन कंसिडरेशन और एक्ट इन 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 अकॉर्डेंस सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव राइट सूर्य वंदना जी? 76 में तो जनरल पढ़ के आए सेवेंटी फोर एन सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर एंड सेवेंटी फाइव ठीक है क्लियर है प्लस एटी नाइन कर दो हो जाएगा बराबर क्लियर अब सुनो ओथ <coughs> कौन दिलाएगा न्यू लोगों को मिनिस्टर दिलाएगा ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ठीक है ये वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना सुनो सुनो क्या कह रहा है कलेक्टिव को को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके, किसके पे, पे, करेंगे, करेंगे। होती है किसकी तरफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ होती है जो मिनिस्टर्स मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो छह महीने के बाद मिनिस्टर नहीं रहेंगे एंड वो सभी मिनिस्टर्स प्लेजर ऑफ गवर्नर तक की

चैप्टर नंबर थ्री अभी तक हमने स्टूडेंट जितना सब कुछ पढ़ा उसमें हमने यूनियन एंड जुडिशरी को क्या किया था स्टूडेंट हमने कंपेयर करते हुए पढ़ा और अभी हम लोग इससे पहले ऑलरेडी यूनियन का लेजिस्लेचर डिस्कस कर चुके थे जहां हमने क्या पढ़ा हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद आर्टिकल 170 कहता है मैक्सिमम 500 मिनिमम 60 मेंबर्स मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मैक्सिमम कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है बताओ इंडिया में विच स्टेट होल्ड्स दी मैक्सिमम स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स इज इट यूपी और महाराष्ट्र और राजस्थान क्योंकि अगर आप उसको एरिया में देखो तो सबसे बड़े स्टेट्स यही हैं लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स ये सीट्स डिसाइड्स होती हैं <laughs> बिहार वैभव जी हैं राजस्थान में कितनी है 200 सीटें यस और नो राजस्थान वासियों यूपी में मैक्सिमम है ठीक है चलो यहां पे कितनी होती है स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में वन थर्ड ऑफ दी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जितना लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका वन थर्ड मैक्सिमम होगा मिनिमम फोर्टी होगा मिनिमम फोर्टी होगा अब यहां पे इलेक्शन कैसे होता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग बराबर आपको क्या करते हैं डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल की टेबल हम लोग नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे क्वालिफिकेशन यहां कितनी चाहिए सेम 25 इयर्स 30 इयर्स लोअर हाउस अपर हाउस जैसे एज इट इज सेम है पे ये इयर्स के लिए होती है यहाँ पे ये सेम है one third, क्योंकि ये टेम्प्री है कंटिन्यूइंग है एज इट इज हमारे हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स के तरह है एज इट इज कोई फर्क नहीं है अगर मैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोलू तो वहां हमने पढ़ा था थ्री थर्टी वन रेड विद्री थर्टी फोर यहाँ थ्री थर्टी टू रेड विथ थ्री थर्टी फोर क्योंकि थ्री थर्टी वन में हम एस सी एस टी की सीट्स रिजर्व कर रहे थे पार्लियामेंट में 332 में एस सी की सीट्स रिजर्व कर रहे हैं स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली में या फिर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर में कर रहे हैं ठीक है क्लियर है ये चीज आगे सुनो सीट्स का रीएडजस्टमेंट कब तक के लिए फ्रीज कर दिया गया स्टूडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी इनको ओथ कौन दिलाता है इनको ओथ गवर्नर दिलाता है इन्हें भी ओथ गवर्नर दिलाता है अकॉर्डिंग टू थर्ड स्कड्यूल नाउ इनके ऑफिसर्स कौन होते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होता है इनका भी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होता है रेजिग्नेशन किसको दोगे स्पीकर को दोगे स्पीकर डेप्यूटी को स्पीकर को देगा डेप्यूटी स्पीकर हमारे स्पीकर को देगा अगर मैं बात करूं हमारे किसकी विधान परिषद की बात करूं दैट इज टू से अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं तो वहां पर रेजिग्नेशन में देंगे चेयरमैन को चेयरमैन देगा डेप्यूटी चेयरमैन को और डेप्यूटी चेयरमैन देगा चेयरमैन को इज इट क्लियर चलो आगे चले ये है वो चार्ट जो मैं आपको बोल रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये आपका बाइफकेशन है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स से वन थर्ड आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल बॉडीज वन थर्ड ग्रेजुएट्स वन ट्वेल्थ टीचर्स वन ट्वेल्थ एंड नॉमिनेटेड बाई गएंगे गवर्नर के द्वारा आएंगे क्लियर है yes, जैसे प्रेसिडेंट ओथ देते वैसे यहां पे ये लोग देते हैं अब इनकी बात करूं स्टूडेंट्स अगर आपने यूनियन लेजिस्लेचर अच्छे से पढ़ लिया लोकसभा राज्यसभा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आज क्लैट वालों का तुम्हारा मौक नहीं है स्टूडेंट्स अचीवर्स एंड राइजर्स आज मौक नहीं है क्या आप सबका नहीं है तब तो अच्छी बात है बाकी कल तो हम लोग मिलेंगे है है ना अचीवर्स में में भी मिलेंगे, में भी मिलेंगे मिलेंगे राइजर्स ठीक चलो सो डिस्कालिफिकेशन कहा रखा है इनका लेजिस्लेचर का स्टेट लेजिस्लेचर का स्टूडेंट्स हमें डिस्कालीफिकेशन दिया है 191 में लेकिन सेम प्रोविजन जैसे 102 में दे रखा है एज इट इज यहां पे ज एंड वन जैसे किसकी तरह से है? तरह हैरम है? है, है? है. अलग है कोरम वहां किसमें पढ़ा था स्टूडेंट वहां हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर हंड्रेड में येस और नॉट बराबर है क्या क्लियर है दो बजे आप लोगों का ठीक है दो बजे तक तो मैक्सिमम कवर कर देंगे ठीक है कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अगर कितना कोरम होना चाहिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्टूडेंट स्टेट सॉरी यूनियन लेजिस्लेचर का वहां पे कितना था वन टेंथ था लेकिन यहां देखो कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स में टेन मेंस और नो यस और नो या फिर टेन मेंबर्स विथ एवर इज ग्रेटर इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है सुनो क्यों क्योंकि कुछ ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली जहां चालीस सीटें ही हैं तो उसमें उसमें वन टेन तो चार मेंबर ही हुए ना चार मेंबर में क्या होगा दिस इज द रीजन उन्होंने साथ में ये बोला और टेन तो जहां पे चालीस या पचास सीटें हैं वहां पे कम से कम तो दस मेंबर तो लगेंगे ही लगेंगे कहने का मतलब ये है कि जहां पे हंड्रेड से कम सीट्स हैं वहां पे तो टेन मेंबर्स मैक्सिमम होगा क्योंकि हंड्रेड का हंड्रेड का टेन कितना हुआ टेन हुआ या नाइनटी का कितना हुआ नाइन हुआ तो नाइन में तो नहीं चलेगा हमको तो टेन चाहिए इज इट क्लियर येस और नो इज इट क्लियर यस बराबर है क्या सब लोग चेक कर लो आर्टिकल नंबर 189 आएंगे आगे चलेंगे जहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन डील करेंगे जेलों में आता है एडवोकेट जनरल 165 किसके साथ कनेक्ट करू अटॉर्नी जनरल के साथ कनेक्ट करू? करू क्या यस और नो यस और नो अटॉर्नी जनरल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कर सकते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल यूनियन में होता है स्टेट में कौन होता है एडवोकेट जनरल होता है एडवोकेट जनरल को सेम वहां प्रेसिडेंट था या गवर्नर है पोजिशन ये हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है वो हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री था क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड क्वालिफा जज ऑफ हाई कोर्ट वो क्वालिफाइड टू भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई फिक्स नहीं है टेन्यूर सेम एज जैसा प्रेसिडेंट का प्लेजर चाहे एंड सेम वही पोजिशन या ड्यूटीज हैं जो की हमारे अटॉर्नी जनरल के पास थी एंड रेन्यन जो की गवर्नमेंट डिटरमाइन करे यूनियन टेरिटरीज बहुत इंपॉर्टेंट मैम स्टेट डिस्कस कर लिया हमने सेंटर uh, डिस्कस कर लिया वहां के चीजों के बारे में पढ़ लिया बट व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज के मामले में स्टूडेंट्स टू ये बोलता है कि यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर होगा सीएम नहीं होता वहां का कौन होता है स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है अपॉइंट कौन करता है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है कि अच्छा आप यहाँ के गवर्नर हो तो जस्ट बगल में अपने यूनियन टेरिटरी है इसके एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के भी आप क्या होंगे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे क्लियर है 239 ये ये बोलता है क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर पुडुचेरी पुडुचेरी के लिए हम चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर लोकल लेजिस्लेचर भी क्रिएट कर सकते हैं नाउ कम्स थर्टी नाइन डबल एज विद रिस्पेक्ट टू डेली डेली के लिए स्पेशल प्रोविजन है ना यूनियन टेरिटरी वाला जो हम पढ़ के आए थे आर्टिकल नंबर वन में बोला टेरिटरी में क्या होगा स्टेट होगा यूनियन टेरिटरी होगा और एनी अदर एरिया विच में भी एक्वायर्ड क्लियर है ओके okay? ये आपका प्रेसिडेंट ओके कुणाल जी सुनो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली इज कॉल्ड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ध्यान रखेंगे दिल्ली और पुडुचेरी में इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है दिस इज द रीजन दिस इज द रीजन वो वहां से इलेक्ट होके आते हैं क्लियर है आगे सुनो 239 ए भी, बोलता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर आपके 230 नाइन डबल ए वहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले कि भाई स्टेट मशीनरी नहीं चल रही है बात वो नहीं रही अब तो हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं वहां इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं ठीक है 239 बी क्या बोलता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास पावर है कि वो भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं 239 बी इसीलिए मैंने उस वक्त ही बोला था बताओ 239 ए है ए भी है या बी है इसको किसके साथ पढ़ना है 123 एंड 213 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है टू हंड्रेड थर्टी में गवर्नर ऑर्डिनेस बनाता है तो यह तो हो गई सेंट्रल और स्टेट बट यूनियन टेरिटरी का क्या तो टू थर्टी नाइन भी बोलता है डो नॉट वरी यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डिनेस बना सकता है ठीक है क्लियर है आगे सुनो ऑर्डिनेंस क्या होता है अध्यादेश यस yes, नो no, बता नजर आंदी वॉक है बताओ आज मौक नहीं है क्यों नहीं है आज मौक कौन बोला आज मौक नहीं है टू फोर्टी क्या बोल रहा है प्रेसिडेंट का पावर है कि वो यूनियन टेरिटरी में गुड गुड गवर्नेंस के लिए पीस के लिए क्या कर सकते हैं यहां पे और लॉस बना सकते हैं 241 में ये बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है क्लियर है ओके okay? चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आपको इन डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पंचायत से म्यूनसिपालिटी से लेकिन फिर भी समझ लो ठीक है अध्यादेश होगा अब सुनो

हमारा पार्ट नाइन ए भी है लेकिन सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट से शेड्यूल आया और उन्होंने पंचायत के बारे में बहुत सारी चीजें बताई अब हमारे लिए जरूरी है कि हम आर्टिकल नंबर याद रखें अमेंडमेंट याद रखें और इसका स्केड्यूल भी याद रखें टू फोर्टी थ्री से लेकर टू फोर्टी थ्री ओ तक पंचायत है ठीक है ये कौन सी पंचायत है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली है ठीक है वो वाली पंचायत है फर्स्ट विलेज लेवल पे होती है सेकेंड इंटरमीडिएट लेवल पे होती है थर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जो मैं बोलूं फर्स्ट लेवल दैट इज बेस लेवल पे क्या होती है ग्राम पंचायत होती है ग्राम पंचायत से ऊपर क्या होती है स्टूडेंट्स पंचायत समिति होती है पंचायत समिति से ऊपर क्या होती है जिला परिषद होती है होती है ना ये ग्राम सभा है है ना ग्राम सभा की ग्राम पंचायत होगी ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती है पंचायत समिति बनाती है बहुत सारे जगह जगह ग्राम पंचायत की करती समिति बनती है ठीक है और ऐसी बहुत सारी ग्राम सॉरी पंचायत समिति मिलके क्या करती है जिला परिषद बनाती है तो जिले में जितनी भी पंचायत समिति होती है ना स्टूडेंट्स वो सब क्या बनाती है जिला परिषद बनाती है क्लियर है स्टूडेंट्स ओके नोटिफिकेशन आ गया क्या तुम लोगों के पास है ओके चलो आगे सुनो नेक्स्ट इज मुंसिपैलिटीज 234 पी से लेके 234ZG. अब composition क्या है? इनकी अगर transitional level, मतलब base level की बात करें तो नगर पंचायत होती है क्या होती है नगर पंचायत. नगर पंचायत क्योंकि हो गया ना तो एक टाइप दिखता तो है ना आपको देन आता है स्मॉलर अर्बन एरिया छोटे अर्बन में क्या होती है, होती है. क्या होती है? और उससे बड़े में क्या होती है लार्जर अर्बन एरिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ठीक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है क्लियर है जैसे पुणे में आपको देखने को मिलेगा है ना मनपा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना है कोई पुणे से नगरपालिका बेटा सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बन एरियाज में तो टाउन टाइप होते ना वहां पे नगर पंचायत होती है ठीक है क्लियर है सेम ही होती है बेटा सेम होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है क्लियर है आगे चले बताओ कौशल्या जी कोपरेटिव <coughs> सोसाइटीज होती थी नाइन बी को इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी आपको नाइन बी कवर करना है तो बोलो नाइन बी को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं स्टूडेंट्स आपको अब वो रिमूव हो चुका है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनी मोर राजेंद्र एन शाह वर्सेज यून ऑफ इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी वन राजेंद्र एन शाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया टू थाउजेंड

अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशंस होते हैं कुछ लेजिस्लेटिव रिलेशन होते हैं और कुछ क्या होते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होते हैं उन्हीं रिलेशंस को देखते हुए पार्ट नंबर 11 बना जिसके दो चैप्टर्स है पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से 255 फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो डील करता है टू से टू तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर इलेवन जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन समझना अच्छे से

बराबर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कई बार हमारा स्टेट खुद के लिमिट से बाहर निकल के दूसरे स्टेट के लिए भी लॉ बना देता है तो वहां आता है हमारा दैट इज टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन की बात करता है टेरिटोरियल कि मैं तुमको बताऊंगा तुम इधर आओ कौन किसके लिए लॉ बनाएगा आई विल टेल यू तो 246 दिस इज द फादर ऑफ एवरीबॉडी हमारे झगड़े होते हैं ना तो पापा चुपचाप बोलते थे तुम इधर आओ तुमको ये काम दिया तुमको ये काम दिया अपना अपना काम करो सो दिस इज़ इज़ नॉट 245 ये बोलता है पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए के के लॉस बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए या स्टेट के पार्ट के लिए लॉस बनाएगी एंड लॉ मेड बाई पार्लियमेंट नॉट इनवेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट के लिए भी लॉ बना दे तो मात्र इसलिए इनवेलिड नहीं हो जाएगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन पे बना है मतलब पार्लियामेंट आपके पास तो ये हिम्मत ही नहीं थी आपने कैसे लॉ बनाया मैंने तो बना दिया क्योंकि मुझे टू फिफ्ट फोर्टी फाइव ने एम्पावर किया क्या किया टू फोर्टी फाइव ने एम्पावर किया तो वो बना सकते हैं ये इनका जो विच्छेद है है ना मतलब इनका जो डिफरेंसिएशन uh, है नॉट संधि विच्छेद बट इनका जो एक्चुअली डिफरेंसिएशन uh, क्या है सब्जेक्ट मैटर का ये खुद 245 ने बता दिया बट द पॉइंट इज 246 बोलता है ठीक है आपको बता दो दिया पर मैं तुमको सब्जेक्ट बता देता हूं मैं तुमको और क्लियर कर देती हूं जब पापा ऑफिस चले गए तो मम्मी बोले कम यार आई विल टेल यू और बारीकियों से तुमको तुम्हारा दिशा निर्देश दे दू सब्जेक्ट मैटर दे दू 246 बोलता है पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे बनाएगा जिसमें 97 subjects, 97 सब्जेक्ट्स लिस्ट है

क्लियर है repugnancy यहां नहीं टेरिटोरियल यह तो जूरिस्डिक्शन यहां 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 तो बता रहा है आपका क्षेत्र अधिकार क्या है आपका क्षेत्र अधिकार इसने बता दिया सब्जेक्ट मैटर्स इसने बता दिए क्षेत्र भी बता दिया, उसमें भी बता दिया ओके, तो समझ में आ गया ये बता रहा है बाउंड्रीज ये बता रहा है सब्जेक्ट 247 ये बोलता है पार्लियामेंट पावर टू स्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट्स अगर पार्लियामेंट को लगे कि भाई एडिशनल कोर्ट्स बनाने की आवश्यकता है तो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉस के लिए क्या बना सकता है नए कोर्ट्स बना सकता है अब आता है रेजिड्यूरी पावर मैम ये तो आपने यूनियन लिस्ट बता दी स्टेट लिस्ट बता दी कॉन्करेंट लिस्ट बता दी लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो ना तो स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं वो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स रेजिड्यूरी जो रेजिड्यूरी हो गया जो बच गया उसके ऊपर पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने की रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर 248 फोर्टी एट बोलते हैं जो बच गया उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा कॉन्करेंट में तो स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं ठीक है क्लियर है हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री वाले में नहीं ये रिपील हो गया बिल्कुल ममता जी रिपील हो गया है ठीक है क्लियर है बराबर है सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टेट लेस सिक्सटी सिक्स सूर्य वंदना जी एंड कॉन्करेंट करेंट फोर्टी सेवन बराबर चलो आगे चलेंगे स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे किसकी अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ये भाई बोल रहा है कि इधर आओ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट्स के कुछ सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकता है

फर्स्ट इज लेजिस्ट ऑन द मैटर इन द स्टेट लेस फॉर नेशनल इंटरेस्ट टू फोर्टी नाइन में अगर मैटर नेशनल इंटरेस्ट का है स्टूडेंट और सब्जेक्ट किसका है स्टेट का है पार्लियामेंट फिर भी लॉ बना देगी रेजोल्यूशन टू थर्ड मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग रेजोल्यूशन इफेक्टिव फॉर वन ईयर अगर काउंसिल ऑफ स्टेट ने राज्यसभा ने टू थर्ड मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या कर दिया स्टूडेंट यहां पर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया

क्लियर है आगे सुनो 251 ये बोलता है अगर ये वाला और ये वाला लॉ बना 249 और 250 में कोई भी लॉ बनाया एंड जो कि इनकंसिस्टेंट है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ से देखो क्या बोल रहे है इट सेज 250 249 एंड 250 में मैम कोई भी लॉ बनाया वो इनकंसिस्टेंट हो गया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ पे तो कौन सा प्रिवेल करेगा दिस इज द इनकंसिस्टेंसी दिस इज इनकंसिस्टेंसी रेपेगनेंसी आगे आ गया जाएगा इट स्टेट सेजिस्लेचर मेड लॉ इनऑपरेटिव हो जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ रेपेग्नेंसी प्लस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शाल प्रिवेल जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो प्रिवेल करेगा एंड स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया गया लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के रेपग्नेंसी के एक्सटेंट तक इनऑपरेटिव हो जाएगा क्लियर है डी टू फोर्टी टू बोलता है स्टेट uh, हमारे सेंटर के पास दैट इज टू से पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेजिस्लेट ऑन टू और मोर स्टेट कंसेंट बाई अडोप्शन एंड अडोप्शन ऑफ द सच लेजिस्लेचर बाय एनी अदर स्टेट हां देखो क्या होता है कि कई बार दो या दो से ज्यादा स्टेट खुद ऐसा रेजोल्यूशन निकाल के हमारे पार्लियामेंट को दे दे दैट ओके फाइन यू मेक फॉर अस तो फिर ऐसा ऐसा अलाउड है 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 किया जा सकता एंड 240 53 क्या बोलता है? 253 बोल रहा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफेक्ट देने के लिए हमारा कौन बना सकता है हमारा यस yes, हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है किसको इफेक्ट देने के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रीटीज को या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इफेक्ट देने के लिए डीपीएसपी बताओ इसकी डीपीएसपी बताओ फटाफट से नेक्स्ट इज 254 फिफ्टी फोर बिटवीन लॉ मेड बाई पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लेस्ट टू फोर्टी एट में पढ़ के आए

अगर स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया लॉ रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट द्वारा फॉर हिज असेंट अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया प्रेसिडेंट के पास अभी वो पड़ा है अप्रूवल के लिए तो फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ साइड हो जाएगा कोई इफेक्ट नहीं रहेगा वो ठीक है क्लियर है यस आर्टिकल नंबर फिफ्टी वन आर्ची जी फिफ्टी किससे डील करता है फिफ्टी किससे डील करता है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच कोई मतभेद ना हो ठीक है क्लियर है चले आगे अब सुनो टू फिफ्टी फाइव क्या बोलता है टू फिफ्टी फाइव एक और अच्छी चीज बोल रहे हैं स्टूडेंट सैंक्शन प्रोसीजर कोई भी पार्लियामेंट ने या फिर आई मीन उसे पार्लियामेंट या कोई भी स्टेट ने कोई भी लॉ बनाया तो वो मात्र इस ग्राउंड्स पे इनवैलिड नहीं हो जाता कि आपने तो गवर्नर प्रेसिडेंट या राज प्रमुख की कोई भी प्रीवियस सैंक्शन नहीं ली तो सैंक्शन प्रोसीजर ये बता रहा है इस ग्राउंड पे क्या नहीं हो जाता है इस ग्राउंड पे हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी लॉ क्या नहीं हो जाता इनवैलिड नहीं हो जाता है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस डील करेंगे स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस 246 से लेकर 263 बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है कि भाई अच्छे से काम हो उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स वगैरह अच्छे से एक्सरसाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं 255 से 263 256 क्या बोलता है हर स्टेट की और यूनियन की क्या है? हैObligation है अपने-अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को निभाओ तो पॉइंट वन ये बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट कहां तक एक्सटेंड करेंगे तो वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कभी भी के, नहीं करेगा सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स टू गिविंग द डायरेक्शन टू द स्टेट यूनियन के पास इतने एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो स्टेट को क्या कर सकता है डायरेक्शन दे सकता ओ, me, ऐसे, ऐसे काम करो ये किस में आएगा 256 में 257 ये कहता है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन गिविंग द डायरेक्शन ये यूनियन के पास फुल फ्लेच पावर है कि वो क्या कर सकते हैं स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं दो मामलों में ध्यान रखना 257 में दो मामलों में यूनियन स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कौन-कौन से पहला, और कि कोई military या का कोई भी काम है तो यूनियन साफ बोल देगा स्टेट को लिसन ब्रदर नेशनल इंपॉर्टेंस काम है आपको यह चीज कुछ पर्टिकुलर तरीके से ही करनी है सेकेंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट हमको पता है नॉर्थ रेलवे साउथ रेलवे है ना नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अलग अलग रेलवे होते हैं तो वहां पर काम कैसे करना है किस डायरेक्शन क्या क्या डायरेक्शन होंगे वो सारी चीजें क्या देगा वो सारी चीजें हमारा यूनियन देगा किसको स्टेट को देगा क्लियर है 257, 256 में क्या बोला अपना अपना काम करो और यूनियन कहा यूनियन पावर कहां तक एक्सटेंड करेगा स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को डायरेक्शन देने के लिए कि आपको ये काम करना है ये काम करना है ठीक है क्लियर है 258 क्या बोलता है यूनियन टू तो कॉन्फर पावर्स ऑन पा द स्टेट दैट इज डेलीगेशन यूनियन अपने कुछ पावर्स स्टेट को दे सकता है 258 लेकिन कौन देगा प्रेसिडेंट विद कंसेंट ऑफ गवर्नर गवर्नर से पूछेगा आपकी स्टेट को हमारा एग्जीक्यूटिव पावर दे दे हाँ दे दो तो दे देंगे हम पावर वहीं पर 258 ए में उल्टा है 258 A में एट में ए में 258 ए ए में क्या है

यूनियन के 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 पास इतना पावर है है कि इंडिया के के बाहर कोई टेरिटरी तो वहां अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है कैसे एक्सरसाइज करेगा बाय एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट कंट्री की गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी टेरिटरी स्टूडेंट्स जो इंडिया के टेरिटरी से बाहर है और उसको उसके ऊपर कंट्री को या पार्लियामेंट को लॉज बनाने हैं कंट्रोल करना है तो उस मामले में उस कंट्री के साथ आप एग्रीमेंट कीजिए और अगर वो कंट्री आपको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड फंक्शन दे देती दे है 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 तो यूनियन वो चीजें एक्सरसाइज कर सकता क्लियर क्लियर इज इट टू एवरीबॉडी चलो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करेंगे वॉटर डिस्प्यूट टू कि थ्री में क्या बोला कि, 264 में क्या बोला अगर वॉटर डिस्प्यूट है तो वो कौन डील करेगा तो बोला कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है विद रिगार्डिंग टू वाटर है ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैली कावेरी डिस्प्यूट हमको पता है येस और नो सबको पता है ना क्लियर है यस yes, बराबर तो यहां पे बोला है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वॉटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली रिवर वैली या इंटरस्टेट रिवर इंटरस्टेट रिवर मतलब एक नदी दो दो क्या कर रही है हमारे स्टेट से निकल रही है तो उसका पानी का प्रयोग कैसे करना अगर इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट है तो हमारा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट पार्लियामेंट उनके एडजुडिकेशन के लिए दैट इज उनका मामला डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट क्या करेगा स्टूडेंट्स वहां पर लॉ बनाएगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द वॉटर पार्लियामेंट बताएगा भाई पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है कौन किसको कंट्रोल करने वाला है कितना पानी या कितने पानी पे किसका कितना अधिकारिता है क्लियर है आगे सुनो पार्लियामेंट में बाय लॉ में बाय लॉ और सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट शैल नॉट एक्सरसाइज ज्योरिस्डिक्शन पार्लियामेंट ये भी बता सकता है कि ऐसी चीज हमने लॉ बना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि वहां पे क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स ऐसे स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाएंगे ठीक है आगे सुनो बस एक घंटे की और क्लास चाहिए फटाफट पड़ से फिनिश करते हैं ना शाम को आप क्लास स्टूडेंट्स का एक सेशन भी होने वाला है आपके टीचर्स लेंगे क्लास सुनो 263 सिक्सटी थ्री बोल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट मैम ये तो वाटर डिस्प्यूट की बात हो गई लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर स्टेट्स के बीच झगड़े होते हैं तो इंटर स्टेट काउंसिल बन सकता है और बनाएगा कौन प्रेसिडेंट बनाएगा क्या ड्यूटी रहेगी उसकी इंक्वायर करेंगे एडवाइस करेंगे कोई डिस्प्यूट हो गए हैं स्टेट्स के बीच इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर्स को जो कि कॉमन इंटरेस्ट रखते हो सभी स्टेट्स का एंड रिकमेंडेशन देंगे ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके स्टेट्स में इंटर काउंसिल स्टेट्स दैट इज सॉरी इंटर स्टेट काउंसिल वेरी नेसेसरी प्रेसिडेंट इसको स्टैब्लिश करते हैं क्लियर है चलो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। इसमें इतनी सारी चीजें नहीं है बट स्टिल हम कुछ कुछ चीजों को कवर करेंगे ठीक है किसमें डील करता है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ट्वेल्व में डील करता है चैप्टर नंबर वन फाइनेंस चैप्टर नंबर टू बोरिंग चैप्टर नंबर थ्री प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट एंड सूट्स एंड लास्ट चैप्टर डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो सबसे पहले हम डील करेंगे फाइनेंस 263 ये बोलता है कोई भी टैक्स तब तक नहीं लगेगा जब तक कि लॉ उसे इंपोज ना कर दे बराबर है कोई दिक्कत नहीं हमसे कोई टैक्स ले सकता है क्या बिना लॉ के नहीं ले सकता लॉ है तो मैं टैक्स भी दे दूंगी नेक्स्ट इज ओके नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड्स 266 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है सारे मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करे बाय पेमेंट ऑफ लोन्स ये सब किस में आता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में आते हैं और इसके अलावा जो भी बाकी पब्लिक मनी बच जाता है स्टूडेंट्स वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है वैसे के वैसे एक पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट होता है एंड कंसोल

लैंडमार्क केसेस आज के सेशन में होगा लैंडमार्क केसेस हम लोग आने वाले कुछ दिनों में कर लेंगे है ना हफ्ते दस दिन में हम लैंडमार्क जजमेंट्स करेंगे एंड डॉक्टरिन का एक और अलग से सेशन लेंगे हम ठीक है डॉक्टरिन का भी सेशन हम लोग लेंगे इन चीजों को कवर करते हुए लेंगे लेट्स अगर आज लैंडमार्क जज सॉरी हमारे डॉक्ट्रीज हो पाते नहीं तो हम डॉक्टरीज नेक्स्ट सेगमेंट में कर लेंगे ठीक है ठीक है कौशन लिया जी, आगे चलते हैं कंटेन्जेंसी फंड होते हैं कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसके लिए उन फंड किया जा सकता है 268 क्या बोल रहा है 268 ये बोल रहा है कि ड्यूटीज लेवी तो इंपोज तो यूनियन करता है लेकिन कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट तो वो आपको बता रखा है किस किस मामले में यूनियन लेवी करेगा और कैसे कैसे स्टेट उसको अप्रोप्रिएट करेगा या एक्सपेंड करेगा 269 टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू द स्टेट कलेक्ट और लेवी कौन करता है यूनियन करता है लेकिन स्टेट को असाइन कर देता है कि आप देखो उसको कैसे एक्सपेंडिचर करना है टू वेरी इंपॉर्टेंट ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टन स्टेट्स कोई भी ग्रांट देनी है यूनियन को स्टेट को यूनियन अगर स्टेट को कोई भी ग्रांट देना जाता है वो हमेशा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में से जाएगी सैलरीज सब कंसोलिडेटेड फंड्स में से जाता है ठीक है 279 जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी काउंसिल स्टैब्लिश कौन करता है प्रेसिडेंट करता है विद इन सिक्सटी डेज फ्राम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट कौन से जीएसटी को एड किया गया 279A, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंस मेंबर होंगे बाकी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट में होंगे वो सब भी इसके मेंबर्स होने वाले हैं फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन क्या बोलते हैं हिंदी में इसको नीति आयोग यस और नो क्लियर है भारत की संचित नीति वेरी गुड सूर्यवंदना जी चलो सुनो फाइनेंस कमीशन क्या स्टेटस इसका क्वाजी जुडिशियल बॉडी है बैलेंसिंग वीज ऑफ दिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है प्रेसिडेंट करता है हर पांच साल तक के लिए या जब भी उनको लगे या जब भी उनको लगे ठीक है बेटा ये गलत है वह अच्छा इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है इसमें कॉम्पोजिशन में होता है एक चेयरमैन होता है फोर एंड अदर मेंबर्स होते हैं फोर अदर मेंबर्स होते हैं सबको कौन अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फंक्शन क्या होते हैं ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं क्या करते हैं प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं एंड किस मामले में रेकमेंड करते हैं फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ सेल सेकेंड इज सेकेंड इज प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट एन एटेन कंसोलिडेटेड जो है उनको आपको कैसे मैनेज करना है मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट जो मैटर प्रेसिडेंट रेफर करें उनके बारे में सजेशन देना है फोर्थ पॉइंट इज मेजर टू इंक्रीज कंसोलीटेड फंड्स ऑफ द स्टेट एंड सप्लीमेंट द रिसोर्सेज टू पंचायत फाइनेंस कमीशन आपको बताएगा कि कैसे हम लोग और ज्यादा हम कहें तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड की जो क्षमता है और कैसे बढ़ा सकते हैं क्लियर है, clear है? चलो आगे चलेंगे दैट इज बोरोइंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा टेढ़ा क्यों लगा हुआ भैया इसको चलो दैट इज बोरोइंग अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोरो करना हुआ स्टूडेंट्स तो क्या वो बोरो करेंगे 292 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बोरोइंग अपॉन दी सिक्योरिटीज ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ़ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती, से कर सकती. वो है कंसोलिडेटेड उनका एग्जीक्यूटिव पावर में स्टेट को करना है तो क्या तो वो 293 के अंदर कहां से, करेंगे? से करेंगे और साथ में चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको लोन भी दे सकती है स्टेट को स्टेट तो कहां से देगा यूनियन को लोन है ना लेकिन यूनियन जरूर हमारे स्टेट को लोन दे सकता है दैट इज है ठीक है अच्छा नीति आयोग सॉरी आपके प्लानिंग कमीशन में आ जाती कमिशन इस है फाइनेंस कमीशन इज वित्तीय आयोग ठीक है वित्त आयोग यस 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 वित्त आयोग ओके नेक्स्ट यस डेट डिफाइंड एड क्लॉज थ्री थ्री थर्टी सिक्स थ्री सॉरी थ्री सिक्सटी सिक्स में कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान रखेंगे इट सेज अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स की सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स की किसकी बात करें स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 299 में बोला कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन तो किसके नाम में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट किसके नाम में प्रेसिडेंट वहीं पर यह कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट ने बनाया Contracts किसके थ्रू बने आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट के थ्रू बना तो गवर्नर का नाम होगा वहां पे किसका नाम होगा गवर्नर का नाम होने वाला है क्लियर है आगे सुनो प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल नॉट बी पर्सनली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या नहीं होने वाला स्टूडेंट्स पर्सनली लाइबल नहीं रहने वाले अब ये तो हो गई मैम अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो ना वॉट इफ आई वॉन्ट टू सू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मुझे यूनियन को स्यू करना है स्टूडेंट्स तो मैं किसके नाम पे केस फाइल करूं या मुझे स्टेट को स्यू करना है तो मैं किसके नाम पे स्यू करूं या स्टेट मुझे स्यू करने वाली तो किसके नाम पे स्यू करेंगे तो यहां पे इन्होंने टू फोर से थ्री हंड्रेड ने बताया 300 में बोला सूट एंड प्रोसीडिंग 299 में किसके बारे में बताया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे सूर बी स्यूड इन नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया किसके नाम में यूनियन ऑफ इंडिया में या तो स्यू कर सकती है या स्यू की जा सकती है इस नाम पे लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट स्यू करना चाहती है आप गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को स्यू करना चाहते हो तो फिर इन द नेम ऑफ द स्टेट फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एबीसीडी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एबीसीडी वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात क्लियर है राइट टू प्रॉपर्टी छोटी सी लाइन में इसको खत्म कर दिया है आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए स्टूडेंट यह कहता है पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो नाउ आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड ए के तहत स्टूडेंट्स राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ योर कॉन्स्टिट्यूशन राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट 44th अमेंडमेंट से स्टूडेंट्स क्या किया गया था आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 91 एफ को रिमूव कर दिया गया एंड आर्टिकल 300 ए को ऐड किया गया और बोला गया कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा अनलेस ऑथराइज्ड बाय द लॉ अगर लॉ ये मेंशन करे कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी जमीन से बेदखल कर सकते हैं तो कंपनसेशन देके एडिक्वेट मुआवजा देके आप उससे उसकी जमीन ले सकते हैं ठीक है ये अब लीगल राइट right है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो जब अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right बन गया तो क्या मैं कह सकती हूं अगर ये राइट right वॉयलेट हुआ तो हमारे पास रेमेडी क्या बचेगी बताओ क्या हमारे पास रेमेडी आर्टिकल थर्टी टू एंड टू ट्वेंटी सिक्स दोनों बचेगी यस सोर्नो बताओ क्या रेमेडी बचेगी आर्टिकल थर्टी टू एंड टू ट्वेंटी सिक्स क्या ये दोनों रेमेडी बचेगी क्या स्टूडेंट यस और नो कौन सा रेट लगाओगे कौन सा रेट आर्टिकल थर्टी टू में जाएंगे या टू ट्वेंटी सिक्स में जाएंगे रिट्स तो लगा देंगे बिल्कुल जाएंगे बट विच रेट विल यू गो टू सुप्रीम कोर्ट और विल यू गो टू हाई कोर्ट फटाफट से बताएंगे कितने स्टूडेंट्स लाइव है बाबा क्या लाइव हो भी के नहीं हो यस yes. बताएंगे स्टूडेंट्स 226 एब्सोल्युटली तो यहां पे 32 नहीं आता है क्योंकि 32 तो फंडामेंटल राइट right की बात करता है मैम हमारे पास तो उस ये फंडामेंटल राइट right ही नहीं है यस इट इज नॉट नो मोर अ फंडामेंटल राइट इसलिए 32 नहीं है 226 ट्वेंटी इज इट क्लियर ओके चलो ओके मूविंग टू कॉमर्स एंड ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रेड सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स कॉमर्स है ट्रेड है किसके साथ कनेक्ट करूं आर्टिकल 19 वन जी और नो फ्रीडम टू ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस तो यहां पे भी आ, पार्ट नंबर थर्टीन ये बोलता है कि मैम थ्री जीरो आर्टिकल ये बोलता है कि आपको पूरा फ्रीडम है कोई भी ट्रेड करो कोई भी कॉमर्स करो कोई भी इंटरकोर्स विद इन द स्टेट करो आराम से कर सकते हो लेकिन जब एक स्टेट से स्टूडेंट सोचना एक चीज से जब गुड्स दूसरी चीज पे दूसरे स्टेट में जा रही है तो फिर वहां पे टैक्स लगेगा

टैक्स डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट मैटर देन इट विल बी डिसाइडेड वैभिड योर यूनियन और बाय द स्टेट ठीक है क्लियर है आगे सुनो 303 जीरो ए क्या बोलता है नो पावर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉस टू गिव कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की बस पावर ही नहीं है ये दो चीजें करने का पहला कोई भी एक स्टेट को प्रेफरेंस नहीं देंगे दूसरे स्टेट पर किस मामले में ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस में ऐसे नहीं हाँ राजस्थान को अलाउ कर दिया गुजरात को नहीं करू क्यों भाई राजस्थान वालों से क्या दुश्मनी ठीक है पार्ट नंबर पॉइंट नंबर 2 एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर टू ट्रेड कॉमर्स इन एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवेंथ स्केड्यूल जो सेवेंथ स्केड्यूल में जो भी लिस्ट दे रखी है उस मामले में आप कोई भी स्टेट के साथ क्या नहीं करेंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि हां इस पर्टिकुलर चीज पर तो ये लॉ बना लेंगे ये स्टेट बना लेंगे और दूसरा स्टेट नहीं बना सकता ये चीजें ना तो स्टेट लेजिस्लेचर ना पार्लियामेंट ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन करके लॉ नहीं बनेगा एक्सेप्ट पार्लियामेंट कैन डू दीज टू थिंग्स ओनली गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया अगर गुड्स की स्केयरसिटी हो चुकी है स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर एरिया में तो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बोल सकती है कि अरे राजस्थान में टमाटर की खपत कम हो चुकी है राजस्थान में टमाटर होगा राजस्थान में इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला सॉरी राजस्थान में इसका क्या होगा ट्रेडिंग होगा कॉमर्स होगा दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा क्लियर है मिसलेनियस पार्ट अभी थोड़ी आएगा शिवानी जी अभी आगे आएगा ना आगे आएगा बेटा इसको आगे डील करेंगे ठीक है क्लियर है आगे चले ओके okay. अच्छा कुछ रह गया ओके थ्री जीरो फोर बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं रेस्ट्रिक्शन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स बाय स्टेट लेजिस्लेचर यहां कौन कर रहा था देखो 302 में कौन कर रहा था पार्लियामेंट कर रहा था 304 में कौन कर रहा है स्टूडेंट स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा है किस लिए कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर टू इंपोज टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट तो ये स्टेट खुद से टैक्स लगा सकता है कि दूसरे स्टेट से आने वाले गुड सर्विसेज पे हम टैक्स लगाएंगे Impose on goods imported from the other states, imported from other states in public interest. तो so, वो यहां pe tax लगा सकते हैं State legislature को हमने authority दे दी Services, services अब बात कर लेते हैं आई officers ऑफिसर्स की आई पी ऑफिसर्स की उनकी नियुक्तियां कहां से होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर लोगों की कहां से होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये कैसे होती है कौन इनको कंट्रोल करता है कौन सा कमीशन है यह सब किसमें दे रखा है पार्ट नंबर 14 308 से 314 किससे डील करता है सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी एसपीएससी जेपीएससी दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन किसमें डील करता है 315 टू 323, ठीक है क्लियर है आगे चलेंगे सबसे पहले आता है सर्विसेज थ्री में क्या बोला है यूनियन और स्टेट में स्टूडेंट कोई भी पर्सन रिक्रूटेड है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा कौन उसके सर्विसेज के बारे में बताएगा तो उन्होंने बोला लेजिस्लेचर अगर मैं मान लो यूनियन सर्विसेज में यूनियन अफेयर्स में मेरी वहां सर्विस है तो मेरे को सेंटर बता देगी ना मैम ये ये आपके तरीके होंगे ये सैलरीज होगी ये भत्ते होंगे वो बता देगी स्टेट में हूँ तो मेरे को स्टेट लेजिस्लेचर बता देगी वहीं पर ऐसे ही पर्सन का टेन्योर क्या होगा कितने टाइम तक पीरियड तक के लिए वो जॉब करेगा एक्सेप्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है तब तो ठीक है लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो टाइम पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है और वो यूनियन सर्विसेज में है दैट इज यूनियन सर्विसेज में तो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक काम करेगा और स्टेट सर्विसेज में तो गवर्नर के प्लेजर तक काम करेगा खत्म कहानी कोई भी स्टेट अफेयर्स में कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है रिक्रूटेड है तो वो गवर्नर के प्लेजर तक काम करेगा अगर एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया मैं आपकी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के प्लेजर तक करेगा ठीक है अगला इनका डिसमिसल रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक किसी पर्सन को स्टूडेंट एक पर्सन को हमने अपॉइंट किया उसको रिमूव कौन करेगा उसको रिड्यूस में सॉरी रैंक में रिड्यूस कौन करेगा या उसको डिसमिस कौन कर सकता है तो 310 ये कहता है वही पर्सन उसको डिसमिस करेगा रिमूव करेगा या डिसमिस सॉरी uh, उसको रैंक में रिड्यूस करेगा जिसने उसको अपॉइंट किया कोई भी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी निचली अथॉरिटी उस पर्सन को कभी डिसमिस नहीं कर सकती ना ही उसको रैंक में रिड्यूस कर सकती है लेकिन कंडीशन यह है कि इंक्वायरी होगी चार्ज फॉर्म किए जाएंगे and reasonable opportunity of being heard देंगे उस को जिसको हम कर 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 रहे 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 या से हैं लेकिन यह चीजों की इंक्वायरी की जरूरत नहीं है तीन केसेस में ध्यान रखना यहां से question आता है 311 कौन सी वो तीन सिचुएशन है जहां पे हमें क्या जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स हमें यहां पर इनकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है फर्स्ट इज अगर क्रिमिनल चार्ज पे उसका क्या हुआ है स्टूडेंट्स कन्विक्शन हुआ है अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है वो इंक्वायरी होल्ड करना एंड थर्ड इज अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि नहीं ऐसी इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है तो बिना इंक्वायरी के उस पर्सन को हटाया जा सकता है नेक्स्ट इज थ्री ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कौन लॉ बना सकता है जो कि स्टेट एंड यूनियन के लिए कॉमन होगी दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें हो सकता है कि जल्द ही जुडिशरी को भी इंक्लूड किया जाए और 312 में जुडिशरी का भी जिक्र किया गया है क्रिएट कौन करेगा ऑल इंडिया सर्विसेज पार्लियामेंट क्रिएट करेगा कब जब इट इज फॉर द नेशनल इंटरेस्ट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट पास टू थर्ड वोटिंग कि ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज की हमको जरूरत है तो हमारा पार्लियामेंट क्या कर देगा स्टूडेंट्स ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टैब्लिश कर देगा या मैं कहूं तो क्रिएट कर देगा क्लियर है स्टूडेंट्स ओके चले आगे ओके नाउ वी विल डिस्कस यूपीएससी एसपीएससी एंड जेपीएससी दैट इज यूनियन में कोई भी सर्विसेज है स्टूडेंट्स तो ओके राइट जयशु जी अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी यूनियन पब्लिक सर्विस कोई भी यूनियन अफेयर्स में है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन उसके अपॉइंटमेंट करेगी स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन अपॉइंट करेगी तो चैप्टर नंबर टू ऑफ पार्ट नंबर थ्री हंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी हो सकती है टू और मोर स्टेट के लिए ज्वाइंट हो सकती है कब जब पार्लियामेंट क्या करे रेजोल्यूशन पास करे कि भाई रेजोल्यूशन बाय हाउस ऑफ दैट स्टेट्स तो रेजोल्यूशन पास होगा तो ही क्या होगा उन दो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए स्टूडेंट्स एक कॉमन ज्वाइंट अब मैं कहूँ तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा अब हमें देखना है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है तीनों में चेयरमैन एंड मेंबर होता है अपॉइंटमेंट कौन करता है यूपीएससी में जो भी चेयरमैन है ज्वाइंट में भी प्रेसिडेंट करता है लेकिन स्टेट में गवर्नर करने वाला है स्टेट में कौन करेगा गवर्नर करेगा ठीक है आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं आपको क्लैट के लिए टेन्योर कितना है इनका सिक्स ईयर्स और सिक्सटी फाइव ईयर है एसपीएससी का सिक्स ईयर्स और सिक्सटी टू ईयस है और इनका भी सिक्स ईयर या सिक्सटी टू ईयर्स है रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे ये भी प्रेसिडेंट को देंगे ये गवर्नर को देने वाले हैं सस्पेंशन प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा एंड गवर्नर के द्वारा रिमूवल क्या होगा यूपीएससी के मेंबर्स का मिसबिहेवियर हुआ है इंसॉल्वेंट हो गए हैं इनफर्म है काम नहीं कर पा रहे हैं या आउटसाइड ड्यूटी अगर उन्होंने एंगेज किया है तो उनको क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स रिमूव कर दिया जाएगा रिपोर्ट्स किसको सबमिट करेगा यूपीएससी प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको करेगा वो सारे स्टेट्स के गवर्नर्स को करेगा एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसको करेगा स्टूडेंट्स गवर्नर को वो रिपोर्ट सबमिट करने वाला है क्लियर है ओके okay. फंक्शन क्या क्या है अगर हम जाहिर सा सोचे यूपीएससी क्या करवाती है स्टूडेंट्स एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के फंक्शंस डिस्कस करें एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं ये लोग जितने भी हमारे मैटर्स हैं रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए प्रिंसिपल जो उनको फॉलो करने हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज पोस्ट उनके प्रमोशन हो गए कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर्स है कोई कोई भी वगैरह हुए तो क्लेम है है जो पर्सन कर रहा है जब 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 उसके उसके अगेंस्ट अगेंस्ट सूट सूट फाइल फाइल की गई थी, जब फाइल की गई गई थी थी कब वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की सर्विसेज दे रहा था क्लेम फॉर द रिवॉर्ड ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट टू ऐसी इंजरीज जो उसने सस्टेन की जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में सर्विसेज दे रहा था या ऐसी कोई भी एडवाइस जो प्रेसिडेंट या उसको रेफर करें क्या हम एक पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस को एक्सटेंड कर सकते और फंक्शंस ऐड कर सकते हैं बिल्कुल ऐड कर सकते हैं पार्लियामेंट या स्टेट पब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर उसको क्या कर सकता है स्टूडेंट्स एक्सटेंड कर सकता है नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस कौन कितना खर्च करेगा पब्लिक सर्विस कमीशन के खर्चे कितने होंगे वो चार्ज किस पे किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे हो सकता है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे हो सकता है अगर ये एसपीएससी है तो एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अगर ये यूपीएससी है तो चलो अब ये पॉइंट जरूरी है हमें ये देखना है अगर यूपीएससी या जेपीएससी मैम ऑगस्ट भी निकल गया वेट करते करते जुडिशरी का बैच नहीं आया आएगा जल्दी आएगा है ना मैम नोट्स भी प्रिपेयर करना है कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला सफिशिएंट रहेगा मैं तो क्लाट के स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ ये सफिशिएंट रहेंगे नोट्स बनाने में अभी अपना वक्त खराब मत करो जितना हो सकता है ये नोट्स ले लो और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्वेश्चन और प्रैक्टिस इज ओनली द की टू सक्सेस जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे और आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको क्या कर पाओगे स्टूडेंट्स उनको अप्लाई कर पाओगे क्लियर है चीज़ चलो आगे चले प्रोहिबिशन एस टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस थ्री हंड्रेड बहुत इंपॉर्टेंट कहता है बोलता है यूपीएससी चेयरमैन है तो भाई तुम आगे कहीं पर भी कोई भी पोस्ट या कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन बन गए ना यू देखो दो होता है यूपीएससी यूपीएससी एसपीएससी में चेयरमैन होता है और फिर मेंबर्स no होते हैं एसपीएससी में चेयरमैन होता है और फिर कौन होते होते हैं हैं मेंबर्स तो भाई तुम सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे थे उसके आगे तुम कुछ नहीं बन सकते हो लेकिन अगर यूपीएससी के मेंबर्स थे तो तुम यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो या फिर किसी एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हो और अगर तुम स्पेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे तो क्या बन सकते हो यूपीएससी के चेयरपर्सन बन सकते हो या फिर यूपीएससी के क्या बन सकते हो मेंबर भी बन सकते हो? तो यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकते हो मेंबर भी बन सकते हो और किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकते हो मतलब ऊपर वाली चीज कर सकते हो आप नीचे वाली पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं फिर है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर तो ये तो सबसे मतलब कंपैरेटिवली सबसे लोअर वाली जो है इसमें रैंक थी तो इस मामले में In the sense, मैं कर रही हूँ पर्सन स्टूडेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो वो क्या बन सकता है खुद की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है दूसरी स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन का चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है और वहां का मेंबर भी बन सकता है देखो चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी बन सकता है चेयरमैन ऑफ सेम एसपीएससी बन सकता है या चेयरमैन ऑफ अदर एसपीएससी बन सकता है क्योंकि है तो एसपीएससी का भी मेंबर ही है ना तो वो क्या कर सकता है वो आगे भी जा सकता है नहीं अभी फिलहाल ये इंग्लिश में ही है निशा जी जल्दी हो सकता है कि हम इसका नोट्स हिंदी में भी ले ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे फोर्टीन ए किससे ऐड हुआ था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट से टू थर्टी सॉरी थ्री ट्वेंटी थ्री ए एंड थ्री ट्वेंटी थ्री बी थ्री ट्वेंटी थ्री ए क्या बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होंगे Stablish कौन करेगा पार्लियामेंट करेगा क्यों क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स एंड मैटर्स को एडजोडिकेट करना चाहते हैं डिसाइड करना चाहते हैं रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट ताकि हम ये देख सके कि कोई भी पब्लिक सर्विसेज या पोस्ट में कोई पर्सन अपॉइंटेड है तो उसकी सर्विसेज क्या होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए एंड ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स

इज अर्बन प्रॉपर्टी के लिए इलेक्शन हाउस ऑफ पीपल या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रेंट ट्रिब्यूनल हो गए या कोई भी फूड स्टफ हो गया उनके सप्लाई या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है ठीक है इलेक्शन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट चलो फटाफट -फड़ से इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यस यस येलूटली विपुल इज मैम ट्रिब्यूनल आर मेड टू रिड्यूस दर्डन ऑफ द कोर्ट एबसोल्यूटली चलो इलेक्शन कमीशन पार्ट नंबर फिफ्टीन 324 से लेकर 329 क्या स्टेटस है इसका ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हर वो बॉडी है है जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है. तो ये क्या है स्टूडेंट्स ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं इंश्योर करते हैं कि सारे सिटीजन एलिजिबल सिटीजन पार्टिसिपेट करें अवेयरनेस भी यहां पे जनरेट की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका इलेक्शन पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एग्जाम में आ सकता है एग्जाम में काफी बार आता है कि किस तरीके से या कौन कौन सी चीजों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है क्या होता है? होता है है एक चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर होता है इलेक्शन कमिश्नर होता, होता है कितना होगा कितने नंबर के कितने सारे हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सीईसी ये प्रेसिडेंट डिसाइड करके बता देंगे और अगर चीफ इलेक्शन सॉरी पूरा हमारा इलेक्शन कमीशन बताए तो उनके उनको कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं कब तक रहेंगे ये, कितनी प्लेजर वही ग्राउंड है जिन ग्राउंड पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव होते हैं कौन से ग्राउंड पे होते हैं प्रूवड मिसबिहेवियर एंड इनके उसी ग्राउंड्स पे ये लोग रिमूव होंगे एंड अगर हम इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करें देखो बेटा ये हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस इलेक्शन कमिश्नर्स इन दोनों को मिला के ये क्या बनता है इलेक्शन कमीशन बनता है ठीक है तो ये सी आर का मतलब क्या इलेक्शन कमिश्नर और ये होता है Main, होता है है इनका चीफ मेन हेड चेयरमैन होता है ठीक है तो इनका रिमूवल कैसे होगा चीफ सॉरी इलेक्शन कमिश्नर्स का ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी अगर सीईसी रेकमेंड करे तो ही यहां पे इनका रिमूवल होने वाला है पावर्स एंड फंक्शन क्या है टेरिटोरियल एरिया डिसाइड करते हैं इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं नोटिफाई करते हैं कि भाई कब जो इलेक्शन है वो स्केड्यूल होगा रजिस्टर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल्स को इंश्योर करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाए ना आचार संहिता फॉलो किया जाए एंड उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं किसी भी पोल्स को इन द इवेंट ऑफ इरेगुलरिटीज और एनी रॉन्ग डूइंग लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे जो है वो गलतियां हो रही है और ये चीजें सही नहीं है तो इस चीज को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं हमारे इलेक्शन को ठीक है इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट इज टू थ्री ट्वेंटी फाइव यह बोलता है वन जनरल इलेक्टोरल रोल एक ही इलेक्टोरल रोल बनेगी हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल कोई भी पर्सन को आप मात्र इलेक्टोरल रोल से इन ग्राउंड पे नहीं निकाल सकते कौन सा रिलीजन रेस कास्ट सेक्स इन ग्राउंड पे आप किसी भी पर्सन को क्या नहीं रिमूव कर सकते इलेक्टोरल रोल से निकाल नहीं सकते 326 बोलता है एडल्ट सरफरेज हर वो पर्सन जो कि 18 का है उसको राइट right है स्टूडेंट्स वोट करने का 18 इयर्स पहले क्या था स्टूडेंट्स 21 वन ईयर था सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी एट में ट्वेंटी वन ईयर से एज को रिड्यूस करके ट्वेंटी टू ईयर्स कर दिया गया है एंड शुड नॉट बी डिस्कालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंस अनसाउंड माइंड क्राइम करप्ट और इीगल प्रैक्टिस क्लियर है ओके okay? क्लियर है एक बार यह चीज देखेंगे स्टूडेंट्स सेक्शन सॉरी आर्टिकल नंबर 326 ट्वेंटी सिक्स पे आएंगे ठीक है आर्टिकल नंबर थ्री ट्वेंटी सिक्स पे आएंगे कहीं हमने उल्टा तो नहीं लिखा है ना इसमें यस इट सेज इलेक्शन टू दी हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन दी बेसिस ऑफ एडल सफरेज ठीक है दैट इज टू से अ पर्सन हु इज हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट लेस देन एटीन ईयर्स ओके और हु इज नॉट लेस देन एटीन ईयर्स ऑफ एज ऑन सच डेट एज मे बी फिक्सड बाय इन दैट बिहाफ और अंडर एनी लॉ मेड बाई दोप्रियट लेचर एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्कालीफाइड अंडर दिट्यूशन लॉ मेड बाई दोप्रियट लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंट अस ऑफ माइंड मतलब यह क्या है यह क्या है उल्टा है मतलब दे शैल बी डिस्कालीफाइड यह डिसक्फाइड वही मैं सोचू ये क्या इन ग्राउंड में डिस्कालीफाइड होंगे ये ऑन नो स और नो कौशल्या जी बताएंगे सभी स्टूडेंट्स एक बार दिस इज वॉट दिस इज ये उल्टा बोल रहे है, कहने का मतलब ये है क्राइम है करप्ट है इनलीगल प्रैक्टिस है अनसाउंड वाइन है नॉन रेजिडेंस है इन ग्राउंड पे क्या हो सकता है उस पर्सन को हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं सो दिस इज द दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल यस और नो क्लियर है बराबर सही बोला अभी येस yes. तभी मैं बोलू ये कुछ तो उल्टा है शेल नॉट बी डिस्कॉलीफाइड क्या ऐसे भाई हम तो बोले हैं कि ये पर्सन डिसक्वालिफाइड है ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर नहीं कर सकते हैं ठीक है 327 बोलता है पार्लियामेंट के पास पावर है वो लॉ बना सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्पेशल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए किस मामले में इलेक्टोरल रोल डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिटेंसी या अदर कोई भी मैटर हो गए किसके रिगार्डिंग हाउस ऑफ पीपल या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के इन मामलों से रिलेटेड पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकते हैं तो इसी के साथ हम स्टेट लेजिस्लेचर का पावर थ्री में पढ़ेंगे थ्री ये बोलता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि खुद के इलेक्शन के प्रिपरेशन के लिए इलेक्टोरल रोल्स या दूसरे कोई भी मामले हो गए उसके लिए वो लोग क्या पकड़ सकते हैं लॉस बना सकते हैं ठीक है क्लियर है अब है 329 बोल रहा है बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा हमारे इलेक्टोरल मैटर्स से फॉलोइंग शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ये चीजें कभी भी कोर्ट में सवाल के तौर पे नहीं उठाई जाएगी पहला है वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू डिमिटेशन ऑफ द कॉन्टिटेंसिज ये जो कॉन्स्टिट्य की डिलिमिटेशन हुई है ये सही है गलत है इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा सीट्स अलॉटमेंट को कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सॉरी हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेचर को क्या नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स यहां पे नहीं लेके जाया जाएगा एक्सेप्ट बाय इलेक्शन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी अगर इस अथॉरिटी को आप इलेक्शन पिटिशन दे देते हैं तो फिर ऐसे मैटर्स को हम क्या कर कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हम यहाँ पे डील कर सकते हैं कोर्ट में ठीक है चलिए स्पेशल प्रोविजन ये वाला ये वाला स्टूडेंट्स अच्छे से सुनेंगे स्पेशल प्रोविजन स्पेसिफिकली जो हम बात कर रहे थे किसकी स्टूडेंट्स कमीशंस की बात कर रहे थे और एंग्लो इंडियन के सीट्स की बात करेंगे दो लोगों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं एस सी एन एस टी की और वो भी दो जगह पे बात कर रहे हैं अगर हम एस सी एन एस टी की सीट्स के रिजर्वेशन की बात करें तो कर सकते हैं 330 में हाउस ऑफ पीपल में उनकी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं 332 में हम उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अगर हम बात करें एंग्लो इंडियन के सीट्स की रिजर्वेशन की वो भी अलाउड था कब अलाउड था? 331 में हम हाउस ऑफ पीपल में दो एंग्लो इंडियंस की सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं रिजर्वेशन वो रिजर्वेशन सीट्स हो कहा हो रहा है यहां पर देखो थ्री थर्टी एंड थ्री थर्टी टू थ्री थर्टी थ्री में क्या हो रहा है थ्री थ्री में एंग्लो इंडियन की सीट रिजर्व हो रही है स्टेट असेंबली में दैट इज विधानसभा लोकसभा लोकसभा एंड विधानसभा में क्या कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स हम यहां पे सीट्स को रिजर्व कर रहे हैं तो विधानसभा में कितनी हो रही थी एक एंग्लो इंडियन की हो रही थी चल रहा था अलाउड था कोई समस्या नहीं हो रही थी लेकिन

अब ये 2030 तक के लिए रिजर्वेशन 330 और 332 का 20 इयर्स सॉरी 10 इयर्स के लिए रिजर्वेशन और बढ़ गया लेकिन इसके साथ ही क्या किया गया अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेटिंग टू मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो हम लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं उसको भी रिमूव कर दिया गया यस yes, वन से हुई है ये दोनों चीजें ठीक है थ्री क्या देखना है लॉ सेंटेंस क्या हुआ अक्षय अक्षय जी बताओ थ्री ट्वेंटी सिक्स में क्या देखना है सेक्शन नहीं क्या बताओ थ्री ट्वेंटी सिक्स में क्या देखना है थ्री ट्वेंटी सिक्स को हम यहाँ जो है क्लियर कर चुके और कुछ देखना है तो मुझे थोड़ा क्लियर करके बताओ थोड़ा ऐसा वेग चीज मत बताओ ताकि मैं थोड़ा क्लियर रहूं कि एग्जैक्टली करना क्या है ठीक है आगे सुनो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कुछ नेशनल थ्री थर्टी एट में नेशनल है के लिए एंड थ्री थर्टी एट में नेशनल कमीशन है किसके लिए सोशली एंड एक्वर्ड एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए अब देखो अगर मैं बात करूं कि हुआ स्केडूल कास्ट तो थ्री फोर्टी वन डिफाइन करता है स्केड्यूल कास्ट वो है जो कि प्रेसिडेंट गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद किसी कास्ट रेस या ट्राइब ऑफ स्केड्यूल ट्राइब को स्केड्यूल कास्ट के तहत नोटिफाई कर दे। अगर प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल करने के बाद किसी कास्ट, रेस या ट्राइब को बोले बता दे या फिर ये ये नोटिफाई कर दे पब्लिक नोटिफिकेशन में 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 कि कास्ट कास्ट की की कैटेगरी कैटेगरी आने वाले हैं, तो 341 के पर्पस के पर्पस लिए वो 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 क्या होने वाला है? वो, वो इनो को एस टी को डिफाइन किया गया थ्री फोर्टी टू में यहां पर भी बोला कि हर उस ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी जो कि प्रेसिडेंट को उचित लगे गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद उसको क्या बना दिया जाएगा एस टी की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कैसे ऐड किया गया हंड्रेड एंड अमेंडमेंट 2018 से ऐड किया गया एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कौन सी होती है जो कि प्रेसिडेंट गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद ये स्पेसिफाई करें कि वो सोशली एंड एजुकेशली बैकवर्ड क्लासेस जो कि सेंट्रल लिस्ट में है, वो एजुकेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होगी किसी किसी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दोनों के लिए ऐसा कौन कर सकता है ऐसा प्रेसिडेंट बता सकता है हमारे गवर्नर की कंसल्टेशन के बाद अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी किसी को भी डाउट किसी को भी डाउट अब डाउट नहीं है तो हम आगे चलेंगे जहां हम डील करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट सोनो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बाजा शैली होने वाली है चार चीजें हैं यूनियन की लैंग्वेज बता दो मैम हमको रीजनल लैंग्वेज बता दो लैंग्वेज ऑफ स्टेट को स्टेट को आई मीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बता दो एंड स्पेशल डायरेक्शन तो यूनियन की लैंग्वेज क्या होगी थ्री फोर्टी थ्री बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या रहेगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट रहेगी लेकिन साफ साफ बोला कि जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट हो रहा है उसके 15 ईयर्स तक इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया एंड आफ्टर 15 ईयर्स अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट लॉ बना के बोल सकती है या तो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स क्या रह सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन रह सकती है हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स क्या बोला आफ्टर फिफ्टीन ईयर फिर आता है रीजनल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज मतलब अगर कोई स्टेट में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जा रही है कोई कम्युनिटी वहां पे बोल रही है तो उसको कैसे रिकोगनाइज करना है फोर थ्री फोर्टी फाइव बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर अडॉप्ट कर सकती है कोई भी ऐसी लैंग्वेज को विच इज यूज इन दैट स्टेट या फिर हिंदी को भी खुद की स्टेट लैंग्वेज रिकोगनाइज कर सकती है ओके okay? आगे सुनो फिर बोला जा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द अगर दो स्टेट्स आपस में कम्युनिकेशन भेज रहे हैं आदान प्रदान कर रहे हैं कोई भी लिखित चीज का देन देन इन इन दैट दैट केस केस तो क्या मैम पे उनकी खुद की एक ही पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज होगी क्या अगर राजस्थान मान लो गुजरात से महाराष्ट्र में जा रहा है महाराष्ट्र से गुजरात में तो उन दोनों स्टेट की कम्युनिकेशन क्या होगी या अगर वो यूनियन से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होने वाला है तो उन्होंने बोला लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी यूज जो यूनियन की लैंग्वेज है वही यूज करेंगे अंटिल अनलेस दोनों स्टेट एग्री कर ले कि चलो ठीक है हम दोनों स्टेट क्या करेंगे हिंदी लैंग्वेज को अपने कम्युनिकेशन का माध्यम बनाएंगे 346 के बाद 347 ये बोलता है लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पीपल और पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट स्टेट अगर state में कोई पर्टिकुलर है जो एक प्रकार की लैंग्वेज बोलती है तो प्रेसिडेंट को अगर आप सेटिसफाई कर दो कि ये लैंग्वेज हम बोलना चाहते हैं इसको रिकोग्नाइज करवाना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट ये डायरेक्शन देंगे दिस लैंग्वेज टू बी यूज फॉर दिस लैंग्वेज टू बी ऑफिशियली रेकग्नाइज ठीक है क्लियर है हाँ जी प्रियंका जी क्लियर है ज इट इट डिपेंड्स सूर्यवंदा जी ये पार्लियामेंट के ऊपर है पार्लियामेंट चाहे तो बोल सकती है कि आप इंग्लिश यूज कर लो या फिर आप इट इज कम्प्लीटली द दिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो वो इंग्लिश कर लेंगे अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है हिंदी यूज करना तो हिंदी कर लेंगे ठीक है क्लियर है अक्षय राज क्या बोल रहे हैं द पर्सन इज एंटाइटल टू रजिस्टर्ड वोटर डिस्कालीफाइड ऑन दी ओके आई कम टू सिक्स वापस से ठीक है एल कम टू थ्री ट्वेंटी सिक्स वापस से ठीक है एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ मेड बाय द एप्रोप्रियट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंस एंड साउंडनेस ऑफ माइंड एलकम टू थ्री ट्वेंटी सिक्स अगेन 326 पे हम लोग वापस आएंगे एक बार ये ये पॉइंट कवर करते हैं उसके बाद 326 ट्वेंटी के इंटरप्रिटेशन पे वापस से आएंगे और 326 तब तक आप सभी लोग पढ़ सकते हैं ठीक है अक्षय जी वेलकम टू दिस पॉइंट अगेन ठीक है जल्दीबाजी में ऐसे नहीं कि हम लोग कोई कोई पर्टिकुलर पॉइंट uh, का जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन कर लें ठीक है चलो लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट

अब सुनो डायरेक्टिव स्पेशल डायरेक्शन दिए जा रहे हैं लैंग्वेज रिकॉग्निशन के लिए जहां आर्टिकल 350 बोल रहा है लैंग्वेज टू बी यूज फॉर द एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस मान लो किसी को ग्रीवियंस एड्रेस कर उसको वो लैंग्वेज नहीं आती जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है तो इन दैट केस वो अपनी खुद की लैंग्वेज में एनी लैंग्वेज यूज इन यूनियन और स्टेट कोई भी लैंग्वेज जो कि यूनियन या स्टेट में यूज होती है उसमें क्या कर सकता है अपने ग्रीवियंस को एड्रेस कर सकता है फैसिलिटीज फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज क्या बोला है ये बोल रहा है कि कोई भी चिल्ड्रेन है बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक और माइनॉरिटी ग्रुप्स बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप तो प्रेसिडेंट यह डायरेक्शन दे सकते हैं कि प्राइमरी स्टेज पे उनको मदर टंग क्या, क्या किया जाए इंस्ट्रक्शन दिया जाए जो उनकी वहां की खुद की लैंग्वेज है उनसे रिगार्डिंग भी उनको क्या किया जाए ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाए ठीक है ठीक है आगे चलेंगे सुनो नेक्स्ट इज आर्टिकल 350 बी जो बोलता है एक स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए जो कि अपॉइंट कौन करेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे 351 में बोला है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट देवनागरी ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट देवनागरी और हिंदी लैंग्वेज नॉट देवनागरी ड्यूटी टू प्रमोट एंड डेवलप हिंदी लैंग्वेज ठीक है ओके क्लियर है चलो आगे चलेंगे ये लैंग्वेज का एक और पार्ट डील करेंगे फिर एमरजेंसी है और फिर हमारे पास अमेंडमेंट है दैट्स इट ओके चलो लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट क्या रहेगी अगर हम 120 देखें जब स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस कर ली तो पार्लियामेंट की भी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे जहां ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी वो यूनियन की लैंग्वेज थी अलग है यूनियन की लैंग्वेज अलग है एंड पार्लियामेंट की ये लैंग्वेज है राइट विवेक जी आई थिंक आपको पता चल गया कि अगली स्लाइड यही रहेगी ठीक है तो यूनियन सॉरी पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी रह सकती है 120 में दिया मदर टंग भी यूज की जा सकती है ऐसे मेंबर द्वारा जिसको कि क्या नहीं है उस दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज का ज्यादा नॉलेज नहीं है हंड्रेड एंड सॉरी टू हंड्रेड टेन किसकी बात करता है लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर सेम प्रावधान है हिंदी या इंग्लिश यूज की जा सकती है एंड जिस पर्सन को ऐसी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है तो वो अपनी मदर टंग में भी ऐसी चीजों के बारे में बता सकता है ठीक है थ्री ट्वेंटी सिक्स पे अभी हम वापस आएंगे स्टूडेंट्स थ्री ट्वेंटी सिक्स को वापस से समझेंगे एक बार अच्छे से ठीक है तब तक आप इसको पढ़ के रखें अपना इंटरप्रिटेशन तैयार रखें हम इमरजेंसी डिस्कस करते हैं ठीक है तीन इमरजेंसीज होती है नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कहां दे रखी है स्टूडेंट्स 352 में दे रखी है ग्राउंड अच्छे से याद रखना क्या आता है ग्राउंड में वॉर है एक्सटर्नल एग्रेशन है आर्म रेबिलियन है इंटरनल डिस्टर्बेंस को फोर्टी अमेंडमेंट नाइनटीन से स्टूडेंट्स रिमूव कर दिया गया क्या ग्राउंड है हमारे स्टेट इमरजेंसी के स्टेट मशीनरी फेल हो चुकी है तो उस मामले में नेशनल नहीं स्टेट इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है 356 में 365 में क्या होता है यूनियन के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को अगर कंप्लाई करने में स्टेट फेल हो चुकी है तो उस केस में यूनियन वहां पे क्या कर सकती है आई I मीन mean टू से प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट्स रूल क्या कर सकते हैं इंपोज कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होती है जब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है या थ्रेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या क्रेडिट ऑफ द कंट्री को तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है नेशनल इमरजेंसी स्टूडेंट डिक्लेयर कैसे होती है प्रेसिडेंट इंपोज करते हैं ऑन दी ऑन दी डायरेक्शन ऑफ दी यूनियन कैबिनेट स्टेट इमरजेंसी कब करते हैं जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिले गवर्नर से और फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट खुद इंपोज कर देते हैं

कंट्री के किसी हिस्से पे लग सकती है स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो पर्टिकुलर स्टेट में लगेगी नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे कंट्री पे या स्पेसिफिक पार्ट पे लग सकती है इनिशियल ड्यूरेशन वन मंथ होता है इनका टू टू मंथ होता है तभी तो इस डेट से एक महीने के अंदर अंदर हमारे दोनों हाउसेस को से अप्रूव करना होता है अगर हम बात करें इसके एक्सटेंशन की तो ये सिक्स मंथ्स एट ए टाइम एक्सटेंड हो सकता है हर सिक्स मंथ्स के बाद आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसको अनंत काल तक के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम कितना भी चाहो आप उसको नेशनल इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन स्टेट इमरजेंसी सिक्स मंथ्स एट ए टाइम होगी लेकिन तीन साल से ज्यादा के लिए स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की जा सकती है क्लियर है ओके okay. यस yes, 360 अभी तक नहीं लगी है एंड हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक लग सकती है रिवोकेशन कैसे किया जा, तो रिवोक जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज करोगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिवोक किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा रिवोक किया जा सकता है एंड अगर सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा पास कर दे सिंपल मेजॉरिटी से तो हमारी इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है इंपोजिशन अभी तक तीन बार हो चुकी है 125 से भी ज़्यादा हो चुकी है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक स्टूडेंट्स क्या नहीं हुई है इंपोज नहीं हुई है अब बात करेंगे इफेक्ट की क्या इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी जब भी स्टूडेंट्स इंपोज की जाती है <coughs> नेशनल इमरजेंसी जब भी इंपोज की जाती है स्टूडेंट्स तो लेजिसलेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अच्छे से देखना तो आर्टिकल 353 ये कहता है दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन के हैं वो स्टेट तक एक्सटेंड करेंगे कि हम तुमको डायरेक्शन दे देंगे 355 356 कनेक्ट करो यहां पे देन इट सेज दैट पार्लियामेंट शैल मेक लॉज ऑन द अदर सब्जेक्ट्स मतलब कि जो स्टेट के पावर्स हैं स्टेट की लिस्ट है उसके ऊपर हमारा पार्लियामेंट क्या करेगा स्टूडेंट्स पावर्स बना सकता है देन आगे क्या होगा 354 में सेंटर के पास पावर आ जाएगा कि वो रिवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा विद प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट मेक्स एन ऑर्डर

लगी है तो मैक्सिमम अप जब नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट में है एंड अप टू सिक्स मंथ जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के मैक्सिमम सिक्स के बाद तक क्या रहेगी हमारी हमारा आ, लोकसभा का पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा

ट ऑर्डियस ऑर्डिनेंस प्रोमोगलेट कर सकते हैं एंड एस आर गोमाई में क्या बोला गया स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड हमने गाइडलाइंस देखी है वहां पर नेशनल इमरजेंसी में क्या सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा स्टूडेंट्स सेम चीजें होगी यह है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास स्टेट के सारे फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर क्या होगा पावर्स लेने का एक्सरसाइज पावर्स एक्सरसाइज करने का पावर आ जाएगा

आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा ये कहता है 358 फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट्स आर्टिकल 358 ये कहता है जब जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी हमारा आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा एंड आर्टिकल 359 ये कहता है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट right को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स alter कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 के अलावा क्या, क्या जा के हमारे, हमारे किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन किया जा सकता है स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट करेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में दैट इज पार्ट जो डील करता है अमेंडमेंट से रिगार्डिंग हम ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्वेंटी टू को स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे हम याद आ रहा है ट्वेंटी टू को हम डेफिनेशन रिपील सेविंग रिपील एक बार जरूर देख लेना सेविंग जो हो गया है या मैं कहूं आपको से कमेंसमेंट एंड शॉर्ट टाइटल हम स्टार्टिंग में डील कर चुके हैं। अमेंडमेंट डील करते सुनो 368 ये कहता है हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है दो चीजें करने का अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड उसके साथ अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है तीन तरीके से एडिशन कर सकता है वेरिएशन कर सकता है या रिपील कर सकता है लेकिन 368 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर्स ही नहीं देता उसकी प्रोसीजर भी बताता है ये ध्यान रखना अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ अमेंडिंग पावर्स दे रखा है या और भी कोई पावर्स दे रखा है तो वहां पर प्रोसीजर का पावर भी दे रखा है थ्री तब तक सभी स्टूडेंट्स पढ़ के रखेंगे

More than 50%, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसके फिफ्टी परसेंट लोग अगर स्टूडेंट्स वोट करते हैं तो वो हो जाती है सिंपल मेजोरिटी लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशल मेजोरिटी की तो यह मामला अलग इट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उस जो मेंबर्स प्रेजेंट है उसके टू थर्ड मेंबर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे एंड वोट करेंगे सपोर्टेड बाय मोर देन 50% परसेंट ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी हाउस आगे उसको किससे सपोर्ट किया जाना चाहिए हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 50% परसेंट जब उस चीज को सपोर्ट करे हम कहते हैं ये होती है स्पेशल मेजोरिटी यही बात करें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ दी मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स तो यह स्पेशल मेजोरिटी प्लस हमारे स्टेट्स दैट इज जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उसमें से मोर देन हाफ स्टेट दैट इज मोर देन फिफ्टी परसेंट स्टेट अगर उसको रिकोगनाइज कर देतेफिकेशन कर देते इट इज सेट टू बी अ थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट अब ये कहां, कहां आती है ये पूरा आपका चार्ट है जिसमें से मैं आपको कहूंगी कि आपको सिंपल और स्पेशल वाली अच्छे से याद रखनी है ये लिस्ट आपका डेफिनेटली होमवर्क रहेगा कि आपको ये सारे क्लॉजेस याद रखने हैं कि कहां कहां पे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट के लिए कहां कहां पे स्पेशल की जरूरत पड़ती है और कहां कहां पे स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है इजी वे में कैसे बनाएं जितना ज्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको रेटिफा सॉरी uh, इसको क्या कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं कवरिंग इन नेक्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे डॉक्टरिन पे वैसे भी आपकी क्लास लेनी ही है तो जितने भी सेगमेंट्स हमने पढ़े उसके लिए डॉक्टरिन की एक लगभग घंटे डेढ़ घंटे की एक अलग से क्लास होगी अमेंडमेंट की एक अलग होगी क्योंकि जेलों में ये पूछे जाते हैं नंबर गवा के आओगे फिर वरना वहां पर चलो लेट्स कम बैक टू सेक्शन नंबर एक ट्वेंटी 326 वाला सेगमेंट देख लेंगे एक बार, 326 वाला segment देख देख लेंगे students और उसके बाद आज का सेशन हम खत्म करेंगे, ठीक है? Clear है। Klatt वालों को आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं अगर सेक्शन बोल दिया है मैंने तो माफ करना क्योंकि हम लोग इतने टाइम से दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ड सेक्शन निकल जाता है अदरवाइज इट इज आर्टिकल अनुदू थ्री ट्वेंटी सिक्स

अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिसक्वालीफाई नहीं करता तो वो वोटर एलिजिबल है और एनी लॉ मेड बाय द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंस प्लीज स्टूडेंट्स हेल्प मी इन इन हेल्पिंग आउट दिस 326 में ये बोल रहे थ्री ट्वेंटी सिक्स में ग्राउंड होते हुए डिस्कवालीफाई नहीं होंगे देखो वर्ड पढ़ो अच्छे से एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्कालीफाइड वो पर्सन क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स हर वो पर्सन वोट दे सकता है जो कि 18 से बिलो नहीं है जो कि लॉ द्वारा डिसक्वालिफाइड नहीं है या फिर क्या नहीं है लॉ मेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर या तो लॉ के द्वारा डिस्कवालिफाइड नहीं है या ऐसे लॉ के द्वारा जो एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ने बनाया है ऑन दी ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्राइम करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस शेल बी एंटाइटल टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर एट सच स्टेट एंड इलेक्शन बताओ सो व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू 326, आर दे डिस्कालीफाइड और आर दे नॉट डिस्कालीफाइड बताओ हां जी बाकी और लेक्चर में कोई भी डाउट है तो बताओ ताकि हम फिर सेशन को ओवर करेंगे चलो पब्लिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे ओके okay. अच्छा स्टूडेंट्स एक ये टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस याद रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स uh, में आपको कौन कौन से स्टेट का जिक्र कर रखा है स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का आपको ध्यान रखना है प्रोवाइडेड आई वुड आल्सो गो विद कि ये लोग थ्री है 326 में बट स्टिल हम लोग एक बार इसको रिकंसिडर कर लेंगे बट अकॉर्डिंग टू मी दैट दे विल फॉल इन दैटेगरी ऑफ हाँ इन ग्राउंड्स पे उसको सफर करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू मी दे विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ डिस्कालीफिकेशन फिर भी इस पॉइंट को मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बार रिकंसिडरेशन के पॉइंट पे जरूर रख देंगे ठीक है ताकि ये ना हो कि मैम ने गलत कॉन्सेप्ट जो है वो डाल दिया यहां पे, ठीक है चलो सभी स्टूडेंट्स से ध्यान रखेंगे अगले संडे को हम सभी स्टूडेंट्स मिलेंगे किस चीज के लिए डीपीसी के लिए दैट इज ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग लगभग दो तीन घंटे का वो सेशन रखेंगे लेकिन उससे पहले कल हम सभी स्टूडेंट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जेलो की सीरीज के पीवाई क्यूज के लिए जहां पे 2013 थाउजेंड थर्टीन एंड टू के 300 क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं लगभग दो ढाई घंटे में हम इन 300 क्वेश्चंस को निपटा देंगे ट्वेंटी एट ऑगस्ट है कल ये सेगमेंट को हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट्स निपटा देंगे और कोई भी डाउट है और सेशन कैसा लगा है डू लेट मी नो बिलीव मी ये सारी पीपीटीज खुद से जब बना के लाते हैं तो ऑब्वियसली अपने आप पे प्राउडी फील होगा एंड खुद से इसलिए भी इन पीपीटीज को एग्जॉस्टिव बनाया जाता है ताकि ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हेल्प कर सके आई नो वी कुड हैव डन इट हैंड रिटन लेकिन हैंड रिटन में आई थिंक स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम लग जाता है काफी चीजें इतनी सारी चीजें हम नहीं लिख पाते एक साथ है ना Doctrines हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे अलग से मुझे वैसे भी आपके डॉक्टर के लिए सेगमेंट सेगमेंट लेना है तो मैं अलग से इसका Doctrine का ऑब्वियसली लेने वाली जेलो के कल नहीं रखेंगे कल क्लासेज है है ना क्लासेस का यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है कल ऑब्वियसली आपके क्लाट की क्लासेस भी रहने वाली है कल राइजर एंड अचीवर बैच में भी स्टूडेंट्स को मैं क्लास देने वाली हूँ और सुबह हम लोग नौ बजे डेफिनेटली मिलने वाले हैं ठीक है क्लियर है पीडीएफ में फिर से बता दूं स्टूडेंट्स आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडब्ल्यू लॉ वाला जुडिशरी टेलीग्राम चैनल से फिर से मैं सेशन में कमेंट देखूंगी मैम पीडीएफ डाउनलोड कहां से करना है सेशन में बार बार मैंने बोला है पीडब्ल्यू लॉ वाला टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो शाम को आठ नौ बजे तक पीडीएफ देख लेना आराम से ये पीडीएफ वहां तक आ जाएगी एक्सपेक्टेड है वेकेंसी ऑगस्ट एंड तक आ जाएगी आपकी जेलो के एस्पिरेंट्स ध्यान रखेंगे आरपीएससी ने नया एक गाइडलाइन निकाला है जो फाइव कॉलम्स आपको देने वाले फिफ्थ कॉलम को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है अगर आप फोर ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा अगर फिफ्थ ऑप्शन को भी आपने क्लिक नहीं किया तो सो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स एंड इसी तरीके के पूरी जेलो सीरीज को मैंने पूरा करने का वादा आपसे किया जिसमें से अब सिर्फ दो सब्जेक्ट्स बचते हैं एंड दैट इज डीपीसी एंड सी सी जो कि लगभग पूरा आपका सी सी का ही सेगमेंट है थोड़ा सिविल मामला रहता है तो उसको सिविल uh, uh, जो सब्जेक्ट्स है उसको हम कवर करते हुए आपका डीपीसी एंड सी सी भी कवर कराएंगे सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड टूडेज सेशन आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस सेशन नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन टिल देन थैंक यू थैंक यू सो मच